हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे, आज हम अपना टॉपिक पढ़ने लगे हैं कंपनी लॉ में, जिसका नाम है चार्जेस। व्हेन वी टॉक अबाउट चार्जेस, तो कई लोग इसे चार्जेस भी बोलते हैं या रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। ये कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 77 से लेके 87 तक गिवन होता है बच्चे। और ये चैप्टर स्पेसिफिकली जून 19 और दिसंबर 19 के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जनवरी 19 के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई है। क्लियर है ये बात? When we talk about charges, तो सर charges का मतलब क्या होता है? What do you mean by the word charge? सर ये chapter section 77 से 87 जो 11 sections हैं, ये किस चीज से related है? बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मैं ईमानदारी से बिल्कुल basic level से zero से बात करूं, तो charge का मतलब क्या होता है? Charge का मतलब हिंदी में होता है गिरवी रखना। अब आप बोलोगे सर गिरवी रखने को तो हमने कभी pledge सुना था या हमने कभी mortgage सुना था, yes or no? अगर मूवेबल चीज को हम लोग गिरवी रखते हैं तो हम उसे प्लेज बोलते हैं, और अगर इमूवेबल चीज को हम लोग गिरवी रखते हैं तो उसे मॉर्गेज बोलते हैं। सुना कभी आपने? बेटा गिरवी में सिर्फ ये दो ही चीजें नहीं आती, प्लेज और मॉर्गेज, और भी चीजें आती हैं। जितने भी गिरवी रखने के, जितने भी सिक्योरिटी रखने के तरीके हैं, उन सबके लिए एक कॉमन टर्म है, दैट इज नोन एज चार्ज। ये बात समझ आ रही है? जब मैं बोलूंगा कंपनी ने, देखिए ध्यान से सुने मेरी बात, कंपनी ने प्लेज किया मतलब कंपनी ने अपनी मूवेबल एसेट को गिरवी रखा, कंपनी ने मॉर्गेज किया मतलब कंपनी ने अपनी इमूवेबल एसेट को गिरवी रखा, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया, अब इसका मतलब है इट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। तो चार्ज इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स प्लेज एज वेल एज मॉर्गेज। इतनी बात समझ आती है हमें, राइट? लेकिन क्या सर चार्ज में सिर्फ प्लेज और मॉर्गेज ही आता है या और भी चीजें आती है? एक बात सुनिएगा बड़े ध्यान से, इस चैप्टर को हम लेयर बाइज लेयर पढ़ेंगे। पहली लेयर पढ़ेंगे वो उतरेगी, फिर सेकंड लेयर पे आएंगे, फिर थर्ड लेयर पे आएंगे। क्या कहना चाह रहे हो सर? जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। अभी तक मैंने इस चैप्टर की क्या रेलेवेंस है ये नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ क्या बताया, चार्ज का मीनिंग क्या है हिंदी के अंदर। चार्ज मतलब किसी चीज को गिरवी रख के लोन लेना, यस और नो? कंपनी ने अपनी बिल्डिंग गिरवी रख दी, हम बोलते हैं कंपनी ने बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट कर दिया। कंपनी ने अपना शिप गिरवी रख दिया, हम बोलते हैं कंपनी ने शिप पे चार्ज क्रिएट कर दिया। कंपनी ने अपनी यू कैन से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल गिरवी रख दिया, तो हम बोलते हैं कंपनी ने रॉ मटेरियल पे चार्ज क्रिएट कर दिया। मतलब चार्ज किसी भी चीज पे क्रिएट हो सकता है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। ये बात समझ आती है? क्लियर है सबको? देखो मेरी बात को सुनना, लिखना मत, मैं बार बार कह रहा हूं, सुनिए बेटा। देखिए मैं कह रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक के पास जाके इनके पास गिरवी रख दी कोई सिक्योरिटी, ठीक है जी? क्लियर है? जो सिक्योरिटी गिरवी रखी उसके बदले में ऑब्वियसली बात है लोन भी लिया होगा, से लोन ले लिया ₹500 करोड़ का, ठीक है जी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक के पास जाके कोई प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखी और उसके बदले में बच्चे 500 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, राइट? सिंपल है जी। अब सुनिए सर, ये जो लोन लिया है और ये जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, और आप कह रहे हो दिस प्रॉपर्टी कैन बी इमूवेबल, यस और नो? सर हमें इतना पता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल होती है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को प्लेज बोलते हैं, एंड इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हाँ या ना? सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो हम इसे मॉर्गेज बोलते हैं, एंड मॉर्गेज इज गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये बात समझ आ रही है? प्लेज इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड मॉर्गेज इज गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, राइट जी? लेकिन अब आप सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं ध्यान से। सर रिलायंस ने अपनी सिक्योरिटी को गिरवी रखा और 500 करोड़ का लोन लिया, सर ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा तो आप कह रहे हो प्लेज है, इमूवेबल को रखा तो मॉर्गेज, और जनरल लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं? चार्ज। लेकिन माय पॉइंट इज कि हमें सर कभी कभी कंपनी ना प्लेज करती है ना मॉर्गेज करती है, कभी कभी कंपनी करती है हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन, और ये जो तीनों चीजें हैं, दैट इज प्लेज मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन, इन तीनों चीजों को मिला के जो होता है हम उसे बोलते हैं चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ
कि चार्ज का क्या मीनिंग है. व्हेन एवर कंपनी इज टेकिंग लोन फ्रॉम समवन एंड कंपनी इज कीपिंग इट्स एसेट्स एज अ सिक्योरिटी, इफ सच एसेट इज मूवेबल देन इट इज प्लेज, इफ इट इज इमूवेबल इट इज मॉर्गेज. कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, चार्ज. ये बात तो समझ आ गई. सर ये हाइपोथिकेशन क्या होता है? आपने कहा कि एक मूवेबल होता है एक इमूवेबल होता है, ये तो समझ आ गया. हम मूवेबल चीजों को प्लेज करते हैं, इमूवेबल चीजों को मॉर्गेज करते हैं. लेकिन सर ये हाइपोथिकेशन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से. हाइपोथिकेशन क्या होता है? जब आपने कोई नई एसेट खरीदने के लिए बैंकर से लोन लिया, आप बैंकर के पास जाते हो और बैंकर को बोलते हो कि हमें ये नई एसेट परचेज करनी है, हमें लोन दे. बैंकर कहता है लोन तो मैं दे दूंगा, गिरवी क्या रखोगे? आप कहते हो वही एसेट जो मैं खरीदने वाला हूं. मतलब व्हेन यू आर सीकिंग लोन फ्रॉम द बैंकर और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू परचेज एनी न्यू प्रॉपर्टी, न्यू एसेट, और उसके बदले में आप वही एसेट बैंकर के पास गिरवी रख दोगे, दैट इज हाइपोथिकेशन. मेरी बात सुनिएगा ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं. सुनिए, मेरे पास एक गाड़ी है i20, वो i20 गाड़ी मैंने आपके पास गिरवी रखी और आपसे 3 लाख रुपए का लोन ले लिया, हम उसको बोलेंगे प्लेज. मेरे पास i20 कार है, i20 मैंने आपके पास गिरवी रखी और आपसे लोन ले लिया, उसको क्या बोलेंगे, प्लेज. ये बात समझ आई. लेकिन मैं बैंकर के पास गया, मैंने कहा मुझे i20 कार खरीदने के लिए लोन चाहिए, 9 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 4 लाख है, 5 लाख तू दे दे, मैं EMI देता रहूंगा, तो वो प्लेज नहीं है, वो हाइपोथिकेशन. ये बात समझ आई हमें? यस और नो, क्लियर है? गाड़ी गिरवी रख रहा हूं, पैसे ले रहा हूं, ये क्या है, प्लेज. भाई गाड़ी दे दे, गाड़ी लेने के लिए लोन ले रहा हूं और वही गाड़ी तेरे पास गिरवी होगी. सुनना ध्यान से, प्लेज में और हाइपोथिकेशन में फर्क क्या है? प्लेज में आप गाड़ी सामने वाले को दे देते हो, प्लेज में देयर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये बात समझ आ रही है. पर हाइपोथिकेशन में क्या गाड़ी हम यूज करते हैं, बैंकर को दे देते हैं? हम यूज करते हैं, बैंकर को थोड़ी देते हैं, हाँ या ना, क्लियर है? तो हमें ये चीज समझ आ रही है कि मूवेबल, इमूवेबल और हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन, तीनों में डिफरेंस क्या है? मूवेबल चीज आपको दे दी, पैसे ले लिए, वो क्या है, प्लेज. इमूवेबल चीज गिरवी रखी, पैसे ले लिए, वो क्या है, मॉर्गेज. आपसे कोई भी एसेट मूवेबल या इमूवेबल खरीदने के लिए मैं लोन ले रहा हूं और लोन लेने के बदले में वही एसेट आपके पास गिरवी रख रहा हूं, वो क्या है, हाइपोथिकेशन. क्लियर है बात? जवाब दो. तो याद रहेगा जब बैंकों से हम लोन लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, वो क्या होता है, हाइपोथिकेशन. अब देखिए इधर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं व्हेन एवर लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, व्हेन एवर लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू परचेज दी एसेट एंड सच एसेट इज केप्ट एज सिक्योरिटी, वही एसेट जब हम सिक्योरिटी की तरह रख देते हैं विद लेंडर, उस बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, इट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन. इट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन. तो क्या हमें इतनी बात समझ आई? प्लीज हमसे कोई पूछे हाइपोथिकेशन क्या होता है या चार्ज क्या होता है, ये बात समझ आई? चार्ज का मतलब है कि कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी किसी के पास जाके अपनी एसेट गिरवी रख रही है और लोन ले रही है. अगर वो एसेट मूवेबल है तो वो प्लेज है, इमूवेबल है तो वो मॉर्गेज है, और अगर नई एसेट खरीदने के लिए ले रही है तो वो हाइपोथिकेशन है. तो अगर मेरे से कोई लेमैन लैंग्वेज में पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, देखिएगा इधर, मैं बोलूंगा चार्ज इज इक्वल्स टू प्लेज प्लस मॉर्गेज प्लस हाइपोथिकेशन. यस और नो, जवाब दो. अच्छा, क्या एक आम आदमी को, एक इंडिविजुअल को, एक प्रोप्राइटर को ही लोन की जरूरत पड़ती है क्या? जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, क्या सब लोन नहीं मांग सकते? तो जब कंपनी लोन ले रही है और एसेट गिरवी रख रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज. तो क्या हमें चैप्टर का चार्जेस वर्ड का मतलब समझ आया? देखो, जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, चार्जेस. चार्जेस का मतलब क्या है कि जब भी कंपनी कोई लोन ले रही है, कोई एसेट गिरवी रख रही है, सिंपल सी बात है. लेकिन गवर्नमेंट ने इसका नाम चार्जेस नहीं बोल रखा. गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने जब एक्ट पास किया था कंपनी लॉ, तो उसका नाम लिखा था रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. तो चैप्टर का नाम चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है. इसका मतलब क्या है, जब भी कंपनी कोई चार्ज क्रिएट करेगी, जब भी कंपनी कोई लोन वगैरह लेगी, तो वो चार्ज के बारे में किसी को रजिस्टर भी कराएगी, हाँ या ना.
किसको रजिस्टर कराएगी? आरओसी को रजिस्टर कराएगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा, देखिए इधर, अगर मेरे से कोई पूछे अमित सर ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिएगा इधर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखिए मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक लेआउट रोड मैप बता रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये चैप्टर कहता क्या है। सुनिए ध्यान से, इधर देखिएगा बेटा, एक कंपनी है, इस कंपनी ने बैंकर से लोन लिया, इस कंपनी ने बैंकर वन से लोन लिया, ठीक है जी। इधर देखिए, जब इस कंपनी ने बैंकर वन को लोन के लिए अप्लाई किया तो एक सिक्योरिटी गिरवी रखी और बैंकर ने कंपनी को लोन दे दिया से ₹100 करोड़ का। इसमें कोई डाउट? कंपनी ने लोन के लिए सिक्योरिटी रखी, मान लो कंपनी का कोई प्लॉट था नोएडा में जो कंपनी ने बैंकर के पास गिरवी रखा और बैंकर ने उसके बदले में कंपनी को लोन दे दिया, हाँ या ना। अब ये लॉ, ये एक्ट क्या बोलता है, ये टॉपिक क्या बोलता है चार्जेस का, कि भाई कंपनी की ड्यूटी है कि कंपनी आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताए, कंपनी को इंटीमेट करे, आरओसी को इंटीमेट करे जी हमने ऐसे ऐसे इससे लोन लिया है। ये बात समझ आ रही है? मतलब आरओसी कहता है कि मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे एरिया में जितनी कंपनी है उसमें किस कंपनी में कितना कर्जा है और किस कंपनी ने कौन सी एसेट किसके पास गिरवी रखी हुई है। समझ आ रही है बात? दिल्ली और हरियाणा में 3.5 लाख कंपनीज है और दिल्ली हरियाणा का एक आरओसी है जो कि नेहरू प्लेस में बैठता है, तो उसके पास क्या सारी 3.5 लाख कंपनीज का रिकॉर्ड होगा? सर बिल्कुल होगा। किस कंपनी ने कौन सी एसेट कहां गिरवी रखी है वो किसके पास होगा? आरओसी के पास। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब सुनिए इधर जो मैं कह रहा हूं, सर आरओसी क्या करेगा? आरओसी उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा, आरओसी उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा। ये बात समझ आई? सुनिए बेटा इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू, कंपनी ने प्लॉट को गिरवी रखा, गिरवी रख के बैंकर से लोन ले लिया और कंपनी ने आरओसी को इंटीमेट कर दिया और आरओसी ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। कौन सी वेबसाइट? जो एमसीए की वेबसाइट है, www.mca.gov.in, www.mca.gov.in। मेरी बात को सुनेगा ध्यान से, सर इसका ऑब्जेक्टिव तो अभी तक पता नहीं चला। सुनिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लो अब ये जो कंपनी है ये कंपनी बैंकर टू के पास जाए और बैंकर टू के पास जाके भी अगर ये कंपनी सेम प्लॉट को गिरवी रखती है, चीटिंग करने की कोशिश करती है, तो यहां पर कंपनी कहती है जी मैं आपसे लोन लेना चाहती हूं, मैं सेम प्लॉट आपके पास एक प्लॉट है मेरा गिरवी रखना चाहती हूं। अब बैंकर टू को कैसे पता चलेगा कि ये प्लॉट ऑलरेडी बैंकर वन के पास गिरवी पड़ा है, हाँ या ना। अब कहता है बैंकर वन जो है वो एमसीए की आरओसी की वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्शन कर लेगा, यस और नो, हाँ या ना, वो जाके इंस्पेक्शन कर लेगा और उसे पता चल जाएगा कि कंपनी बेवकूफ बना रही है, कंपनी ने तो ऑलरेडी ये वाली एसेट किसी और के पास गिरवी रखी हुई है, यस और नो। तो हम लोगों को इस चैप्टर का लेआउट समझ आया, इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है कि जब भी कोई कंपनी कोई भी कर्जा लेती है तो आरओसी को पता होना चाहिए, आरओसी अपनी वेबसाइट पे डाल ले। यार एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को परचेस करना चाह रही है, उसको अपनी सब्सिडियरी बनाना चाह रही है, तो जिस कंपनी में उसका इंटरेस्ट है जिसको वो एक्वायर करना चाह रही है, क्या उसे पता नहीं होना चाहिए उसमें कितना कर्जा चल रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब कौन सी कंपनी कितने पानी में है अगर वो चेक करना चाहो आप तो कैसे कर सकते हो? उसके लिए आप आरओसी की वेबसाइट पे जाओ, आरओसी की वेबसाइट पे जाके एक हेडिंग होती है इंडेक्स ऑफ चार्जेस, इंडेक्स ऑफ चार्जेस, इसके अंदर आप कंपनी के बारे में सारी चेकिंग कर सकते हो कि कौन सी कंपनी में कौन सी एसेट कहां गिरवी पड़ी है, किस पे कितने का लोन है। ये बात समझ आई? यस और नो। तो इसका मतलब मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इज टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, हाँ या ना, क्योंकि जब आरओसी की वेबसाइट पे चीज आ गई तो अपने आप ही ट्रांसपेरेंट हो गई, यस और नो, जो भी चेक करना चाहे उसको चेक
कर सकता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इज टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड एलिमिनेट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स. यस और नो? एंड एलिमिनेट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स. इतनी बात समझ आई बच्चे? जवाब दो. तो यहां पर हमें एक चीज समझ आई कि सर चार्ज का क्या मतलब है. कंपनी लोन ले रही है बैंकर से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अपनी एसेट को गिरवी रख रही है एज अ सिक्योरिटी, उसे हम चार्ज बोलते हैं. इट कैन बी इधर इन द फॉर्म ऑफ प्लेज और मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन में और मॉर्गेज में और प्लेज में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस यह है कि प्लेज में हम गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी मेरी है, उसको मैं आपके पास गिरवी रख रहा हूं. हाइपोथिकेशन में नई गाड़ी खरीदने के लिए मैं आपसे लोन ले रहा हूं. यस ऑल नो? गाड़ी मैं चलाऊंगा पर फिर भी वो गिरवी आपके पास पड़ी होगी. यस ऑल नो? कल को मैं किस्तें पे नहीं करता तो आप वो कार उठा के लेके जा सकते हो. क्लियर है ये बात? हमें समझ आ गया कि चार्ज इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स प्लेज मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन. आगे कह रहा है ये बताओ कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है. सर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि जब भी कोई लोन लेगा तो वो कोई भी एसेट, जो भी कोई कंपनी लोन लेगी वो कोई भी एसेट गिरवी रखेगी तो वो सबसे पहले किसको बताएगी? आरओसी को. द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इस हेडिंग का मतलब आपको समझ आ रहा है. चार्ज क्रिएट कौन कर रहा है? कंपनी. और कंपनी रजिस्टर किसके पास करा रही है? आरओसी के पास करा रही है. क्यों करा रही है? ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके. और अगर एक कंपनी सेम प्रॉपर्टी किसी और के पास गिरवी रख के बेवकूफ बना रही है किसी को, तो वो बेवकूफ ना बने, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स एलिमिनेट हो सके. यस और नो? क्लियर है सबको? डन. अब सुनिए बेटा, इधर लिखिएगा मत, पहले सुनिए जो मैं कह रहा हूं. देखिए देखिए बच्चे जो मैं कह रहा हूं, इधर देखिएगा ध्यान से मेरी बात को प्लीज ऑल ऑफ यू. देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि चैप्टर है चार्जेस. तो पहले तो ये बताओ कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्म्स होंगे वो किस नाम से होंगे? सीएचजी के नाम से होंगे. हाँ या ना? क्योंकि मैंने बता रखा है आपको फॉर्म हमेशा होते हैं चैप्टर के नाम. तो इसमें कितने फॉर्म है? सीएचजी 1 से लेके सीएचजी 10 तक इसके अंदर होता है. क्लियर है ये बात? याद रहेगा सीएचजी 1 से लेके सीएचजी 10 तक होता है. क्लियर है? पक्का? अब सुनना, सीएचजी 10 जो है ये ऑब्सोलीट हो चुका है. आज के टाइम में सीएचजी 10 नाम का कोई फॉर्म नहीं होता. इसका मतलब आज के टाइम में, अब नए अमेंडमेंट के बाद अगर हम बात करें तो सीएचजी 1 से लेके सीएचजी 9 तक फॉर्म है. याद रहेगी बात? पहले होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 हट चुका है, अब होते हैं 9 फॉर्म. क्लियर है ये बात? राइट. तो आप अगर यहां पर सीधा 9 ही लिखते तो भी बात एक ही थी, मतलब सीएचजी 1 से सीएचजी 9 है, 10th नाम का कोई फॉर्म नहीं है. ठीक है जी. सर ये फॉर्म क्या है एक बार समझते हैं. बेटा देखिएगा ध्यान से, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना पहले हमें फॉर्म नंबर्स याद होने चाहिए, तभी ये चैप्टर हमें समझ आएगा. सुनिए, सबसे पहले आता है फॉर्म नंबर सीएचजी 1. सर ये सीएचजी 1 फॉर्म किस लिए है? सुनिएगा बेटा ध्यान से. देखो हर चैप्टर को पढ़ाने का तरीका अलग है. कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैं साथ साथ फॉर्म नंबर पढ़ाता हूँ, कई चैप्टर ऐसे होते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में पढ़ाता हूँ. इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे तभी जाके चैप्टर समझ आएगा. जब भी कोई कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी, किसी बैंकर वैंकर से लोन लेगी, कोई एसेट गिरवी रखेगी, तो कंपनी आरओसी को बताएगी. कैसे बताएगी? सीएचजी 1 में बताएगी. तो मेरे से कोई पूछे सीएचजी 1 किस चीज का है, तो मैं बोलूंगा इंटीमेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज टू आरओसी. इंटीमेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज टू आरओसी. पहले बताओ ये समझ आया कि कंपनी जब भी चार्ज क्रिएट करेगी तो आरओसी को बताएगी. लिखना मत, मैं अभी तक लिखने की परमिशन नहीं दिया. कंपनी जब लोन लेगी तो आरओसी को बताएगी. अभी मैंने ऊपर देखो लिखा था आरओसी को इंटीमेट करेगी. सर ये कौन से फॉर्म में करेगी? सीएचजी 1 में करेगी. इतनी बात समझ आई हमें? डन बच्चे. अब सुनिए इधर ऑल ऑफ यू. सर जब हमने आरओसी को बोला कि हम ऐसे ऐसे ये वाली एसेट इसके पास गिरवी रख रहे हैं, आरओसी कहता है ठीक है जी. जब हमने आरओसी को बताया, आरओसी के पास रजिस्टर कराया, तो आरओसी के वहां से एक सर्टिफिकेशन आती है कि ठीक है जी मैंने अपने रिकॉर्ड में लिख लिया है. तो सीएचजी 2 हो गया सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम आरओसी टू कंपनी. ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मैं, देखो बात सही है. हाँ या ना?
सर जब हम चार्ज क्रिएट करेंगे तो हम आरओसी को बताएंगे कौन से फॉर्म में, सीएचजी वन में। आरओसी हमें एक सर्टिफिकेट देगा कौन से फॉर्म में, सीएचजी टू के अंदर। यह बात समझ आ गई, क्लियर है। अब सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना कोई चार्ज क्रिएट करते हैं, सुनिएगा, हमारी एक एसेट है 100 करोड़ रुपीस की, वो 100 करोड़ की एसेट हमने गिरवी रखी और उसमें हमने 50 करोड़ का लोन ले लिया। मेरी बात सुनेगा ध्यान से, कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की एसेट में 50 करोड़ का लोन ले लिया, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो कंपनी ने क्या फाइल किया होगा, सीएचजी वन, और सर्टिफिकेट किस में मिला होगा, सीएचजी टू में। एम आई क्लियर बच्चे, जवाब दो। अब सुनो, कहता जी मान लो जो कंपनी है उसने उसी एसेट पे और लोन लेना है, 100 करोड़ की एसेट पे 50 करोड़ का लोन था, अब कंपनी कहती है हम 20 करोड़ का और लोन लेंगे, तो अगर कंपनी ने उसी एसेट में और लोन क्रिएट करना है तो कहता है जी ये बताओ क्रिएशन ऑफ चार्ज हुआ या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन, यस ऑर नो। तो इसका मतलब कहता जी यहां पर मॉडिफिकेशन का भी सेम फॉर्म होता है सीएचजी वन, लेकिन इसका जो जवाब हमें मिलता है वो मिलता है सीएचजी थ्री के अंदर। सीएचजी थ्री क्या है, सर्टिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज टू कंपनी। ये बात समझ आई जी, जवाब दो। क्रिएट करोगे वन में, जवाब मिलेगा टू में, मॉडिफाई करोगे वन में, जवाब मिलेगा थ्री में, इसमें कोई डाउट, क्लियर है। तीन फॉर्म याद हो गए, सीएचजी वन, सीएचजी टू, सीएचजी थ्री। सीएचजी वन किस चीज का है, चार्ज क्रिएट होगा हम बताएंगे आरओसी को, टू में आरओसी हमें सर्टिफिकेट देगा। अच्छा, वन फिर और किस चीज का है, मॉडिफिकेशन आरओसी को बताएंगे, थ्री में आरओसी उसको मॉडिफाई करेगा। हो गई बात खत्म, श्योर। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर कहता है सीएचजी फोर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, हमारी कंपनी ने, ध्यान से सुनेगा, हमारी कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था, लोन लिया था, आरओसी की वेबसाइट पे आ रहा था, वो पूरी दुनिया के सामने हमारे कपड़े उतर रहे थे कि हमारी कंपनी पे इतना कर्जा है, यस और नो। हमारी यार एक तरीके से कंपनी की डेट पता चल रहा था, कंपनी फाइनेंशियली कितने क्राइसिस में, ये पता चल रहा था, यस और नो, जवाब दो। अब हमारी कंपनी ने सारा लोन उतार दिया बैंकर का, कोई कर्जा नहीं है हमारे ऊपर अब, राइट, वी हैव पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन इन फुल विद इंटरेस्ट। आपको नहीं लगता कंपनी चाहेगी जल्दी से जल्दी आरओसी को बताओ ताकि आरओसी वेबसाइट से नाम काटे, यस और नो, ताकि आरओसी वेबसाइट पे चेंजेस करे, राइट। तो उसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की इंटीमेशन। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, सीएचजी फोर किस चीज का है, इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू आरओसी, इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू आरओसी। ये बात समझ आई जी, क्लियर है। और फिर इसका भी हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, वो मिलेगा सीएचजी फाइव में। तो सीएचजी फाइव में हो गया सर्टिफिकेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू कंपनी, सर्टिफिकेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। इतनी कहानी समझ आई हमको, यस और नो। तो सर वन में हम बताएंगे टू में मिलेगा, वन में बताएंगे थ्री में मिलेगा, फोर में बताएंगे फाइव में मिलेगा, यस और नो, एम आई क्लियर, पक्का, चले आगे, डन। अब सुनिएगा इधर ध्यान से बेटा क्या कह रहा हूं, देखिए अब यहां पर बात आती है, कहते हैं सर सीएचजी सिक्स। सीएचजी सिक्स किस चीज का है, देखिएगा बेटा ध्यान से, ऑल ऑफ यू, सर सीएचजी सिक्स किसके लिए है, देखिए कहता है मान लो हमारी कंपनी ने बैंकर से लोन लिया और सीएचजी वन आरओसी को फाइल किया, टू में सर्टिफिकेट मिल गया, हम लोन उतार ही नहीं सके, हमारी कंपनी में ताकत ही नहीं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, पैसे ही नहीं दे पाए, तो जो बैंकर है सामने वाला क्या वो एसेट बेच के वसूल नहीं करेगा पैसे, हाँ या ना, जवाब दो। और जब वो एसेट बेचेगा तो क्या वो सारी की सारी एसेट्स बेचेगा या वो बेचेगा जो गिरवी पड़ी हुई है। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब कंपनी की सारी एसेट्स बिकती है तो बेटा लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, और जब कंपनी की सारी एसेट्स नहीं बिकती, पार्ट ऑफ एसेट्स बिकती है, तो रिसीवर या मैनेजर बोलते हैं उसको। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आपकी कंपनी ने पैसे नहीं दिए, सामने वाला बैंकर एसेट को बेच रहा है, तो बैंकर किसको अपॉइंट कर रहा है, रिसीवर या मैनेजर को, कि नहीं भाई एसेट को बेच और पैसे हमारे रिकवर कर, उसके बारे में बैंकर को आरओसी को बताना पड़ता है, याद रहेगी ये बात। देखिए बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ
इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर एक ही बात होती है टू आरओसी। और ये कौन दे रहा है इंटीमेशन? बाय क्रेडिटर। अब वो क्रेडिटर बैंकर हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, राइट? क्लियर है जी? जवाब दो, फॉर्म नंबर्स याद हुए? अगर कोई पूछे सर हमने पिछले आधे घंटे में क्या पढ़ा, मैं क्या बोलूंगा? टॉपिक का नाम क्या है? चार्जेस। सेक्शन नंबर कहां से है? 77 से 87। सर चार्जेस का मतलब क्या होता है? कभी भी आप कोई एसेट गिरवी रख के लोन लेते हो उसे चार्ज बोलते हैं, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लेज और मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन। सर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक कंपनी ने जब एक एसेट किसी के पास गिरवी रखी है तो वही एसेट किसी और के पास रख के बेवकूफ ना बना सके, इसीलिए बोलता है कि जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी उसे आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आरओसी अपनी वेबसाइट पे डाल देगी उसको, हाँ या ना? और जब आरओसी अपनी वेबसाइट पे डालेगी तो आरओसी की वेबसाइट पे वो शो होगा। अगर कल को मैं किसी बैंकर के पास जाता हूँ, दूसरी बैंकर के पास वही प्रॉपर्टी लेके, तो उस बैंकर को पता चल जाएगा, क्योंकि बैंकर की भी ये ड्यूटी बनती है। आपको नहीं लगता जब भी आप किसी बैंकर के पास कंपनी के लिए लोन लेने जाओगे तो बैंकर पहले उसको कहाँ चेक करेगा? आरओसी की वेबसाइट पे चेक करेगा कि कहीं ये एसेट ऑलरेडी गिरवी तो नहीं पड़ी हुई। यस और नो, जवाब दीजिए। तो सीएचजी 1 में क्रिएट करके बताया, 2 में क्रिएशन का सर्टिफिकेट, 1 में मॉडिफाई करके बताया, 3 में मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट, 4 में सेटिस्फाई करके बताया, 5 में सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट, और 6 में हमने पैसे ही नहीं दिए तो सामने वाला जो है क्रेडिटर अब वो एसेट को बेच रहा है। यस और नो, जवाब दीजिए बेटा। और जब वो एसेट को बेच रहा है तो इसका मतलब उसको बेचने के लिए वो रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करेगा, तो वो आरओसी को बताएगा। हो गई बात क्लियर? डन। अब सुनिए, अब इसके बाद आता है फॉर्म नंबर CHG 7। फॉर्म नंबर CHG 7 ये क्या है? सर CHG 7 होता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनी, रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनी। कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना पड़ेगा कि हमने कौन कौन सी एसेट किस किस के पास गिरवी रखी हुई है। यह बात समझ आ रही है? यस और नो। मेरी कंपनी ने अपनी 5 एसेट्स अलग अलग बैंकर के पास गिरवी रखी है तो हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ये मैंडेटरी रजिस्टर होता है, क्लियर है जी? इसको मेंटेन करना जरूरी होता है, क्लियर है? लॉ में लिखा है शेल। जब आप ये वाला सेक्शन पढ़ोगे, अभी तो हम फॉर्म नंबर पढ़ रहे हैं, उसमें आप पढ़ोगे कंपनी शेल मेंटेन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। डन, क्लियर है? पक्का? अभी मैंने आपको CHG 8 और 9 बताना है, CHG 8 एंड CHG 9। 10 हट चुका है। पहले ये बताओ कि इसके अंदर कोई डाउट है 1 से लेके 7 तक? सोच के जवाब दो। याद हो गया? पक्का? 1 किस चीज का है? कंपनी आरओसी को बताएगी। 2 किस चीज का है? आरओसी सर्टिफिकेशन देगा। 1 किस चीज का है? कंपनी मॉडिफिकेशन बताएगी। 3 किस चीज का है? मॉडिफिकेशन देगा। 4 किस चीज का है? कंपनी सेटिस्फेक्शन के बाद बताएगी, सेटिस्फेक्शन मतलब पेमेंट हो गई। 5 किस चीज का है? आरओसी सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट देगा। अच्छा, 6 किस चीज का है? जब रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट होगा। 7 किस चीज का है? कंपनी रजिस्टर मेंटेन करेगी अपना। ये 7 जो है कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मेट है, हाँ या ना? कि इस फॉर्मेट में आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। अब बेटा मेरी बात को सुनेगा ध्यान से, CHG 8 क्या बोलता है? CHG 8 होगा कंडोनेशन ऑफ डिले बाय CG, कंडोनेशन ऑफ डिले बाय CG। मेरी बात को सुनेगा इधर ध्यान से बेटा, सुनिए। आप जब पढ़ोगे ना ये चैप्टर, तो इस चैप्टर अभी हमने शुरू भी नहीं किया पढ़ना, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो हम उसमें देखेंगे कि लॉ बोलता है कि कंपनी जब चार्ज क्रिएट करेगी 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को बताएगी, ठीक है? कंपनी कितने दिनों में बताएगी? कहता जी कंपनी 30 दिनों के अंदर अंदर आरओसी को बताएगी। ये बात समझ आई? और कहता अगर 30 दिन में नहीं बता पाई तो कहता है फिर 30 और डेज मिलेंगे, उनमें भी बता सकती है, 30 डेज की एक्सटेंशन। तो 30 दिन के अंदर अंदर बताएगी, नहीं बता पाई तो 30 डेज और मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट? तो टोटल कितने दिनों में बताना है आपको? 60 डेज में, क्लियर है ये बात? अब सुनो, कहता है 60 डेज में भी नहीं बता पाई तो और 60 डेज में आरओसी आपको कंडोन कर सकता है,
और वो कुछ पेनल्टी लगा देगा आप पे, माने 30 डेज में जाओगे सिर्फ फीस लगेगी, उसके बाद 30 डेज में जाओगे तो लेट फीस लगेगी, राइट, और उसके बाद 60 डेज में जाओगे तो आरओसी ही एक्सटेंड करेगा, लेकिन अब फीस और लेट फीस से ऊपर चलेगी, बात कहां चली गई, पेनल्टी पे, यस और नो, जवाब दो। और कहता है मान लो आपने 30 प्लस 30 प्लस 60 टोटल कितने हो गए 120 डेज, कहता है अब 120 दिन में भी आप कुछ नहीं कर पाए, मतलब आपने इन 30 डेज में भी नहीं करा, सुनिएगा इधर, आपने इन 30 डेज में भी नहीं करा, इन 30 डेज में भी नहीं करा, इन 60 डेज में भी नहीं करा, इधर देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कंपनी ने 1 जनवरी को चार्ज क्रिएट किया, तो सबसे पहली चीज जब कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया तो कंपनी आरओसी के पास कितने दिनों में गई, 30 डेज में, नॉर्मल क्या देगी, फीस, अगर 30 डेज में नहीं गई तो और 30 डेज मिल सकते हैं, उसमें कंपनी क्या देगी, लेट फी, हाँ या ना, उसमें भी नहीं गई तो फिर नेक्स्ट 60 डेज के अंदर आरओसी क्या करेगा, आपको पेनल्टी लगाएगा लेकिन रजिस्टर कर देगा, क्लियर है। नाउ माय पॉइंट इज के सर कंपनी जो है वो 120 दिन तक नहीं गई, ना 30 ना 60, 120 दिन निकल गए, अब कंपनी 120 दिन के बाद आरओसी के पास जाती है के ले भाई रजिस्टर कर ले चार्ज, आरओसी कहता है जी मैं नहीं कर सकता, मेरे को पावर नहीं है जब तक सीजी ना बोले, तो जाओ पहले सीजी से माफी मांग के आओ, ये बात समझ आ रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूएशन ऑफ डिले बाय सीजी बियॉन्ड 120 डेज, यस और नो, जवाब दो, समझ आया मैंने क्या बोला, हाँ या ना, राइट। अगर किसी ने चैप्टर पहले कभी पढ़ा हो तो उसने 30 डेज प्लस 270 डेज पढ़ा होगा, वो सब चीजें अलग है। कोई है बच्चा जिसने बोले सर मैंने तो 300 दिन 270 दिन ऐसा कुछ पढ़ा था, कोई है, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ पहले, एनी हाउ ये बात समझ आ गई कि पहले क्या होता था 30 डेज, अभी क्या होता है 30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्टर करो, और अगर 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर करते हो खाली फी पे करोगे आरओसी को, 30 डेज से लेट होते हो तो लेट फी पे करोगे, और अगर उससे भी लेट होते हो तो आरओसी एक्सटेंड करेगा पेनल्टी लगा के, और अगर 120 डेज हो गए तो फिर अब आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, जब आपकी कंपनी आरओसी को CHG1 फाइल भेज रही होती है, कौन सा CHG1, सुनिए मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, मोबाइल वगैरह सब साइड में कर दो, जब कंपनी आरओसी को CHG1 फाइल कर रही होती है तो आरओसी पूछता है विद इन 30 डेज कर रहे हो, बियॉन्ड 30 डेज कर रहे हो, बियॉन्ड 60 डेज कर रहे हो, बियॉन्ड 120 डेज कर रहे हो, विद इन 30 डेज, बियॉन्ड 30 डेज, बियॉन्ड 60 डेज, बियॉन्ड 120 डेज, जैसे आप लिखते हो बियॉन्ड 120 डेज तो इसका मतलब है वो एक्सपेक्ट करेगा कि अब आप सीजी का ऑर्डर लेके आए हो और वो अटैच करोगे तो ही वो फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा, समझ आ रही है ये बात, यस और नो। तो इसका मतलब ये कि CHG1 अगर देना है 30 डेज में, कोई फालतू की अटैचमेंट्स नहीं है, उसके बाद अगर 30 डेज से डिले हो तो लेट फीस है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा सिस्टम, और लेट हो रहे हो थोड़ा सा तो आरओसी से पेनल्टी लगेगी, आरओसी लगा देगा, लेकिन अगर 120 डेज से भी लेट होगा तो आरओसी कहेगा सॉरी भाई मैं CHG1 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है 120 दिन के बाद मेरे पास माफ करने की पावर नहीं है, अब जाना है तो पहले सीजी के पास जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट माफ करेगा तो ही आप मेरे पास आओगे, यस और नो, क्लियर है सबको, जवाब दीजिए। अच्छा अब सुनिए ध्यान से इधर ऑल ऑफ यू, सर ये सारी बात तो हो गई, अब यहां पर आता है CHG9, सर ये किस चीज का है, सुनेगा इधर ध्यान से, कंपनी ने बैंकर के पास जाके लोन लिया और प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, राइट, कंपनी ने बैंकर के पास जाके लोन लिया और प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, तो कंपनी कौन सा फॉर्म देगी आरओसी को, कंपनी ने बैंकर के पास जाके लोन लिया और प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, कौन सा फॉर्म देगी, CHG1, ये बात समझ आ रही है। अब माय पॉइंट इज कंपनी ने बैंकर से लोन नहीं लिया, कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर इशू करे, जब कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर इशू करे इसका मतलब क्या है कि डिबेंचर्स के अगेंस्ट में कोई एसेट गिरवी पड़ी है, हाँ या ना, यस और नो, उस केस के अंदर कंपनी CHG1 आरओसी को नहीं देगी, CHG9 देगी, तो CHG9 किस चीज का है, इंटीमेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन या मॉडिफिकेशन दोनों का है, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज किस लिए, अगेंस्ट डिबेंचर और अदर सिक्योरिटी, कंपनी ने डिबेंचर इशू करे या डिबेंचर की जगह
बॉन्ड वॉन्ड इश्यू करे, मतलब कोई सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट कंपनी इश्यू कर रही है और उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी रख रही है, तो उसके लिए CSG 1 नहीं जाएगा, CSG 9 जाएगा। समझ आ गई बात? यस और नो? डन बच्चे? तो मेरी बात को सुनिए, 1 में हमने क्रिएशन किया, 2 में हमें रिसीविंग मिली, 1 में हमने मॉडिफिकेशन किया, 3 में हमें रिसीविंग मिली, 4 में हमने सेटिस्फेक्शन किया, 5 में हमें रिसीविंग मिली, हाँ या ना? 6 में बैंकर ने आरओसी को बताया कि मैं इसको एसेट को बेच रहा हूं, इसलिए मैंने रिसीवर अपॉइंट किया है। 7 के अंदर कंपनी ने अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। 8 के अंदर सीजी माफ करेगा कब? जब हम टाइमली आरओसी की लिमिट के क्रॉस चले गए तो अब सीजी माफ करेगा। क्या है वो लिमिट? 120 डेज। क्लियर है ये बात? पक्का? और लास्ट में क्या करता है CSG 8 के अंदर, CSG 9 के अंदर, कि अगर आपने कोई एसेट को गिरवी रखा है लेकिन अगेंस्ट लोन नहीं रखा, आपने रखा अगेंस्ट डिबेंचर्स, तो फिर कहता है सिक्योर करा डिबेंचर को, कहता है उस केस में CSG 9 देना पड़ेगा। यस और नो? इतनी बात समझ आ गई? यहां तक किसी को कोई डाउट? सेक्शंस कौन से है? 77 से 87। फॉर्म कितने हैं? CSG 1 से CSG 9 तक। और कहता है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब भी कंपनी लोन वगैरह ले तो अपनी एसेट किसके पास गिरवी रखे? आरओसी के पास। किसको बताए? आरओसी को बताए, आरओसी के बाद रजिस्टर कराए। क्यों? ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारी कौन कौन सी एसेट किस किस के पास गिरवी पड़ी हुई है। यस और नो? टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। क्लियर है बच्चे? आगे कहानी समझ? डन? लिखे इसको, तो एक बार इसको स्टार्टिंग से हम नोट डाउन करेंगे।
हो गया जी? नहीं लिख रहे हैं अभी। बच्चे आप लोग कोशिश करेंगे प्लीज ये फॉर्म्स के नाम बिना देखे लिखने की, आपको याद हो जाने चाहिए। इधर देखिए, वन क्रिएशन का, टू रिसीविंग ऑफ क्रिएशन का, वन मॉडिफिकेशन का, थ्री रिसीविंग ऑफ मॉडिफिकेशन, फोर सेटिस्फेक्शन बताना, फाइव रिसीविंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, सिक्स रिसीवर के बारे में बताना। कौन बताएगा, कंपनी या बैंकर? बैंकर, क्रेडिटर। हाँ या ना, क्लियर है ये बात? सेवन कंपनी जैसे रजिस्टर मेंटेन करेगी, एट सीजी से माफी मांगेंगे 120 दिन के बाद, नाइन जब हमने चार्ज क्रिएट किया इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स या सिक्योरिटी होल्डर्स, नॉट फॉर सीकिंग लोन, यस और नो? क्लियर है जी? लिखो अपने आप, कोशिश करो, जितनी बार ऊपर कम देखोगे इसका मतलब उतना जल्दी याद हो जाएगा आपको।
अभी तक हुआ नहीं, याद हो गया? CSG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं बीच में से रेंडमली पूछूं तो मयंक जी CSG 5। परवेज साहब CSG 9। निकिता जी CSG 3। सर्टिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, मतलब सबको याद हो गया कौन कौन से फॉर्म्स हैं, राइट। चले आगे, हाँ जी बच्चे, अब देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, आगे देखिए बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इधर देखिएगा ध्यान से प्लीज। अब देखते हैं, मैं यहां पर ना दो अलग अलग केसेस की बात करूंगा, केस वन एंड केस टू। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से कि सर ये केस वन एंड केस टू क्या बोलते हैं। देखिए बेटा इधर प्लीज ऑल ऑफ यू सुनिएगा, केस वन क्या बोलता है, केस टू क्या बोलता है, पहले सुनिए भाई। कंपनी है, कंपनी गई बैंकर के पास और बैंकर को जाके बोलती है बैंकर भाई लोन दे दे, एप्लीकेशन फॉर लोन। यस और नो, सिंपल है। सुनिए इधर, बैंकर कहता है भाई लोन तो दे दूंगा, ये बताओ सिक्योरिटी कहां है, क्या गिरवी रखने वाले हो मेरे पास, इसमें कोई डाउट? हमारी कंपनी बैंकर के पास गई लोन दे, बैंकर कहता है वो तो दे दूंगा, बताओ गिरवी क्या रखोगे। कंपनी कहती है इतनी सी बात, रख ले गिरवी, ये पकड़ हमारी प्रॉपर्टी, हमारी कंपनी की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो हमारी कंपनी का प्लॉट है, उसकी वैल्यू है 150 करोड़ रुपए, ठीक है जी, हमने तेरे पास उसको एज अ सिक्योरिटी रख दिया, डन। बैंकर कहता है जी शुक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, लोन दे देता हूं मैं आपको, और फाइनली बैंकर आपको लोन दे देगा। यस और नो, तो मेरी बात को सुनिएगा बेटा इधर ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले हमने लोन के लिए अप्लाई किया, फिर बैंकर ने पूछा सिक्योरिटी क्या गिरवी रखोगे, हमने लोन के लिए अप्लाई किया, बैंकर ने कहा सिक्योरिटी क्या गिरवी रखोगे, हमने कहा भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है 150 करोड़ की, वो गिरवी रखेंगे, उसने कहा ठीक है मैं उस पर 100 करोड़ का लोन आपको दे दूंगा, इसमें कोई डाउट? क्लियर है। अच्छा ये बताओ इस पूरी कहानी में हमने क्या गिरवी रखी, मूवेबल एसेट इमूवेबल एसेट? इमूवेबल, तो इसका मतलब ये कौन सा, जब हमने इमूवेबल रखी है मॉर्गेज हुआ या ये प्लेज हुआ? मॉर्गेज। इसको बोलते क्या है कंपनी लॉ के लैंग्वेज में, इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट। क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट, क्योंकि मॉर्गेज वगैरह कंपनी लॉ का टर्म नहीं है, कंपनी लॉ में मॉर्गेज नाम का टॉपिक नहीं है, कंपनी लॉ बोलता है चार्ज की फॉर्म में, मॉर्गेज वर्ड जो है वो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, तो कहने का मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट। क्लियर है बच्चे ये बात? लेकिन दूसरा केस सुनिएगा बड़े ध्यान से, ऑल ऑफ यू इधर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए बेटा अब यहां पर बात आती है केस नंबर टू की। देखिए कंपनी जाती है बैंकर के पास, बैंकर को बोलती है बैंकर भाई लोन दे दे, बैंकर को बोलती है बैंकर प्लीज हमको लोन दे दे, बैंकर कहता है जी लोन तो दे दूंगा, अगेन क्वेश्चन क्या आ रहा है, गिरवी क्या रखोगे, सिक्योरिटी क्या दे रहे हो, है ना। हमने कहा बैंकर भाई हमारे पास ना हमारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है,
रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल की वैल्यू है 15 करोड़ रुपए। तो प्लीज उसकी जगह हमको 5 करोड़ का लोन दे दे, तो उसकी जगह हमको लोन दे दे ₹5 करोड़ का। यहां पर आप एक चीज बताओ, कंपनी ने यहां पर अपनी क्या फिक्स्ड एसेट्स को गिरवी रखा? नहीं, करंट एसेट्स को गिरवी रखा। यस और नो, रॉ मटेरियल फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है? करंट एसेट्स है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट फ्लेक्सिबल एसेट्स, चार्ज अगेंस्ट फ्लेक्सिबल एसेट्स, याद रहेगी बात, या फ्लोटिंग एसेट्स। बेटा मेरी बात सुनेगा ध्यान से, आपके एग्जाम में कई बार डिफरेंस बिटवीन आता है जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। ये जो ऊपर था ना चार्ज अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट्स, इसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, इधर देखिए, और ये जो आता है चार्ज अगेंस्ट फ्लोटिंग एसेट्स या फ्लेक्सिबल एसेट्स, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल चार्ज। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि सर जब भी कंपनी बैंकर से लोन लेगी और कुछ एसेट अपनी गिरवी रखेगी, या तो वो फिक्स्ड एसेट होगी या वो फ्लोटिंग अदर देन फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड एसेट होगी तो हम बोलेंगे कंपनी ने फिक्स्ड चार्ज क्रिएट किया है, और जब अदर देन फिक्स्ड होगी तो हम बोलेंगे कंपनी ने फ्लेक्सिबल चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है। याद रहेगी ये बात? यस और नो? मैंने देखो अभी चैप्टर पढ़ाना शुरू नहीं किया, सेक्शन 71(7) क्या कहता है हम उस पे नहीं आए, अभी हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं। हाँ या ना? मैं बोलूंगा कंपनी ने फिक्स चार्ज क्रिएट किया तो आप समझ जाओगे कंपनी ने फिक्स एसेट गिरवी रखी। मैं इधर सुनिए, कंपनी ने रॉ मटेरियल गिरवी रखे तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल चार्ज। कंपनी ने रिसीवेबल्स थे, कंपनी के पास अगले महीने 10 लाख रुपए आने थे, जो डेटर्स है रिसीवेबल्स है, कंपनी ने उसकी जगह लोन ले लिया, ये क्या है? फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है? आप बताओ, डेटर्स फिक्स्ड एसेट्स में आता है, करंट एसेट्स में आता है? करंट एसेट्स में आता है, तो वो भी किस में आ जाएगा? फ्लेक्सिबल के अंदर। यस ऑल नो? जवाब दो। स्टॉक इन ट्रेड को गिरवी रखा, फ्लेक्सिबल चार्ज। कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रखा, फिक्स्ड चार्ज। कंपनी ने कोई मशीनरी को गिरवी रखा, फिक्स्ड चार्ज। समझ आ गई ये बात हमें? यस और नो? डन। अब सुनिए ध्यान से, इसको भी लिखिएगा मत, पहले ये केस वन और केस टू लिखने से पहले रुकिए, ये बात समझ आ गई ना कि कंपनी फिक्स्ड एसेट्स को गिरवी रख रही है फिक्स्ड चार्ज, फ्लेक्सिबल एसेट्स को रख रही है फ्लेक्सिबल चार्ज, राइट? अब देखिए ध्यान से, इधर देखिएगा बेटा, हम आते हैं एक बार अपने इस चैप्टर के अंदर एज पर माई बुक। देखिए, ये जब हमने चार्जेस शुरू किया तो ये सेक्शंस हैं, मैंने नहीं बताया अभी कौन से हैं, मैंने आपको कोई सेक्शन नंबर नहीं बताया, मैंने ये भी कुछ नहीं पढ़ाया, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इस क्वेश्चन की मेरी बुक के हिसाब से, राइट? देखिए ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं? चार्ज इज अ सिक्योरिटी गिवन फॉर सिक्योरिंग लोन, यस और नो? देन चार्ज सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन, बता चुका हूं जी। चार्ज एक जनरल वर्ड है या एक स्पेसिफिक वर्ड है? जनरल, स्पेसिफिक तो हो गया प्लेज, स्पेसिफिक हो गया मॉर्गेज, स्पेसिफिक हो गया हाइपोथिकेशन, तो ये एक जनरल वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है? जनरल। चार्ज इज अ जनरल कॉन्सेप्ट विच कवर्स ईच एंड एवरी मोड ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी, हाँ या ना? जवाब दीजिए, सही लिखा हुआ है यहां पे? डन, यही लिखा हुआ है। द पर्पस ऑफ चार्ज, इसका पर्पस क्या है? चार्ज का पर्पस क्या होता है? चार्ज की रजिस्ट्रेशन का नहीं पूछ रहा, चार्ज क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है बताओ? चार्ज क्रिएट करने का पर्पस होता है क्रेडिटर को सिक्योर्ड का स्टेटस मिल सके, हाँ या ना? नहीं तो अगर वो लोन दे देगा और हम गिरवी नहीं रखेंगे, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, कल को वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, हाँ या ना? तो चार्ज का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सामने वाले को पैसे देते हुए दिल में दुख दुख ना हो कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, यस और नो? क्योंकि डूब भी गया तो अगर हमने नहीं भी दिया तो भी वो एसेट बेच के पैसे वसूल कर लेगा, हाँ या ना? जवाब दो। देखिए, द पर्पस ऑफ चार्ज इज टू सिक्योर द रीपेमेंट ऑफ डेट बाय कंपनी, यस और नो? क्लियर है बच्चे? क्या पहला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है? मैं पूरी कहानी समझा चुका हूं, ये समझ आती है बात? अब सुनो ध्यान से, इधर ऑल ऑफ यू, इधर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर टू, पहले इधर देखना मेरी बात को, प्लीज ऑल ऑफ यू लुक हियर। सर एक होता है फिक्स्ड चार्ज जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, एक होता है फ्लेक्सिबल चार्ज जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, ऐसा ही कुछ मैंने बताया। सर फिक्स्ड चार्ज कौन सा है? चार्ज विच कवर एसर्टेन और डेफिनेट एसेट्स, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, क्लियर है? अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ,
जब कंपनी ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रख दी बैंकर के पास और लोन लिया 10 साल के लिए, अभी तक लोन रीपे नहीं किया, क्या कंपनी वो एसेट बेच सकती है? कंपनी क्या कंपनी ने जो एसेट गिरवी रखी है उसको बेच सकती है? नहीं। हाँ या ना? कंपनी पे उसका राइट, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जब कंपनी फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करती है तो राइट टू यूज अभी भी कंपनी का होता है। राइट टू यूज किसका होता है? कंपनी का। राइट टू यूज इज विद कंपनी, हाँ या ना? बट नो राइट टू सेल, हाँ या ना? कंपनी के पास कोई राइट टू सेल नहीं होता। कब तक नहीं होता? सर जब तक आप उसका अमाउंट रीपे नहीं कर दोगे, मतलब जब तक आप वो चार्जेस को रिमूव नहीं कर दोगे। एक बार आपने कर्जा उतार दिया, उसके बाद आप प्रॉपर्टी का जो मर्जी करो, हाँ या ना? देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अंडर फिक्स चार्ज कंपनी लूजेस द राइट टू डिस्पोज सच प्रॉपर्टी, हाँ या ना? अनलेस अनएनकम्बर्ड, अनएनकम्बर्ड का मतलब है फ्री फ्रॉम चार्जेस। जब तक आप कर्जा नहीं उतार देते तब तक आप उस प्रॉपर्टी में डील नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। यस और नो? एकदम सही है बच्चे, जवाब दो। देखिए लिखना नहीं है अभी कुछ, सिर्फ सुनिए, मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं, अभी दूंगा। यहां तक हमें कहानी समझ आई जो मैंने अभी वहां बताई थी, केस वन केस टू उसी से रिलेटेड है। फिक्स एसेट्स को गिरवी रखा, फिक्स चार्ज लैंड एंड बिल्डिंग, इसको हम राइट टू यूज तो होता है लेकिन राइट टू सेल नहीं होता जब तक हम वो पूरा चार्ज चुका नहीं देते, जब तक हम उस प्रॉपर्टी को चार्ज फ्री ना कर दे, जब तक हम उसका कर्जा उतार ना दे। हो गई बात खत्म। अब सुनिए फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग चार्ज में सुनिएगा क्या होता है। इधर ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सुनो ध्यान से, सुनिएगा जो कह रहा हूं, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। इधर देखिए ऑल ऑफ यू, पेन पेपर छोड़ दो। हमारी कंपनी बैंकर के पास गई, बैंकर को कहती है, बैंकर भाई 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंकर कहता है गिरवी क्या रखोगे, कोई है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह? हमने कहा भाई एक लैंड तो है हमारे पास, बिल्डिंग भी है, पर वो ना किसी और बैंकर के पास गिरवी पड़ी हुई है जो 6 महीने के बाद फ्री हो जाएगी। 10 साल का लोन लिया था, 9.5 साल हो चुके हैं, 6 महीने के बाद वो प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो कहता है फिर मैंने कहा हमें लोन दे दे, अभी पैसे चाहिए 5 करोड़ रुपए अर्जेंट है। बैंकर कहता है गिरवी क्या रखोगे? मैं कह रॉ मटेरियल ले ले। बैंकर कहता है चल चल, रॉ मटेरियल के अगेंस्ट कौन लोन देगा तुमको? अगर रॉ मटेरियल रखूंगा तो इसका मतलब क्या, मैं रॉ मटेरियल साथ लेके चला जाऊं? बैंकर बोलेगा ले जाऊं। हम कहेंगे अगर तू रॉ मटेरियल साथ ले गया तो हम काम कैसे करेंगे? तो बैंकर कहता है ये कौन सा गिरवी हुआ जिसके अंदर रॉ मटेरियल भी तुम्हारे पास है और तुम कह रहे हो गिरवी मेरे पास रख रहे हो, लोन दे दे। तो हम बैंकर को क्या बोलते हैं, सुनो, हम कहते हैं देख भाई हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कितने का है, 15 करोड़ का। हम लोन कितने का ले रहे हैं, 5 करोड़ का। ये बात समझ आ रही है? हम प्रॉमिस करते हैं तू कभी भी अपने बंदे को भेज के छापा मरवा लियो, इंस्पेक्शन करा लियो, कभी भी जो रॉ मटेरियल का वैल्यू है वो 5 करोड़ से कम नहीं जाएगी। ये बात समझ आ रही है? क्या इसका मतलब ये हुआ 15 करोड़ है, हम रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं, 15 करोड़ से 8-10 हुआ, 10 से 8 हुआ, 8 से 5 हुआ, उससे जैसी और कम होगा तो हम नहीं जाने देंगे। मतलब अगर आपने कभी कॉस्टिंग पढ़ा हो तो कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ाया जाता है जिसमें रीऑर्डर लेवल पढ़ाया जाता है, सुना कभी? तो मतलब हम 5 करोड़ में आके रीऑर्डर कर देंगे अपनी क्वांटिटी को, मतलब 5 करोड़ से कम पे हम कभी भी आउटपुट को, रॉ मटेरियल को नहीं जाने देंगे, हाँ या ना? जवाब दो। सर जैसे ही 5 करोड़ पे जाएगी तो अगर हमें पता चलेगा कि हमारा रॉ मटेरियल 15 करोड़ था, कम यूज कर रहे हैं तो कम होता जाएगा ना, खत्म होता जाएगा, होते होते जैसे ही 5 करोड़ पे आया हम उसके बाद यूज नहीं करेंगे, हम और स्टॉक मंगा लेंगे, 15 करोड़ फिर हो जाएगा, फिर यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जितने का करंट रॉ मटेरियल है हम उसके अगेंस्ट 5 करोड़ का लोन ले रहे हैं, जितने का लोन ले रहे हैं हम प्रॉमिस करते हैं कि उससे कम की वैल्यू नहीं जाएगी, उतने का स्टॉक हमेशा हमारे पास पड़ा रहेगा। यस और नो? राइट। तो इसका मतलब क्या है, सुनिए, फिक्स चार्ज क्रिएट करने के बाद क्या आप उस बिल्डिंग को बेच पा रहे थे? नहीं। रॉ मटेरियल गिरवी रखने के बाद क्या बेच पा रहे हो? हाँ, क्योंकि वो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। यस और नो? लेकिन उसकी वैल्यू आपको इंश्योर करनी है कि वो लोन के अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए। यस और नो? तो देखिए बेटा यहां पे क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग चार्ज, चार्ज ऑन एसेट यूज्ड बाय कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल स्टॉक इन ट्रेड या डेटर्स, यही बताया मैंने आपको। यस और नो? सर कंपनी इज फ्री टू डील विद प्रॉपर्टी अंटिल सिक्योरिटी होल्डर्स और क्रेडिटर्स एक्सरसाइज देयर राइट। सर क्या कहना चाह रहे हो, सुनिए, इधर सुनिएगा ध्यान से, कहते हैं जी अंटिल सिक्योरिटी होल्डर्स और क्रेडिटर्स एक्सरसाइज देयर राइट। सर ये क्या मतलब है, सुनिए इधर देखिएगा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बैंकर है, पहले बताओ बैंकर के लिए फिक्स चार्ज ज्यादा सेफ है या फ्लेक्सिबल चार्ज? बैंकर के लिए फिक्स चार्ज ज्यादा सेफ है
क्योंकि उसको पता है एसेट गिरवी पड़ी है, यस और नो। फ्लेक्सिबल चार्ज में आपने बोल तो दिया कि आप 5 करोड़ से कम का रॉ मटेरियल नहीं करोगे, कर दिया तो क्या हो जाएगा, बैंकर की तो लग गई, हाँ या ना, बैंकर थोड़ी खड़ा रहेगा वहां पे रोज। या मैंने कहा बैंकर मेरे पास अगले महीने पैसे आएंगे उसके अगेंस्ट लोन दे दे, पैसे आएंगे दे दूंगा, बैंकर से लोन भी ले लिया और पैसे आए तो भी नहीं दिए, तो बैंकर की तो लग गई। तो कहता है बैंकर ना ज्यादा केसेस में कभी भी फ्लेक्सिबल चार्ज देने में बैंकर इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ बैंकर ये जरूर कर सकता है कि यार लोन चाहिए, हाँ कितने का, 5 करोड़ का, हाँ जी अच्छा आपके पास फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, वो 6 महीने बाद खाली होनी है, मैंने कहा हाँ चलो 6 महीने के लिए फ्लेक्सिबल दे देता हूँ, बाद में 6 महीने के बाद वो वाली एसेट फ्री हो जाएगी ना पुरानी वाली आपकी, पुराने वाले बैंक से, फिर वो मेरे पास गिरवी रख देना। तो मतलब बैंकर हमें प्राइमरीली क्या दे रहा है, फ्लेक्सिबल चार्ज, उसके बाद बैंकर क्या बोल रहा है, इसको फिक्स्ड में कन्वर्ट करवा देना, हाँ या ना, जवाब दो। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज, अभी आएगा वो टॉपिक, अभी वेट करो। पर इतना समझ आ गया कि अगर बैंकर, पहली बात तो बैंकर फ्लेक्सिबल चार्ज क्रिएट करके खुश नहीं होता होगा, और अगर कभी मजबूरी में कर भी दिया तो बैंकर की कोशिश क्या होगी, जल्दी से जल्दी वो फिक्स में कन्वर्ट हो जाए, माने जल्दी से जल्दी वो क्रिस्टलाइज हो जाए, यस और नो, क्लियर है बच्चे, पक्का। अब देखिए इधर बेटा, इधर देखिए पहले, यहां पर कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज, इधर देखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज। देखिए कह रहा है सर फिक्स्ड में डेफिनेट एसेट्स होती है, फ्लेक्सिबल में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली एसेट्स होती है, यस ऑर नो, क्लियर है। सर फिक्स्ड में लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जांपल आ गया, फ्लेक्सिबल में स्टॉक इन ट्रेड और डेट का एग्जांपल आ गया, राइट। अच्छा एक चीज बताओ सुनो, बैंकर फ्लेक्सिबल को फिक्स्ड में कन्वर्ट कराना चाहेगा, यस ऑर नो? कभी ऐसा होगा कि बैंकर बोले अच्छा अभी फिक्स दे दो बाद में फ्लेक्सिबल कर देना? कोई भी बैंकर अपने हाथ नहीं काटेगा, यस ऑर नो? तो कहता है सर फ्लेक्सिबल चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इंटू फिक्स्ड, बट फिक्स्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू फ्लेक्सिबल, हाँ या ना? बैंकर के लिए कौन सा ज्यादा रिस्की है, कौन सा कम? बैंकर के लिए फ्लेक्सिबल ज्यादा रिस्की है, मोर रिस्की है, और ये कम रिस्की है, यस ऑर नो? अच्छा सुनो, कंपनी गई बैंकर के पास, बैंकर को कहती है बैंकर भाई लोन दे दे, सुनिएगा इधर ध्यान से, कंपनी बैंकर के पास गई कहती है बैंकर भाई लोन दे दे, बैंकर भाई 10 साल के लिए लोन दे दे, किसके अगेंस्ट? रॉ मटेरियल के अगेंस्ट, देगा कभी? कभी भी नहीं। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट दे देगा, मतलब आपको नहीं लगता फिक्स्ड एसेट्स पे लॉन्गर स्पैन के लिए लोन मिलता होगा, जबकि फ्लेक्सिबल एसेट्स में कम टाइम के लिए लोन मिलता होगा, यस और नो? तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, फिक्स्ड चार्ज में लॉन्गर स्पैन और फ्लेक्सिबल में शॉर्ट स्पैन, हाँ या ना, राइट। और लास्ट पॉइंट, फिक्स्ड चार्ज में कह रहा है कंपनी का राइट नहीं होता डिस्पोज करने का जब तक अनइनकम्बर्ड ना हो जाए, ऊपर ही पढ़ा अभी हमने पॉइंट, जबकि फ्लेक्सिबल में कहता है यू आर फ्री टू डील, क्यों? क्योंकि भाई वो जो प्रॉपर्टी है वो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हो, हाँ या ना? लेकिन यू हैव टू मेक इंश्योर कि आपके रॉ मटेरियल की वैल्यू जो है वो लोन के अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई अलग से तो क्वेश्चन बना ही नहीं ना, ये ऊपर वाले कंसेप्ट से ही डिफरेंस बिटवीन आ गया, हाँ या ना? जवाब दीजिए बेटा, क्लियर है। तो अब हमें ये पूरी कहानी देखिए, ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई थी? ये शुरू हुई थी केस वन से, कि हम गए कंपनी के पास, हम गए बैंकर के पास, कंपनी बैंकर के पास गई, बैंकर ने कहा गिरवी क्या रखोगे, हमने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो क्या हो गया? फिक्स चार्ज। बैंकर ने कहा गिरवी क्या रखोगे, हमने कहा रॉ मटेरियल, तो वो क्या हो गया? फ्लेक्सिबल चार्ज, हाँ या ना? तो हमें पता चल गया फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लेक्सिबल चार्ज क्या होता है, और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस होता है, यस और नो? एम आई क्लियर? श्योर कर लो इसको नोट डाउन। बेटा मेरी एक बात सुनिएगा प्लीज, इधर लिखते हुए पहले एक चीज बताओ, जब कंपनी फिक्स चार्ज क्रिएट करती है, क्या फिक्स चार्ज के अंदर, इधर देखिएगा बेटा, कंपनी ने फिक्स चार्ज क्रिएट किया, क्या फिक्स चार्ज क्रिएट करने के बाद कंपनी की ओनरशिप होती है, हाँ या ना? बोलो, मालिक तो कंपनी रहेगी। क्या कंपनी का राइट टू यूज होता है, बताओ? क्या कंपनी ने जो एसेट गिरवी रखी वो खाली करके पोजेशन दे देती है, यूज करती रहती है? अब हमने अपना घर बैंकर के पास गिरवी रखा हुआ है और लोन ले रखा है, डज इट मीन कि हमने घर बैंकर को दे दिया? ऐसा तो नहीं है।
हम रहते तो ही है ना घर में, हमारा 1 करोड़ का घर है, बैंकर के पास 10 लाख के गिरवी रखा तो घर से थोड़ी निकल जाएंगे हम। तो मतलब ओनरशिप हमारे पास है, राइट टू यूज हमारे पास है, लेकिन क्या राइट टू सेल हमारे पास होता है? नहीं, हमारा राइट टू सेल जो है वो सेक्रीफाइस हो जाता है। यस और नो, जवाब दो, एम आई क्लियर? पक्का कर लो नोट इसको फिर पूरा। डन जी, डन। अब इसके बाद अपनी अपनी बुक्स के अंदर अगर थोड़ा बहुत लिखना चाहो, जो मैंने बताया लिखना है तो लिख लो। खैर पहले क्वेश्चन में तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं, सेम सारी बात क्लियर है। इसके अंदर ये मैं बता ही चुका हूं कि राइट टू यूज हमारा होता है लेकिन राइट टू सेल नहीं होता जब तक हम उस प्रॉपर्टी को फ्री नहीं कर देते, यस और नो। और फिक्स चार्जेस को कोई फ्लेक्सिबल में कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन फ्लेक्सिबल को फिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। यस और नो, जवाब दीजिए प्लीज। चले आगे, डन। अब देखिए, अब बच्चे इधर देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, ये क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात को सुनिएगा बेटा। इधर कहता है जी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्जेस को क्रिस्टलाइज कैसे किया जाएगा या कब किया जाएगा? क्रिस्टलाइज मतलब कन्वर्जन फ्रॉम फ्लेक्सिबल इनटू फिक्स, हाँ या ना? यस ऑर नो? सर फ्लेक्सिबल को कैसे फिक्स्ड में कन्वर्ट किया जाएगा? सही बोल रहा हूं मैं? सुनिए बेटा ध्यान से, फ्लेक्सिबल चार्ज को फिक्स चार्ज में कब कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब कब कब बैंकर आएगा और बोलेगा कि इसकी जगह एसेट ये वाली गिरवी रख दो, यस ऑर नो? एक चीज तो सिंपल है ना कि फिक्स्ड का फ्लेक्सिबल होने से रहा हमेशा क्या होगा, फ्लेक्सिबल चार्ज फिक्स में कन्वर्ट होगा, यस ऑर नो? सुनिएगा बेटा जो मैं बोल रहा हूं प्लीज, इधर ऑल ऑफ यू देखो सुनो, पूरी कहानी समझते हैं, ठीक है? नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा, सुनिएगा। हमने आपके पास बैंकर के पास गए और बैंकर को जाके बोला कि हमें लोन चाहिए, रॉ मटेरियल ले लो। बैंकर कहता है जी मैं तो नहीं लेता। हमने कहा प्लीज ले लेना भाई, 6 महीने की बात है, उसके बाद एसेट गिरवी रख देंगे। तो बैंकर कहता है ठीक है डीड में लिखो। हमने डीड में लिख दिया कि 6 महीने के लिए फ्लेक्सिबल है, बाद में फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 महीने के बाद वो होगा कि नहीं होगा? होएगा। तो वो हो गया ऑन द इवेंट स्पेसिफाइड इन
डीड। ये बात समझ आती है? जवाब दो। डीड में लिखा हुआ था तो इसका मतलब जिस टाइम पे हमने लिखा था डीड में, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 6 मंथ्स, तो 6 महीने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर है? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, हमने बैंकर को बोला था, बैंकर भाई रॉ मटेरियल ले लेना या रॉ मटेरियल के अगेंस्ट लोन दे दे। बैंकर कहता है ठीक है, कब तक रॉ मटेरियल रखूं? हमने कहा देख, हमारे पास कोई एसेट है ही नहीं, जरूरी थोड़ी है सारी कंपनीज अमीरों की हो भाई, हमने कंपनी किराए पे खोली है, हमने जगह किराए पे नहीं, हमारे पास फिक्स एसेट है ही नहीं, यस ऑर नो? तो बैंकर कहता है चलो फिर मैं एक काम करता हूं, मेरा जब तक दिल करेगा मैं तब तक इसको फ्लेक्सिबल में रखूंगा, उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई फिक्स एसेट लेनी पड़ेगी और मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। राइट, ये बात डीड में नहीं लिखी, डीड में डेट नहीं लिखी, डीड में क्या लिखा है, जब बैंकर की मर्जी होगी तो बैंकर उसको फिक्स में कन्वर्ट करने को बोल सकता है। तो यहां पर डीड में लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंकर हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंकर, व्हेन क्रेडिटर्स एनफोर्स देयर सिक्योरिटी, माने एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रेडिटर, यस और नो? जवाब दो, क्लियर है? पहले दो पॉइंट समझ आए, पहले केस में क्या कर रहा है, अगर डीड में लिखा 6 महीने बाद तो 6 महीने बाद, दूसरे में कह रहा है डीड में टाइम पीरियड नहीं लिखा लेकिन डीड में लिखा जब क्रेडिटर की डिस्क्रिप्शन होगी, और अगर उसकी डिस्क्रिप्शन है तो फिर इसका मतलब है कि वो कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है। राइट, एम आई क्लियर? जवाब दो, पहला डीड में लिखा है, दूसरा उसकी मर्जी है। राइट, अब सुनिए एक बार बताओ, बैंकर के पास आपने रॉ मटेरियल गिरवी रखा हुआ है और आपके चेक बाउंस हो रहे हैं, रॉ मटेरियल गिरवी रखा और आपके चेक बाउंस हो रहे हैं, बैंकर क्या करेगा, आएगा और आके रॉ मटेरियल पे कब्जा कर लेगा, हाँ या ना? जवाब दो। और फिर आप बोलोगे भाई प्लीज रॉ मटेरियल छोड़ देना, अगर तू रॉ मटेरियल नहीं देगा माल नहीं बनाएंगे बिकेगा नहीं तो तेरा कर्जा कहां से उतरेगा, हाँ या ना? इसका मतलब कंपनी को डर लगेगा कि कहीं हमारे रॉ मटेरियल पे कब्जा ना कर ले आके, यस ऑर नो? लेकिन मान लो कंपनी बंद हो रही है, कंपनी अपना धंधा ही बंद कर रही है, बैंकर के चेक नहीं दे रही, बैंकर कहता है रॉ मटेरियल ले जाऊंगा उठा के, कहते हैं ले जा हमें वैसे ही नहीं चाहिए, कंपनी को डर कब है रॉ मटेरियल ना लेके जाने का, कब तक डर है, जब तक कंपनी चल रही है, यस ऑर नो? द मोमेंट कंपनी बंद होने के हालात आ गए उसके बाद क्या कंपनी को रॉ मटेरियल से फर्क पड़ता है, नहीं। तो उस टाइम पे कहता है बैंकर प्रेशर करेगा कि आपको इसे फिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल या फ्लेक्सिबल की वैलिडिटी तब तक है जब तक कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, हाँ या ना? द मोमेंट कंपनी ने अपना बिजनेस बंद कर दिया इसका मतलब है कि कंपनी को रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, तो बैंकर भी उसका क्या करेगा, यस ऑर नो? देखिए क्या कह रहा है, जब कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन या कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, दोनों में एक ही बात है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो खत्म हो रहा है, यस ऑर नो? दोनों में कंपनी अपना काम बंद कर रही है, यस ऑर नो? यहां पर कंपनी का बिजनेस क्लोजर हो रहा है, राइट? जवाब दो। तो कहता है जब बिजनेस क्लोजर हो रहा है तो कंपनी को, अगर आपने कभी सुना होगा बिजनेस क्लोजर हो रहा है तो रॉ मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है, और जो डेटर्स है, जो पैसे आने हैं, वो वैसे भी नहीं आते, क्योंकि एक बार आपने बिजनेस बंद कर दिया लोग आपके पैसे खा जाते हैं। सुना कभी आपने कि एक बार अगर आपने बिजनेस बंद किया तो आगे से आप माल नहीं देते तो लोग आपके पैसे नहीं देते, होता ना ऐसा? जब भी आप बिजनेस बंद करते हो तो आपका बहुत पैसा डूब जाता है, यस और नो? मतलब जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो रॉ मटेरियल आपको चाहिए नहीं, पैसा पता नहीं आपका आएगा भी या बैड डेट्स बन जाएगा, यस और नो? तो कहने का मतलब क्या हुआ, कब कब क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है? पहली बात, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्लेक्सिबल चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्जेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। सर क्रिस्टलाइजेशन कब कब हो सकता है, डीड में लिखा हुआ है, बैंकर की मर्जी है, या कंपनी बंद हो रही है या कंपनी वाइंड अप हो रही है। बंद और इधर बंद और वाइंड अप में फर्क क्या है, यहां पर कंपनी बंद नहीं हो रही, कंपनी वो वाला बिजनेस बंद कर रही है, हाँ या ना? हो सकता है कंपनी 4 बिजनेस करती है उसमें से एक बंद कर रही है, यस और नो? समझ आ रही है कहानी? दोनों के अंदर ही हमें नुकसान हो रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी या तो वो बिजनेस बंद कर रही है जो वाला रॉ मटेरियल हमारे पास गिरवी पड़ा है, या कंपनी अपने आप को ही वाइंड अप कर रही है, हाँ या ना? जवाब दो भाई। कंपनी जो है वो मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, उसके जो रॉ मटेरियल होता है वो गिरवी पड़ा था हमारे पास, वो कंपनी कहती है हम वाइंड अप हो रहे हैं तो भी हमारी लग गई, या वो कंपनी कहती है अब हम होटल का काम बंद करें, होटल की जगह हम दूसरा बिजनेस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस करेंगे, तो भी तो हमारे लिए होटल का रॉ मटेरियल बेकार हो गया, हाँ या ना? क्लियर है सबको? तो देर आर 4 सर्कमस्टांसेस जहां पर क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ फ्लेक्सिबल इंटू फिक्स। मेरे साथ साथ बोलो, याद हुआ? डीड में लिखा है बैंकर की मर्जी है, या वाइंड अप हो रही है, या कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू दैट बिजनेस, यस और नो? इसका कोई भी रीजन हो सकता है, कंपनी का बिजनेस था लॉफुल, लॉ चेंज हो गया, अब लॉ चेंज होने की वजह से वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो कंपनी को बिजनेस चेंज करना पड़ रहा है, हाँ या ना? थर्ड और फोर्थ में फर्क समझ आ रहा है, फोर्थ वाले में सिर्फ धंधा बंद हो रहा है और थर्ड वाले में पूरी की पूरी कंपनी बंद हो रही है, यस और नो? जवाब दो, क्लियर है सबको? चले आगे, याद रहेगा?
अब देखिए बेटा ध्यान से, ये देखिए इधर प्लीज ऑल ऑफ यू मेरी बात को सुनिएगा। इधर हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, सेक्शन नंबर 81, वी आर कमिंग ऑन सेक्शन नंबर 81। बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा ये क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है। सुनिए, अभी मैंने ये भी नहीं बताया चार्ज कैसे क्रिएट होगा, कितने दिनों में हो, तो मैंने फॉर्म में बताया ना, मैंने सेक्शन 77 पढ़ाया ना 80 ना 79 80 कुछ नहीं पढ़ाया, सीधा 81 सुनना। मैंने इतना आपको पता है कि जब कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी तो अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, कौन से फॉर्म में, CHG 7 में, हाँ या ना, क्लियर है? वो बात आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 85 में। ये देखो सेक्शन 85 देखो क्या कह रहा है, कंपनी इज रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जो कि CHG 7 में आएगा लिखा हुआ, राइट? लेकिन सेक्शन 81 क्या बात कर रहा है, देखो रजिस्ट्रार्स रजिस्टर ऑफ चार्जेस या इंडेक्स ऑफ चार्जेस, ये बात समझ आ रही है? मतलब कंपनी को भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि हमने कौन कौन सी एसेट किसके पास गिरवी रखी है। आरओसी को भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसके अंदर आरओसी लिखेगा कि मेरे अंडर 3 लाख या 2 लाख कंपनीज है मेरे स्टेट में, और इस स्टेट के अंदर जितनी कंपनीज है किसने किसके पास क्या गिरवी रखा हुआ है, हाँ या ना, जवाब दो। अब सुनिए, कहता है सुनिए बेटा मेरी बात सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, इसको छोड़ दो, इधर देखिए, आरओसी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, राइट, हाँ या ना, एंड आरओसी फिजिकली उस रजिस्टर को मेंटेन नहीं करता, जब भी कोई कंपनी चार्ज क्रिएट करती है आरओसी को बताती है, आरओसी कहां डाल देता, अपनी वेबसाइट पे डाल देता, हाँ या ना, वेबसाइट का नाम www.mca.gov.in, हाँ या ना, और कहता है वो जो वेबसाइट अपडेटेड है, वेबसाइट पे जो डाटा है, कहता है वही एक तरीके से रजिस्टर माना जाएगा, आरओसी को अलग से कोई फिजिकल रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ आया, यस ऑर नो? सेक्शन कहता है आरओसी को रजिस्टर मेंटेन करना है, लेकिन इसके अंदर लिखा है कि अब आरओसी फिजिकल जमाने गए, अब कंपनी इतने सारे चार्जेस क्रिएट करती है आरओसी को बताती है, आरओसी उसको अपनी वेबसाइट पे डाल देता है। देखो यहां वर्ड आ रहा है इंडेक्स ऑफ चार्जेस, क्या ये इंडेक्स ऑफ चार्जेस मैंने आपको लिखवाया था, मैंने लिखा था ना कि अगर बैंकर 2 ने चेकिंग करनी है कहां जाके चेक करेगा, इंडेक्स ऑफ चार्जेस पे, किसकी वेबसाइट पे, एमसीए की। देखो क्या ये वही नहीं लिखा www.mca.gov.in/mca21, ये पूरा एड्रेस है, वो पर्टिकुलर पेज है वो वाला MCA 21, ठीक है जी, याद रहेगा www.mca.gov.in, इस वेबसाइट पे जाओगे तो MCA 21 का एक लोगो होगा, वो जो लोगो है अब MCA 21 का जो है उसमें जब आप क्लिक करोगे तो फिर वहां पे इंडेक्स ऑफ चार्जेस आ जाएगा, क्लियर है? जवाब दो, डन। देखिए इधर आरओसी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, जो आज के टाइम में 100 रुपए चल रही है, कोई भी बंदा ऑनलाइन आरओसी की वेबसाइट पे बैठे, एमसीए की जब आप वेबसाइट पे बैठते हो ना, सुनिएगा ध्यान से, एक चैप्टर आएगा आपके कोर्स में ई गवर्नेंस, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एमसीए की वेबसाइट कैसे ऑपरेट करते हैं। सुनिए, एमसीए की वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर मेल रजिस्टर करना पड़ता है, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ता है, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हो, इसमें कोई डाउट, सिंपल है? उसके बाद मान लो आपने किसी भी कंपनी की कोई भी चेकिंग करनी है तो उसकी सबकी फीस होती है, इंडेक्स ऑफ चार्जेस की फीस 100 रुपीज है, इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं इंस्पेक्शन कह सकता हूं। आप कंपनी की इंस्पेक्शन करना चाहते हो तो कंपनी की इंस्पेक्शन के लिए 100 रुपए की फीस होती है, और फिर कंपनी की खिड़की 3 घंटे के लिए खुल जाती है, मतलब आप 3 घंटे उस कंपनी के बारे में जो भी चेक करना चाहो एमसीए की वेबसाइट पे कर सकते हो, समझ आई है बात, हाँ या ना? आपने ऑनलाइन फीस पे करी कि मुझे रिलायंस की इंस्पेक्शन करनी है तो 3 घंटे के लिए वो ओपन हो गया, आपने जो करना करो, डन, क्लियर है? अब देखो कहां होगी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होगी इस वेबसाइट पे, मैंने आपको बता दिया। अब देखो लास्ट पैराग्राफ देखो इधर बेटा, ऑल ऑफ यू, द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड ऑन एमसीए पोर्टल, एमसीए की वेबसाइट पे जो डिटेल है, शेल बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर ऑफ चार्जेस, आया ना, माने आरओसी को अलग से कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, आरओसी ने जो ये वाला इंडेक्स मेंटेन किया हुआ ऑनलाइन, यही उसका रजिस्टर माना जाएगा। एनी डाउट इन दिस, जवाब दो, क्लियर हो गया? सेक्शन 81, आरओसी को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो कोई भी आके चेक कर सकता है ऑनलाइन, 100 रुपीज की फीस है उसकी, चेक करने के लिए आपको एमसीए डॉट जीओवी डॉट इन स्लैश
MCA 21 पे जाना पड़ेगा और कहता है ROC को अलग से रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, ये ऑनलाइन जो चीज है यही रजिस्टर मानी जाएगी। यस और नो, क्लियर है, पक्का? चले आगे। अब देखिए, अब यहां पर बात कर रहा है कंपनी के रजिस्टर ऑफ चार्जेस की। सर कंपनी को जो रजिस्टर मेंटेन करना है, आरओसी की बात नहीं कर रहा, अब किसकी बात कर रहा है, कंपनी की, सेक्शन 85। इधर देखिए, ये जो इधर देखिए बेटा, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो इस टॉपिक में ये सारे सेक्शंस हैं। इसके अंदर अगर मेरे से कोई पूछे, हमने सबसे पहले पढ़ लिया 81, अब हम पढ़ रहे हैं 85। यस और नो, जवाब दो। दोनों रजिस्टर क्या, 81 आरओसी का रजिस्टर है, 85 कंपनी का रजिस्टर है। कंपनी के रजिस्टर से लेके सिर्फ आपको एक ही बात पता है, क्या, के सीएजी 7 में मेंटेन होता है, हाँ या ना? जवाब दीजिए बेटा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ऑल ऑफ यू, देखो जी, इधर कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही ये रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ या ना? और कहता है जी रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करोगे फॉर्म CAG 7 में, ये भी प्रिजर्व करोगे परमानेंटली, यस और नो? हमेशा के लिए रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्लियर है ये बात? लेकिन कहता है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी 8 सालों तक। सर ये क्या कहना चाह रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस, मेरी बात सुनेगा ध्यान से भाई। जब आपने लोन लिया, आपने मूवेबल प्रॉपर्टी रखी तो आपने प्लेज अग्रीमेंट किया होगा, इमूवेबल रखी तो मॉर्गेज डीड साइन करी होगी, हाइपोथिकेशन किया तो हाइपोथिकेशन का अग्रीमेंट होगा, तो वो अग्रीमेंट है, डीड है, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, हाँ या ना? जवाब दो। और उसको आपको कब से कब तक मेंटेन करना है, 8 सालों तक। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आज अगर आरओसी आपके पास आए, आरओसी कहता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस दिखाओ, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा, चाहे उसमें एक भी चार्ज क्रिएट ना हो, खाली रजिस्टर हो मेंटेन करना पड़ेगा, याद रखना, खाली रजिस्टर हो रैपर चढ़ा हुआ, समझ रहे बात, बट लिखना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस, भाई हमने बना रखा है, आज तक कोई लोन ही नहीं लिया, यस और नो? क्लियर है? और कहता है जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस आप मेंटेन कर रहे हो उसमें चार्जेस की डिटेल होगी और उसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी सब होंगी, लेकिन कितने सालों की, पिछले 8 सालों की, मतलब वो 2019 में आ रहा है और 19 में आके बोलता है कि जी 2015 में आपने लोन लिया था, लिखा हुआ है रजिस्टर में, हाँ इसका इंस्ट्रूमेंट दिखाओ, आपको दिखाना पड़ेगा, ये 2012 में आपने लोन लिया था इसका दिखाओ, वो भी दिखाना पड़ेगा, 19 से 12 7 साल हो गए, 2018 में आके बोल रहा है 2008 वाली अग्रीमेंट दिखाओ, तो वो नहीं दिखा रहे हम, हाँ या ना? हम दिखाने के लिए बाउंड नहीं है, समझ आ गई ये बात? जवाब दो। कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना है, कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्जेस CAG 7 में मेंटेन करना है परमानेंटली, और जितने अग्रीमेंट्स है वो भी मेंटेन करने हैं, कितने सालों तक, 8 सालों तक, डन। अब कहता है सर ये बताओ कि क्या कोई बंदा कंपनी के पास जाके भी कह सकता मुझे चार्जेस का रजिस्टर दिखाओ? क्या कोई बंदा आरओसी की वेबसाइट पर तो देख सकता है, मैं आरओसी की वेबसाइट पर जाके रिलायंस के बारे में देख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं रिलायंस कंपनी में जाके देख सकता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है। कहता जी देख सकते हो ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, यस और नो? ऐसा थोड़ी रात को 2 बजे जाओगे, बिजनेस आवर्स जिसका टाइम है 9 AM to 6 PM, यस और नो? जवाब दो यार, क्लियर है ये बात? और कहते हैं सर जब आप 9 AM to 6 PM जाओगे, मेंबर हो या क्रेडिटर हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट देखोगे, और अगर अदर पर्सन है तो जो फी प्रिस्क्राइब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, हाँ या ना? अब यहां पर आपकी समझदारी आती है, अगर आप अदर पर्सन हो और आर्टिकल्स में आप जाते हो इंस्पेक्शन करने के लिए और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 2000 रुपए फीस, आप कहोगे छोड़ना 100 रुपए आरओसी की वेबसाइट पर नहीं डाल दूंगा, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? ईमानदारी की बात यह है कि मैं किसी क्लाइंट के लिए जब इंस्पेक्शन करता हूं, एक क्लाइंट आया वो दूसरी कंपनी खरीदना चाहता है, यार जब आप कोई शादी भी करते हो ना, लड़का लड़की कोई आपस में घर वाले ढूंढते हैं तो उसके लिए भी छानबीन होती है, यस और नो? अब एक कंपनी दूसरी कंपनी खरीदना चाह रही है 20 करोड़ की, क्या वो उसकी जन्म कुंडली नहीं निकालेगी, आया ना? तो वो निकालने के लिए भी कंपनी इंस्पेक्शन करती है, तो कंपनी मेरे पास आती है जी इंस्पेक्शन कर दो इसकी, अब हमारी फीस कितनी लगती है, फीस तो हमारी लगती है 100 रुपए, लेकिन हमारे 3 घंटे तो लगते हैं, यस और नो? वो 3 घंटे के पैसे तो हम चार्ज करेंगे, तो मैं पर्सनली इंस्पेक्शन करने के 15,000 रुपए चार्ज करता हूँ, और कहने की बात है 3 घंटे यार हमको, 1 घंटे हम क्योंकि इतने साल हो गए काम करते हैं, पता है कहाँ पे क्या है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारा डाटा हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रिंट आउट कर लेते हैं, आगे सारी चीजें, यस और नो?
समझ आ रही है कहानी, याद रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि सर कंपनी सीएचजी 7 में रजिस्टर मेंटेन करेगी, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट को 8 साल के लिए मेंटेन करेगी, मेंबर क्रिएटर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आउटसाइडर के लिए फीस है, कितनी फीस जो आर्टिकल्स में लिखे, चाहे वो 2000 हो, 5000 हो, 10000 हो, या ना। आरओसी की वेबसाइट पे देखना है तो 100 रुपए की फीस है, लॉ में 100 रुपए नहीं लिखा, रूल्स में लिखा होता है फीस, यानी क्या प्रिस्क्राइब फीस, पहले ये थी 2500 रुपए, फिर भी 50 रुपए, अब होगी 100 रुपए, तो अभी एट प्रेजेंट 100 रुपीज है, कल को बढ़ भी सकती है, यस और नो, जवाब दीजिए। अभी तक हमने कितना पढ़ा, अगर मैं इसको रिवाइज करूं पूरा का पूरा, याद हो गया आपको, मेन है याद हो जाना चाहिए ये चैप्टर, बड़ा आसान है यार। सुनो सबसे पहली चीज, इधर मैं रिवाइज करा रहा हूं, सुनना, टॉपिक का नाम क्या है, चार्जेस या रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपनी ने बैंकर के से लोन लिया और मॉर्गेज प्लेज या हाइपोथिकेशन कर लिया, क्लियर है बात, डन। सर चार्जेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बैंकर को दुख दुख ना हो, बैंकर के पास चीजें सिक्योर पड़ी रहे, हाँ बैंकर सिक्योर क्रेडिटर का स्टेटस फील करे, इसलिए हम चार्ज क्रिएट करते हैं, इसलिए हम लोन के अगेंस्ट कुछ गिरवी रखते हैं, डन। सर लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव यह है कि आरओसी को पता चल जाए कि मेरी लोकेलिटी में या मेरी स्टेट में कितनी कंपनीज है जिन्होंने किस किस से कौन सा लोन ले रखा है, ताकि आरओसी अपनी वेबसाइट में दिखा दे, ताकि कल को हम वही एसेट कंपनी चीटिंग करके किसी और के पास गिरवी रखने लगे तो सेकेंड बैंकर को पता चल जाए, यस और नो, सिंपल है जी। सर इसके बाद हमने पढ़ा चार्ज कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लेक्सिबल चार्ज। फिक्स चार्ज फिक्स एसेट्स होता है, फ्लेक्सिबल चार्ज फ्लेक्सिबल एसेट्स होता है। फिक्स चार्ज में आपका राइट टू ओनरशिप होता है, राइट टू यूज होता है, राइट टू सेल नहीं होता जब तक आप वो चार्ज उतार नहीं देते, जब तक आप उस प्रॉपर्टी को अनएनकम्बर्ड नहीं कर देते हो, यस ऑर नो। सर फ्लेक्सिबल चार्ज के अंदर रॉ मटेरियल या डेटर्स या करंट एसेट्स होता है, इसमें आप फ्री टू डील हो क्योंकि आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हो, हाँ या ना। सर वो तब तक फ्लेक्सिबल रहेगा जब तक उसको क्रिस्टलाइज ना करा दिया जाए, राइट। सर क्रिस्टलाइज कब कब हो सकता है, चार केसेस मैंने बताए, पहला केस सर डीड में लिखा है, दूसरा क्रेडिटर की मर्जी है, तीसरा कंपनी बंद हो रही है, चौथा बिजनेस बंद हो रहा है, यही चार हमने पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा सीएचजी 1 से लेकर सीएचजी 9 तक, 1 है हम क्रिएट करके बताएंगे, 2 में हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 है मॉडिफाई करके बताएंगे, 3 में हमें मॉडिफिकेशन मिलेगा, 4 है सेटिस्फाई करके बताएंगे, 5th में हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 6th है हम नहीं बता रहे, बैंकर बता रहा है आरओसी को कि ऐसे ऐसे में इस बंदे को अपॉइंट कर रहा हूं एज अ रिसीवर, क्यों, क्योंकि कंपनी ने पैसे नहीं दिए और अब मुझे एसेट को बेच के वसूल करवाना है, हाँ या ना। सीएचजी 7 किस चीज का है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस कौन मेंटेन कर रहा है, कंपनी मेंटेन कर रही है, कंपनी, कंपनी वाला सेक्शन कौन सा है, कंपनी वाला, कंपनी का 85 है, आरओसी का 81 है, यस ऑर नो। सीएजी 8 किस चीज का है, सीजी से माफी कब मांगनी है, जब आरओसी की हद खत्म हो जाएगी, आरओसी की हद 120 डेज है, मैंने बताया पढ़ा नहीं है अभी इसको ऑफिशियली, वैसे जब आरओसी की हद खत्म हो जाएगी तो सीजी से माफी मांगनी पड़ेगी। सीएचजी 9 किस चीज का है, सीएचजी 9 है जब हमने एसेट गिरवी रखी है लेकिन लोन के लिए नहीं, अगेंस्ट डिबेंचर, किसी इंस्ट्रूमेंट को डिबेंचर या बॉन्ड्स वगैरह को सिक्योर करने के लिए रखी है तो उसके लिए सीएचजी 9 जाता है, याद रखिएगा उसका जाता सीएचजी 9 है, सीएचजी 9 ही जाता है उसका, लेकिन उसका मिलता 2 ही है, अगेन क्रिएशन है, 9 में क्रिएट किया 2 में मिलेगा, 9 में क्रिएट किया मॉडिफिकेशन 3 में मिलेगी, समझ आ रही है बात। हमें बताने का आरओसी को 1 है नॉर्मल केस में और 9 है डिबेंचर के केस में, क्लियर है, समझ आ रही है बात। लेकिन मिलने के जो सर्टिफिकेट है उसका सेम है, 2 में रजिस्ट्रेशन मिलती है और 3 में मॉडिफिकेशन मिलती है, डन। इसके बाद हमने पढ़ लिया कि रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन बाय आरओसी, आरओसी को रजिस्टर मेंटेन करना है, वो अपनी वेबसाइट पे इंडेक्स मेंटेन करेगा, जो इंडेक्स है वही इंडेक्स उसका चार्जेस का रजिस्टर माना जाएगा, यस और नो, क्लियर। और कोई भी बंदा प्रिस्क्राइब फीस 100 रुपए की देखे उसको चेक कर सकता है, वेबसाइट है mca.gov.in/mca21, डन। इसके बाद हमने ये वाला पढ़ लिया सेक्शन 85, ये क्या कह रहा है, कंपनी रजिस्टर मेंटेन करेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी, सीएचजी 7 में करेगी, परमानेंटली मेंटेन करेगी और इंस्ट्रूमेंट्स को 8 सालों के लिए मेंटेन करेगी, क्लियर है। आगे कह रहा है कि इंस्पेक्शन कर सकते हो बिजनेस आर्स के अंदर, क्रेडिटर और मेंबर्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज है, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स में आ जाते हैं, डिबेंचर होल्डर्स आर दी क्रेडिटर्स, उनके लिए भी क्या होगा फ्री ऑफ चार्ज, और अदर पर्सन्स के लिए जितनी फीस आर्टिकल्स में लिखी है, ज्यादा लिखी है तो फिर आप आरओसी की वेबसाइट से चेक कर लो क्यों कंपनी को इतने पैसे देते हो, यस और नो, क्लियर है जी। डाउट सर बताइए। सर फ्लेक्सिबल चार्ज का मतलब होता है करंट एसेट्स, आपका क्वेश्चन है डेटर्स पे कैसे क्रिएट हो सकता है, आप कह रहे हो डेटर्स पे फ्लेक्सिबल चार्ज कैसे क्रिएट हो सकता है, आप मेरे को एक चीज बताओ सुनिएगा ध्यान से, डेटर्स पे आप फ्लेक्सिबल चार्ज का मतलब क्या है, कि आप पैसे ले रहे हो और कोई चीज गिरवी रख रहे हो, हाँ या ना, राइट। जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग कराते थे तो
तो वो क्या होता था, जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराते हो ना, तो क्या वो आपका डेटर होता है? हाँ या ना? उसको आप डिस्काउंट करा लेते हो, इसका मतलब आप उसके अगेंस्ट पैसा ले रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ डिस्काउंटिंग ऑन बिल ओनली, यस और नो? भाई मैं बैंकर को बोल रहा हूं, सुनो, मैं बैंकर को बोल रहा हूं कि बैंकर भाई मेरे को ना पैसे दे दे अभी। बैंकर कहता है गिरवी क्या रखोगे? मैं कहता हूँ यार मैंने ना लोगों को ना क्रेडिट नोट इश्यू कर रखे हैं उधार के, और सारे पैसे ना 3 महीने बाद आने हैं, तो 3 महीने बाद पैसे आएंगे वो मैं तेरे को उसके अगेंस्ट मैं तेरे को लोन ले रहा हूँ, जैसे पैसे आएंगे दे दूंगा। तो मैंने बैंकर के पास गिरवी क्या रखा? रिसीवेबल्स, मेरे डेटर्स। हाँ या ना? ले रहे हैं बात? लेकिन अगेन यहां पर अगर मेरे बैड डेट्स हो गए तो बैंकर मर गया। वहां पर अगर रॉ मटेरियल खराब हो गया, मेरा रॉ मटेरियल के अगेंस्ट लोन रखा था, रॉ मटेरियल जो था वो पेरिशेबल था, खराब हो गया, बैंकर मर गया, यस और नो? इसलिए हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबल चार्ज जो है वो हमेशा रिस्की होता है, यस और नो? क्लियर है? चले आगे। याद रखिएगा जो बैंकर बैंकर हम बार बार बोल रहे हैं कि बैंकर से हमने लोन लिया, या बैंकर को बोलते हैं चार्ज होल्डर। याद रहेगा क्या बोलते हैं? चार्ज होल्डर। याद रखिएगा, लिख लो कहीं पे, लिखना अलग से। तो बैंकर इज इक्वल टू चार्ज होल्डर, बैंकर इज इक्वल टू चार्ज होल्डर। डन। देखो इधर बच्चे, इधर देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, ये इसके अंदर सी एच जी 1 से लेके देख लो 9 तक सारे फॉर्म लिखे हुए हैं, राइट? सेम यही मैंने आपको एज इट इज याद कराए, फॉर डिबेंचर क्रिएशन और मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ डिबेंचर 9 है। हाँ या ना? आपको एक चीज समझ आ रही है कि मेरी बुक के अंदर सेक्शंस भी दे रखे हैं, मेरी बुक के अंदर अगर देखा जाए फॉर्म नंबर्स भी दे रखे हैं। हाँ या ना भाई? बुक के अंदर सेक्शन है, फॉर्म नंबर है, थ्योरी है, चार्ट है, आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी लिखने की, ऐसा नो, सिर्फ आपको पढ़ने पे फोकस करना है। क्लियर है बात? अब देखो इधर ध्यान से, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, सेक्शन 84, हम बात करें सेक्शन 84 की। सुनना पहले, लिखना मत, सुनना। सेक्शन 84 क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। इसमें फॉर्म नंबर आपको पता है कौन सा है? कौन सा? CHG 6। हाँ या ना? हम बात करें बेटा इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, इसमें फॉर्म नंबर कौन सा है? CHG 6। पता है हमें? देखो पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर इसका चार्ट बनाएंगे। देखिएगा सेक्शन 84 प्रोवाइड्स, बेटा इधर सेक्शन 84 प्रोवाइड्स इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और ऑफ अ पर्सन टू मैनेज दी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, और इफ एनी पर्सन अपॉइंट सच रिसीवर और पर्सन, एनी पर्सन अपॉइंट सच रिसीवर, यहां किसकी बात कर रहा है? बैंकर की, चार्ज होल्डर की। हाँ या ना? कंटेन्ड इन एनी इंस्ट्रूमेंट ही शेल विद इन अ पीरियड, देखो इधर कह रहा है इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट, मतलब जो अपॉइंट हो रहा है वो, या जो अपॉइंट कर रहा है। हाँ या ना? जवाब दो, जो अपॉइंट हो रहा है, या मैंने कहा जो अपॉइंट कर रहा है, अ पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड और अ पर्सन हु इज अपॉइंटिंग हिम, राइट? डन जी। कह रहा जी उसको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर और ऑफ मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट देगा किसको? रजिस्ट्रार को और कंपनी को भी, यस और नो? होता क्या है, सुनिएगा इधर, CHG 6 जाता है ROC को, हाँ या ना? प्लस उसकी कॉपी चली जाती है कंपनी को, ये बात समझ आ गई? साथ में कहता है जी ऑर्डर की कॉपी जाएगी, और कहता है रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार शेल ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी, फीस लगती है जब आप चार्जेस क्रिएट करते हो। देखो आपको इतना तो पता, जब ROC को आप कोई भी फॉर्म देते हो फ्री में तो नहीं लेता, उस फीम के साथ उस फॉर्म के साथ फीस जाती है, या ना? तो कहता है जब बैंकर अपॉइंट करेगा रिसीवर या मैनेजर तो ROC को बताएगा, तो ROC को फॉर्म के साथ फीस देनी पड़ेगी। वो फीस के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस रूल्स है, वो अलग है, वो आपके कोर्स में नहीं है, पढ़ाई भी नहीं जाते, वो तो कितनी फीस है वो तो आप ROC की वेबसाइट पे जाओ दिख जाता है इतनी फीस है। देन वैसे भी आपको फीस देखने की भी जरूरत नहीं है, जब आप ये फॉर्म भरते हो ना, भरने के बाद सबमिट करते हो, अपने आप दिखा देता है इतनी पैसे, कैलकुलेटर लगा होता है, जैसे पासपोर्ट की वेबसाइट वगैरह पे कैलकुलेटर्स होते हैं आजकल, समझ रहे हो? आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है,
ऑथराइज शेयर कैपिटल के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो वो अपने आप ही फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आ जाती है। ये बात समझ आ रही है? डन। यार आपने कभी ऑनलाइन जोमेटो वगैरह पे खाना बनाया मंगवाया हो तो क्या आप वहां पे लिखते हो या अपने आप कैलकुलेट हो जाता है इंटू टू करके अपने आप हो जाता है ना? वैसा ही आरओसी की वेबसाइट में है। देखिए, रजिस्टर पर्टिकुलर्स ऑफ द रिसीवर और पर्सन, सुनिए, एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शेल ऑन सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट गिव टू द कंपनी एंड रजिस्ट्रार अ नोटिस, और फिर रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि CHG 6 दो बार जाएगा, अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी जाएगा और सेसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी जाएगा। हाँ या ना? देखो इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू, ये देखिए CHG 6 में क्या कह रहा है, देखो, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट और सेसेशन ऑफ रिसीवर और मैनेजर। जैसे DIR 12 होता है डायरेक्टर्स का, अपॉइंट होते हैं तो भी जाता है, जॉब खत्म हो जाती है सीज होते हैं तो भी जाता है। हाँ या ना? ऐसे इसका क्या होगा, दो बार जाएगा, राइट? क्लियर है? अगर देखो इधर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में चार्ट बनाना चाहूं, इधर सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं बेटा, सुनिए, देखिए पूरी बात समझते हैं। पहले डायग्राम को देखना, बनाना नहीं, देखना। सर कंपनी ने बैंकर से लोन लिया, प्लस सिक्योरिटी दी, और बैंकर ने लोन प्रोवाइड कर दिया, राइट? सर अब कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन, कंपनी ने गिरवी रखा, लोन ले लिया। पॉइंट नंबर थर्ड, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। हाँ या ना? सर जैसे ही कंपनी ने डिफॉल्ट करा, अब बैंकर क्या करेगा? बैंकर ऐसे समझो, बैंकर अपॉइंट करेगा किसको? रिसीवर को। हाँ या ना? डन। ओके जी, अब आगे इस रिसीवर की मर्जी है या इस बैंकर की मर्जी है, ये कंपनी है और ये आरओसी है। हाँ या ना? अब ये रिसीवर या बैंकर दोनों में से कोई भी कंपनी को एंड आरओसी को, राइट, क्या फाइल कर सकते हैं? CHG 6। और दोनों को जाना है कितने टाइम में जाना है? CHG 6 मतलब आरओसी को जाना है CHG 6 फॉर्म, और ये जाना विद इन 30 डेज, और इसकी कॉपी जाएगी आरओसी को, सॉरी कंपनी को, कॉपी जाएगी CHG 6 की कंपनी को। ये भी कितने दिनों में जाएगी? 30 डेज में। कंपनी को भी पता चल जाना चाहिए कि हाँ जी अब हमारी एसेट बिकने वाली है। यस और नो, जवाब दो। अगर कल को जब इसका अपॉइंटमेंट हुआ और अपॉइंटमेंट के बाद इसने सारी एसेट वैसेट बेच दी, वो वाली एसेट बेच के पैसे वसूल कर लिए, उसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो दोबारा से CHG 6 चाहेगा, यस और नो? तो ये वाली बात पूरी की पूरी हमने कहां पढ़ी है? सेक्शन नंबर 84 में। डन। तो सेक्शन वाइज बात करें तो 77 से 87 है, लेकिन उसके अंदर हमने कितने पढ़े हैं? सेक्शन नंबर पढ़ लिया हमने 81 84 85। 81 किसका है? आरओसी का रजिस्टर। 85 किसका है? कंपनी का रजिस्टर। और 84 किसका है? जब कंपनी रिसीवर को अपॉइंट करेगी तो बताएगी किसको? आरओसी को भी, और जब बैंकर अपॉइंट करेगा रिसीवर को तो बैंकर आरओसी को भी बताएगा और कंपनी को भी। बता कोई भी सकता है? कौन बता सकता है? या जो अपॉइंट हो रहा है वो, या जो अपॉइंट कर रहा है वो। यस और नो? डन बच्चे, क्लियर है? कर लो इसको नोट डाउन।
डन बच्चे, क्लियर है? अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो हमने तीन कवर किए, 81, 84, 85. कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो हम लोगों ने तीन ये कवर किए. इसके अलावा फ्लेक्सिबल और फिक्स चार्ज क्या होता है वो कवर किया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो कवर किया. हाँ या ना? यहां तक के अभी तक तो मैंने चार्ज की डेफिनेशन भी नहीं पढ़ाई जो सेक्शन 2 क्लॉज 16 में गिवन है, राइट? इस चैप्टर को पढ़ने का ना तरीका बहुत अलग होता है. पहले हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, पहले हम इसमें बेसिक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम उसमें फॉर्म नंबर पढ़ के हमें पर्पस सारे क्लियर हो जाते हैं. हाँ या ना? फिर उसके बाद हम ये सेक्शंस पढ़ते हैं. और अब क्या होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी आएंगी जहां पर सेक्शन नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट होगा, रूल्स क्या आएगा, रूल्स आएंगे. सर क्या कहना चाह रहे हो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सुनिए ध्यान से बेटा. इधर देखिए, सेक्शन 77 कह रहा है कंपनी की ड्यूटी है कि वो चार्ज को रजिस्टर करे, ठीक है? देखिए इधर मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, सुनिएगा. 78 कह रहा है कैसे अप्लाई करेंगे, 79 कह रहा है मॉडिफाई कैसे करेंगे, 80 कह रहा है आरओसी को बताना कब है, 81 हमने देख लिया, 82 सेटिस्फेक्शन, 83 कहता है आरओसी खुद सेटिस्फाई कर देगा अगर कंपनी ने नहीं बताया तो. देखो, पावर ऑफ रजिस्टर रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी. कंपनी ने लोन चुका दिया, चुकाने के बाद आरओसी को नहीं बताया, आरओसी को खुद पता चल गया तो भी वो नाम काट देगा अपनी साइड से. हाँ या ना? राइट, पढ़ेंगे आएगा. ये 84 रिसीवर कैसे अपॉइंट होता है, 86 पेनल्टी, 87 सीजी कैसे रेक्टिफाई करेगा या कंडोन करेगा, बताया था ना मैंने सीएचजी 8. हाँ या ना? अब आप देखो, ये जो मैंने अभी सिर्फ पढ़ा, समझाया नहीं है, समझाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में, पर इसमें अभी भी बड़ी सारे लकुने हैं. फॉर एग्जाम्पल सर, जब कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी तो इधर से कंपनी का बंदा आएगा, उधर से बैंकर का आएगा, हाँ या ना? क्रिएटर और चार्ज होल्डर आएगा, सर किसके बिहाफ पे कौन साइन करेगा? सर अगर प्रॉपर्टी कंपनी इंडिया की है और प्रॉपर्टी इंडिया में ही है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स साइन करेंगे? और सर कंपनी इंडिया की है, प्रॉपर्टी लंदन वाली है, हो सकता है ना ऐसा? भाई इंडियन कंपनी की प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर नहीं हो सकती क्या? तो कंपनी इंडिया की है, लोन इंडिया में ले रही है, आरओसी को बता रही है, लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, उसमें कौन कौन साइन करेगा? तो कहने का, या ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी इंडिया के बाहर की है, इंडिया में बिजनेस कर रही है, ऐसी कंपनी को हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं. हाँ या ना? क्लियर है बात? ऐसी कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है तो कैसे बताएगी, इंडिया वाली एसेट गिरवी रख रही है तो. कहने का मतलब क्या हुआ, अभी ये सेक्शंस पढ़ने के बाद भी जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें जो और भी पढ़नी पड़ेंगी, यस और नो? और वो क्या है, वो रूल्स है, क्योंकि सेक्शंस के अंदर पूरी बात गिवन नहीं है. माय क्वेश्चन इज, सुनो, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया है तो उसके अलग रूल्स होंगे, कंपनी इंडिया की है लेकिन प्रॉपर्टी इंडियन भी हो सकती है और प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर भी हो सकती है, हाँ या ना? दोनों को साइनिंग करने की अथॉरिटीज अलग अलग है, समझ आई है बात? क्लियर है? बट एनी हाउ, इससे ज्यादा हम आज नहीं पढ़ रहे. आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, 9 फॉर्म्स के नाम पढ़ लिए, कौन कौन से, 1 से लेकर 9 तक. 3 हम लोगों ने सेक्शन पढ़ लिए, कौन कौन से, 81, 84, 85. इसके अलावा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल चार्ज, और उसके अलावा पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल चार्ज. एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज. फ्लेक्सिबल चार्ज फिक्स्ड में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टलाइजेशन वो क्रिस्टल मतलब जम जाना, फ्लेक्सिबल चार्ज फिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया, कब होगा? चार चीजें याद है, डीड में लिखा है क्रेडिटर की मर्जी है या कंपनी बंद हो रही है या बिजनेस बंद हो रहा है, यस और नो? एम आई क्लियर? श्योर? बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था चार्जेस, और या मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. अगर आपको याद हो तो चार्जेस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था सर फिक्स चार्जेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिक्स चार्ज. फिर हमने पढ़ा था सर फ्लेक्सिबल चार्ज क्या होता है. इसके बाद हमने पढ़ा था सर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है. देन हमने इसके अंदर कुछ फॉर्म नंबर्स पढ़े थे बच्चे, और इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 81, देन सेक्शन नंबर 85 एंड देन सेक्शन नंबर 84. जबकि इसमें टोटल सेक्शन है कहां से लेके, 77 से लेके 87 तक है, राइट बच्चे? अगर हम इसको एक बार फटाफट से 5-7 मिनट में रिवाइज करें और फिर आगे चले, ध्यान से देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू. सबसे पहली चीज कहता है, हमने पढ़ा था कि सर चार्ज का मतलब क्या होता है. सर चार्ज का मतलब यहां पर है कि जो कंपनी है, कंपनी बैंकर या किसी क्रेडिटर के पास जाती है और जाके उससे बोलती है, किसी लेंडर के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है और जाकर बोलती है कि हमारी सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हो और हमें लोन दे दो.
सच सिक्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट कैन बी इधर प्लेज और मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन, राइट। वो जो बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो चार्ज होल्डर हो गया, राइट। मैंने आपको इस चैप्टर पढ़ाने से पहले बोला था कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा मेजर अमेंडमेंट है। इनफैक्ट अगर किसी ने जनवरी 2019 से पहले ये एक्ट पढ़ा है तो उसको दोबारा ये चैप्टर पढ़ा तो ये चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैंने कहा था एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लेक्सिबल चार्ज। फिक्स चार्ज होता है फिक्स एसेट्स पे, जिसको आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक वो अनएनकम्बर्ड ना हो जाए। फ्लेक्सिबल चार्ज होता है आपके करंट एसेट्स में, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, स्टॉक इन डेट्स हो, एक्सेट्रा हो, राइट, या डेटर्स वगैरह हो आपके, या इन्वेंट्रीज हो। इसमें हमने पढ़ा था कि सर इसको आप यूज कर सकते हो लेकिन इसकी वैल्यू उससे कम नहीं होनी चाहिए जितने का लोन आपने ले रखा है, राइट। पढ़ा था हमने सर फ्लेक्सिबल चार्ज फिक्स में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसके अंदर हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइज चार्ज केसेस में होता है पहला हैपनिंग ऑफ इवेंट स्पेसिफाइड इन डीड, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रेडिटर, तीसरा या एनफोर्समेंट बाय क्रेडिटर, तीसरा आप बिजनेस बंद कर रहे हो या आपकी कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, फोर्थ केस। यही पढ़ा था हम लोगों ने। सर इसमें कितने फॉर्म नंबर थे? CSG 1 से लेकर CSG 9 तक थे। 1 था क्रिएशन या मॉडिफिकेशन बताएंगे, 2 में क्रिएशन रिसीव करेंगे, 3 में मॉडिफिकेशन रिसीव करेंगे, 4 में सेटिस्फेक्शन बताएंगे, 5 में सेटिस्फेक्शन रिसीव करेंगे, 6 में रिसीवर वाले के बारे में बताएंगे, 7 में रजिस्टर मेंटेन करेंगे, 8 में CG से माफी मांगने जाएंगे, और 9 होगा जब हम डिबेंचर्स के अगेंस्ट क्रिएट या मॉडिफाई करेंगे। डन बच्चे? फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 81 जो कह रहा था ROC को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, और ROC ऑनलाइन वेबसाइट पे मेंटेन करता है www.mca.gov.in। अगर हम ROC के रजिस्टर की बात करते हैं तो ROC ने उस रजिस्टर को ऑनलाइन इस वेबसाइट पे इंडेक्स ऑफ चार्जेस के नाम से डाला हुआ है, जिसको आप 100 रुपीज की फी पे करके चेक कर सकते हो, राइट। फिर हमने पढ़ा था 85 कंपनी को भी अपना रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जो कंपनी CSG 7 में करती है कंपनी को रजिस्टर परमानेंटली प्रिजर्व करना होता है, जबकि जो उसके रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी मॉर्गेज डीड अप्लाइज एग्रीमेंट है, वो 8 सालों तक मेंटेन करना पड़ता है। मेंबर और क्रेडिटर के लिए फ्री ऑफ चार्ज कॉस्ट वो देख सकता है, उसको जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो इंस्पेक्ट कर सकता है। आउटसाइडर को उतना अमाउंट देना पड़ेगा जितना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। अगर वो ज्यादा है तो आउटसाइडर के लिए क्या एडवाइजेबल है कि वो ROC की वेबसाइट पे जाके देख ले, वहां तो 100 रुपए की फीस है। 84 हमने पढ़ा था कि जब भी आप रिसीवर अपॉइंट करोगे, क्योंकि आप मतलब बैंकर, जब भी क्रेडिटर को पैसा नहीं दे रहा, कंपनी से पैसे नहीं आ रहे, और उसने फाइनली सोचा मैं एसेट को बेच के पैसे वसूल करूंगा, तो जब भी वो रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट करेंगे तो उस केस में जो रिसीवर और मैनेजर है वो या बैंकर, दोनों में से कोई भी ROC को देगा फॉर्म नंबर CSG 6 और उसकी कॉपी साथ में कंपनी को भी दे देगा, और ये फॉर्म दोनों टाइम पे जाएगा, जब आप अपॉइंट कर रहे हो तब भी और जब आपका अपॉइंटमेंट सीज हो रहा है तब भी। पढ़ा था हम लोगों ने। डन? एनी डाउट इन दिस? अब सुनिए, याद रखिएगा जो बच्चा लास्ट क्लास में आया था उसी को ये टॉपिक आगे समझ आएगा। अगर आप छुट्टी पे थे या आपने पहला लेक्चर मिस किया तो आप सेकेंड नहीं पढ़ सकते हो, तो प्लीज फर्स्ट लेक्चर आपको याद होना चाहिए, पूरा माइंड में टिप्स होना चाहिए। इतना ही पढ़ा था ना हम लोगों ने। अब देखिए, अब यहां पर स्टार्ट होता है बच्चे आज का लेक्चर। पहले सुनिएगा, लिखिएगा मत, आई विल गिव यू एम्पल टाइम। देखिए, सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 77 प्लस रूल नंबर 3, 4 एंड 6 आता है, और इस सेक्शन की हेडिंग है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, और इन रूल्स का नाम क्या है? कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014। राइट बच्चे? ध्यान से देखिएगा प्लीज, इधर ऑल ऑफ यू, ये क्या बात कर रहा है। सेक्शन को आप कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ पहले सुनेंगे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसमें ड्रास्टिक चेंजेस है पुराने 2019 से पहले के। मैं फिर बोलूंगा, अगर आपने 2019 जनवरी से पहले ये चैप्टर पढ़ा है तो ऑलमोस्ट आपके लिए बेकार हो गया, आपको दोबारा से पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं यहां पे, पूरी बात समझिएगा बेटा, लिखना नहीं है। ये कंपनी ROC को बताएगी। देखो हेडिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि कंपनी ROC के पास जा रही है ये बताने के लिए कि हमने चार्ज क्रिएट किया है। यस और नो? कंपनी ROC को क्या बता रही है? इंटीमेशन ऑफ चार्ज।
कब बताएगी कंपनी? विद इन 30 डेज। यस ऑर नो? राइट, कहां से 30 डेज स्टार्ट होंगे? फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये बात समझ आई? जवाब दो कि भाई कंपनी आरओसी को 30 डेज के अंदर अंदर बताएगी कि हमने बैंकर से लोन लिया है और बैंकर के पास ये वाली एसेट गिरवी रखी है। यस और नो? सर जब कंपनी आरओसी को बताएगी विद इन 30 डेज, कौन सा फॉर्म देगी आरओसी को? सर डिपेंड करता है, या तो CHG 1 देगी या CHG 9 देगी। यस और नो? सर CHG 1 कब देगी? सर अगर चार्ज क्रिएट हुआ है, प्रॉपर्टी को हमने गिरवी रखा है अगेंस्ट लोन, आया ना? और सर अगर हमने प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है अगेंस्ट डिबेंचर होल्डर्स, तो कौन सा फॉर्म जाएगा? CHG 9 जाएगा। अगेंस्ट डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। पहले बताओ इतनी बात समझ आई जो मैंने कहा? सर एक कंपनी ने जब बैंकर से लोन लिया था तो उसको आरओसी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि हमने चार्ज क्रिएट किया। याद रखिएगा एक बात, कंपनी ने बैंकर से लोन लिया लेकिन कुछ गिरवी नहीं रखा, तब नहीं कराना, क्योंकि तब वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है? अनसिक्योर्ड है, तब तो चार्ज क्रिएट ही नहीं हुआ। कंपनी ने कोई सिक्योर्ड लोन लिया, कोई एसेट को गिरवी रखा, तभी आरओसी को बताना पड़ेगा। आई रिपीट, अनसिक्योर्ड लोन चार्ज नहीं होता। चार्ज का मतलब हमने कोई एसेट को गिरवी रखा। यस ऑर नो? तो सर कंपनी ने आरओसी को इंटीमेट किया विद इन 30 डेज, कैसे इंटीमेट किया? या CHG 1 फाइल किया या CHG 9 दिया। इसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज भी तो दोगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज मतलब कोई डीड वगैरह, आया ना? इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया? प्लेज, अग्रीमेंट, मॉर्गेज, डीड, कुछ तो दोगे। यस और नो? अब सुनिए, जब आपने ऐसा किया तो आरओसी ने रजिस्टर करके आपको क्या दे दिया? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया, हाँ या ना? कौन से फॉर्म में दिया? इन फॉर्म नंबर CHG 2। इतनी बात हमें सिंपल क्लियर है? किसी को भी इतनी सी बात में डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी, ये बात सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 1, कंपनी ने आरओसी को फॉर्म देना है, कौन सा फॉर्म देना है? या CHG 1 या CHG 9 देना है, और साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज देनी है विद इन 30 डेज, और फिर आरओसी क्या करेगा? CHG 2 में आपको सर्टिफिकेट दे देगा। हो गई बात खत्म? अब सुनिए सर, अगर कंपनी, इधर देखिए, अगर कंपनी 30 डेज में रजिस्टर नहीं कर पाती, अगर कंपनी 30 डेज में रजिस्टर नहीं कर पाती, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 डेज, तो लॉ कहता है देन कंपनी कर सकती है विद इन 60 डेज, या मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूं नेक्स्ट 30 डेज, आया ना? अगर कंपनी 30 दिन में आरओसी को नहीं बता पाती तो 60 दिनों में, या तो क्रिएशन से 30 दिन में बताए, नहीं बता पाई तो अगले 30 दिनों में बताए, या 30 प्लस 30 60, एक ही बात हो गई। या तो 30 दिन में बताए, और अगर 30 दिन में नहीं बता पाती तो अगले 30 दिन में बताए विद एडिशनल फीस। लॉ की लैंग्वेज क्या है? विद एडिशनल फीस। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? सिंपल है। अगर कंपनी ने 31 दिसंबर को चार्ज क्रिएट किया है तो कंपनी 30 जनवरी तक 30 दिन में बताए, नहीं बता पाती तो अगले 30 दिनों में बताए, लेकिन उसके लिए आरओसी क्या करेगा? एडिशनल फीस चार्ज करेगा, हाँ या ना? और सुनो ध्यान से, कहता है अगर अभी भी नहीं बता पाई, इफ नॉट रजिस्टर्ड, इधर देखिएगा बेटा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात को सुनिएगा इधर। सर इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 60 डेज, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 60 डेज, तो कहता है देन विद इन 120 डेज। अब ये 120 डेज का मतलब क्या हो गया? 30 प्लस 30 प्लस नेक्स्ट 60, आया ना? और यहां पर कहता है विद एडवेलरम ड्यूटी, एडवेलरम ड्यूटी, और आई कैन से विद एडिशनल पेनलाइज चार्जेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ इधर बच्चे? मोरल ऑफ दी स्टोरी इज, सर अगर मेरे से कोई पूछे
कि हम चार्ज कितने दिनों में क्रिएट करवाते हैं, तो सुनिएगा बेटा मैं क्या बोलूंगा अपनी लेमन लैंग्वेज में, अमित वोरा की लैंग्वेज में। अगर आप 30 डेज में चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो आपको नॉर्मल फीस लगेगी, आया ना सर। अगर आप नेक्स्ट 30 डेज में करते हो तो सर आपको एडिशनल फी लगेगी। और सर अगर आप तब भी नहीं करते, नेक्स्ट 60 डेज में करते हो तो एड वेलरम ड्यूटी लगेगी, जो लॉ की लैंग्वेज है। राइट, क्लियर है जी ये बात, डन। अच्छा एक चीज और देखिए, और सर अगर हम 120 डेज में भी नहीं कराते तो क्या करना पड़ेगा। कहता है सर अगर आप 120 डेज में भी नहीं कराते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके माफी मांगनी पड़ेगी, हाँ या ना। सीजी कंडोन करेगा अंडर सेक्शन 87, अंडर फॉर्म नंबर, अंडर कौन सा फॉर्म था, CHG 8, याद है आपको, हाँ या ना। तो कहने का मतलब, मोरल ऑफ दी स्टोरी इज, अगर कंपनी की हम बात करते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सर कंपनी के लिए अच्छा तो यही है कि कंपनी यहां तक ही टिक जाए। देखिए आया ना, यहां तक माने जिस दिन कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया वहां से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी CHG 1 या CHG 9 जो भी केस है ROC को बता दे विद इंस्ट्रूमेंट, ताकि ROC रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट दे दे। अगर आप 30 डेज में नहीं कर पाते तो नेक्स्ट 30 डेज में करोगे विद एडिशनल फी, आया ना। लॉ की लैंग्वेज है विद इन 60 डेज, इसका मतलब 30 पहले 30 नेक्स्ट हो गए, आया ना। और अगर कहता आप 60 डेज में भी नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 60 डेज, मतलब 30+30+60, तो फिर एड वेलरम ड्यूटी। और कहता है अगर तब भी नहीं कर पाए तो सीजी वाली बात आ जाएगी, यस और नो। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, इधर देखिए ध्यान से, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं देखिए, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 120 डेज, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 120 डेज कॉमा देन सीजी में ग्रांट एक्सटेंशन बियॉन्ड 120 डेज एज पर सेक्शन 87 इन CHG 8। एम आई क्लियर? आई होप कि आपको ये वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 77 क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि सर जब भी कंपनी कोई भी चार्ज क्रिएट करेगी तो ROC को 30 डेज में बताएगी तो नॉर्मल फी पे करेगी, 30 डेज में नहीं बता पाती तो नेक्स्ट 30 डेज में बताएगी एडिशनल फी पे करेगी, तब भी नहीं बता पाती तो नेक्स्ट 60 डेज में बताएगी एड वेलरम ड्यूटी पे करेगी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू पे करेगी, मतलब एक तरीके से पेनल्टी लगाई जाएगी। और कहता है अगर 120 दिन में भी नहीं बताती, उसके बाद अगर आप ROC के पास जाओगे तो ROC कहेगा मैं फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पहले जाओ CG से माफी मांग के आओ, हाँ या ना। माने जब आप CHG 1 फाइल करोगे तो CHG 1 जब आप फाइल करोगे तो वहां पे वो पूछता है डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, फिर वहां पे कॉलम पूछता है कि विद इन 30 डेज रजिस्टर कर रहे हो, विद इन 60 डेज कर रहे हो, विद इन 120 डेज कर रहे हो, बियॉन्ड 120 डेज कर रहे हो, विद इन 30 डेज कर रहे हो क्लिक करोगे नॉर्मल ड्यूटी, विद इन 60 डेज कर रहे हो एडिशनल, विद इन 120 डेज एड वेलरम, और जैसे लिखोगे बियॉन्ड 120 डेज तो वो साथ में नीचे कॉलम खुल जाएगा कि CG के ऑर्डर की कॉपी अटैच करो अगर 120 डेज के बाद आ रहे हो तो, क्योंकि बिना CG के परमिशन के, बिना CG के माफीनामे के ROC कहेगा मैं फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चों ये बात, याद रहेगा सबको, एनी डाउट इन दिस? अच्छा एक चीज और सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा बेटा, चार्ज जो है, जो चार्ज क्रिएट हो रहा है ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे हो रहा है या इमूवेबल पे हो रहा है या दोनों पे हो रहा है? सर मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों पे हो रहा है, राइट? मेरी बात को सुनिएगा बेटा जो मैं बोल रहा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोला हुआ है कि ये रिटर्न होगा। क्लियर है मेरी बात? माने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, माने रिटर्न डीड बनेगी, यस ऑर नो? लेकिन मूवेबल को गिरवी रखना प्लेज होता है, और प्लेज गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और वहां पर बोला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटर्न, यस और नो? बोला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटर्न। तो अब आप मुझे सोच के जवाब दो, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने कोई अपनी मूवेबल एसेट को गिरवी रखा और ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया? हालांकि होता नहीं है, एज पर कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है, ना बैंकर इतना बेवकूफ है, बट स्टिल मान लो अकॉर्डिंग टू लॉ थियोरिटिकली तो हो सकता है,
क्योंकि सर प्लेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है और प्लेज जो है वो मूवेबल हो सकता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन। हाँ या ना? तो कहता है सर अगर नोट में मैं क्या लिखवा रहा हूं देखिएगा, इधर नोट में मैं लिखवा रहा हूं ओरल चार्ज कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड या ओरल चार्ज शेल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। सर अगर कंपनी ने ओरल चार्ज क्रिएट किया है तो उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सर आपको ओरल चार्ज को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सर ओरल चार्ज को जब कंपनी रजिस्टर कराएगी तो प्रूफ क्या देगी? देखिए इधर अभी ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था कि आप CSG-1 फाइल कर रहे हो, साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज फाइल कर रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज रिटर्न है यस ऑर नो? लेकिन अगर कहता है ओरल है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज तो होने की नहीं, तो कहता है उस केस में क्या होगा? सुनिए, कहता है सर अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो ओरली तो कहता है इस केस में कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन शेल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूट टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, शेल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूट टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। आया ना? इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, समझ आई ये बात? क्लियर है बच्चे? तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को सम अप करना चाहूं, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को सम अप करना चाहूं तो मैंने आपको क्या बताया, कहानी देखो यहां तक पूरी समझ आई? सबसे पहली चीज कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है कि कंपनी चार्ज क्रिएट करे, चार्ज क्रिएट करके आरओसी को इन्फॉर्म करे। सर कितने दिनों में इन्फॉर्म करे? 30 डेज के अंदर। सर कौन सा वाला फॉर्म फाइल करेगी? सर जनरली CSG-1, अगर डिबेंचर्स के केस में प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो CSG-9। सर अगर 30 डेज में नहीं कर पाई तो नेक्स्ट 30 डेज में कर सकती है, आरओसी ही कंडोन कर देगा आने दो विद एडिशनल फी। लॉ की लैंग्वेज एडिशनल फी है, लेट फी नहीं है, विद एडिशनल फी। लॉ की लैंग्वेज को पकड़ के रखना हमको। पहले केस में बोलता है विद फी 30 डेज में, फिर बोलता है नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फी, फिर बोलता है नेक्स्ट 60 डेज में एड वैलोरम फी, याद रहेगा, और फिर उसके बाद कहता है सीजी से माफी मांगनी पड़ेगी। आया ना? और जब आप आरओसी के पास रजिस्टर कराने जाओगे तो साथ में आप क्या करोगे, अपने अग्रीमेंट की कॉपी भी लगाओगे, जो भी मॉर्गेज डीड या प्लेज अग्रीमेंट है। लेकिन कहता है अगर ओरल चार्ज था तो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी ही उसका सब्स्टिट्यूट मानी जाएगी। तो अगर मेरे से कोई पूछे, इधर मेरे से कोई पूछे सर कंपनी जा रही है 200 दिन के बाद आरओसी के पास, तो क्या क्या कंपनी आरओसी को फाइल करेगी 200 दिन के बाद? एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, देखिए इधर। सर मान लो कि कंपनी आरओसी के पास जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए आफ्टर 200 डेज, तो सर कंपनी क्या क्या फाइल करेगी बताओ? सबसे पहले मैं बोलूंगा सर कंपनी CSG-1 फाइल करेगी, आया ना, 1 या 9 जो भी है वो फाइल करेगी। प्लस सर कंपनी इसके अंदर अपनी फी फाइल करेगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है इसमें एडिशनल भी इंक्लूड होगी और इसमें एड वैलोरम भी होगी, हाँ या ना, राइट। प्लस सर कंपनी कॉपी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की कॉपी किसकी, ऑफ सीजी भी आरओसी को फाइल करेगी। इसका मतलब ये कि अगर कंपनी 120 दिन में नहीं जाती है, यहां ये एग्जांपल लिया मैंने एक है ना, 200 दिन की कोई रेलवेस नहीं, यहां हम 120 डेज लिख देते हैं, राइट। तो अगर कंपनी 120 दिन के बाद जा रही है तो CSG-1 के साथ फी तो लगेगी, साथ में सीजी के ऑर्डर की कॉपी भी, मतलब कंपनी पे एक और सेक्शन अप्लाई हो जाएगा 77 के साथ 87, माने आरओसी कहेगा कि मैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक सीजी का माफीनामा साथ में अटैच ना हुआ हो। यस ऑर नो? क्लियर है सबको? यही पढ़ा था हम लोगों ने, कहानी समझ आ गई? अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाई, ये सारी कहानी है उन चार्जेस से रिलेटेड जो कि 12 जनवरी 2019 के बाद हुए हैं, ऑन और आफ्टर 12th जनवरी 2019 उसकी कहानी है ये। सर बिफोर की क्या कहानी है, पहले हम बात की कहानी को बुक में से पढ़ते हैं मेरी, क्योंकि लैंग्वेज टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा। और आपके पास अगर किसी के पास भी पुरानी बुक है तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन पहले सुनिएगा इधर ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। मैं आपको एम्पल टाइम दूंगा नोट डाउन करने का, लेकिन बेटा प्लीज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हंसी मजाक का कोई ऑप्शन नहीं आज हमारे पास, इसलिए बहुत ढंग से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं प्लीज। इधर कह रहे सर टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, राइट, विजिबल है ये कलर,
टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, इधर देखिए कहता है सर कब करना है चार्ज रजिस्टर, रजिस्टर्ड विद, देखो लैंग्वेज सुनिए, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। आया ना, कौन से फॉर्म में, CSG-1 या CSG-9, क्लियर है जी ये बात। फिर कहता है आरओसी आपको जवाब देगा किसमें देगा, CSG-2 में या CSG-3 में, अगर रजिस्ट्रेशन है तो 2 में और अगर मॉडिफिकेशन है तो 3 में, क्लियर है जी ये बात, सिंपल है, सही जा रहे। कह रहा है जो आरओसी ने रजिस्टर दिया है वो फाइनल एविडेंस माना जाएगा। इसमें आपको 2 मार्क्स का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि सर्टिफिकेट इश्यूड बाय आरओसी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इज द कंक्लूसिव एविडेंस। आया ना, कल को मान लो फॉर एग्जांपल हमने चार्ज क्रिएट किया, आरओसी को बता दिया, आरओसी से सर्टिफिकेट आ गया CSG-2, कल को बाद में आरओसी कहता है तुमने तो बताया नहीं था, हम क्या, हम, मैं तुम पे पेनल्टी लगाऊंगा, हम क्या बोलेंगे, नहीं जी हमने बताया और देखो आपने हमें सर्टिफिकेट दे भी रखा है, यस और नो। तो आरओसी से जो सर्टिफिकेट आया वो किस चीज का प्रूफ है कि हमने वाकई में रजिस्टर करवा लिया है। डन, क्लियर है। अब सुनिए आगे कह रहा है कंडोनेशन ऑफ डिले बाय आरओसी, सुनिएगा बेटा इधर देखिए, कंडोनेशन ऑफ डिले बाय रजिस्ट्रार, मेरी बात सुनिएगा, मैं जो ब्लू पेन यूज कर रहा हूं उसको देखिएगा इधर, ऑल ऑफ यू, मैं बात कर रहा हूं इसकी और इसकी, बेटा इधर इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने टिक करा है, मैं क्लॉज ए की बात नहीं कर रहा, मैं क्लॉज बी की बात कर रहा हूं, सुनिएगा इधर, इन केस ऑफ चार्जेस क्रिएटेड ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, जो कि कब से एप्लीकेबल हुआ, ये 12 जनवरी 2019 से, क्लियर है ये बात, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच क्रिएशन विद सच एडिशनल फी, ये बात समझ आ गई, मैंने यही कहा था ऊपर कह रहा है 30 और अगर 30 में नहीं कराया 60 में कराया तो एडिशनल फी, तभी तो मैंने देखो अपने डायग्राम में लिखा था नेक्स्ट 30 डेज। अगर आप लॉ की लैंग्वेज देखो तो मैंने यहां क्या लिखा था, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 60 डेज 30 डेज देन नेक्स्ट देन विद इन 60 डेज विद एडिशनल फी, वही वाली बात है 30 प्लस 30। आया ना, राइट। अब देखिए प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन पीरियड स्पेसिफाइड, मतलब आप ऊपर वाले पीरियड में भी 60 दिनों में भी नहीं करा पाए तो इन क्लॉज बी अबव द रजिस्ट्रार मे ऑन एप्लीकेशन अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ फर्दर 60 डेज ऑन पेमेंट ऑफ सच एड वोलरम ड्यूटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, समझ आ गई ये बात, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 नॉर्मल फीस, 30 एडिशनल फीस, फिर 60 एड वेलरम, और उसके बाद तो फिर बात आ गई, ये देखो ये वाली बात, इफ कंपनी फेस टू रजिस्टर अ चार्ज इवन विद इन, यहां ये नहीं आएगा, इवन विद इन 120 डेज देन इट मे सीक एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 87 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म CHGA, यस और नो। आया ना, क्लियर है। तो इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। पहले हम शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, फिर लॉन्ग नोट्स में भी जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं लिख पाऊंगा, समझ आ रही है बेटा बात। तो सबसे पहले हम पहले शॉर्ट नोट लिखेंगे, और ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सारा का सारा चार्ट किससे रिलेटेड है, बिफोर वाले से या ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर, राइट। ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जब से ये अमेंडमेंट आई है, क्लियर है बच्चे। तो पहले इधर देखिए, याद हो गया आज का पहला क्वेश्चन, पहले का भी आधा पार्ट किया भी हमने, आफ्टर बिफोर तो किया ही नहीं। इधर सुनिए सर, जिस दिन ये अमेंडमेंट आई थी उसके बाद अगर कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है तो आरओसी को कितने टाइम में बताना है, 30 डेज में बताना है, और सर अगर 30 डेज में बताना है तो क्या पे करनी है, फी। सर 30 डे में नहीं बता पाए तो नेक्स्ट 30 डे में बताओ क्या पे करना है, एडिशनल फी। सर 60 दिन में नहीं बता पाए तो नेक्स्ट 60 दिन में बताओ क्या पे करना है, एड वेलरम फी। और सर 120 दिन में नहीं बता पाए तो फिर CG से अप्रूवल लेके आओ, CSG-8 में फाइल करो एज पर सेक्शन 87। हो गई बात खत्म, श्योर, लिखिए पहले इसको।
डन यहां तक? बेटा हमें याद हो गया ना पक्का, हमें कितनी दिन में रजिस्टर कराना है? 30 डेज में। नहीं करा पाए तो नेक्स्ट 30 डेज, नहीं करा पाए तो नेक्स्ट 60 डेज, नहीं करा पाए तो सीजी। पहले 30 डेज में फीस, नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फीस, नेक्स्ट 60 डेज में एड वेलरम, और 120 दिन तक ये किसके पास है? पावर ROC के पास, आया ना, और आफ्टर 120 डेज CG की बात। डन, चले आगे। बेटा अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इधर ये भी नोट कर लिया था हमने, यहां तक कर लिया ना? अच्छा, ये वाली चीज हमने नोट नहीं करी अभी। इसके अंदर क्या लिखवाया मैंने? ये क्या कह रहा है कि जब आप चार्ज क्रिएट करोगे तो ROC को आप CHG 1 फाइल करोगे या नहीं, साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज दोगे। लेकिन अगर ओरल चार्ज है प्लेज के केस में तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज की जगह क्या जाएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जाएगी, राइट? ये भी लिख लो पहले, ये तो जनरल बात है। डन बेटा। अच्छा अब सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एग्जाम्पल ही, हमें समझ आ गया कि अगर आफ्टर 120 डेज जा रहे हैं तो CHG 1 तो देना ही देना है, साथ में एडिशनल फी एड वेलरम भी देनी है, साथ में CG के ऑर्डर की कॉपी भी देनी है, तो जनरल बात है। अब सुनिए,
अब यहां पर हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे। बेटा मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा, दोबारा नहीं बता पाऊंगा। सुनिए बच्चे, प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन रखते हैं। सुनिए सर, आपने कह दिया ऑन और आफ्टर 12 जनवरी 2019 है, तो आपने हमें पूरी क्लैरिटी दे दी। 30+30+60+फिर CG, हाँ या ना, राइट। 30 में मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, 30 में नॉर्मल फीस, नेक्स्ट 30 में एडिशनल, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 60 में एडवेलरम, फिर सीजी से कंडोनेशन अंडर फॉर्म CSGA, डन। अब सुनो सर, ये बताओ अगर किसी ने बिफोर अमेंडमेंट कर रखा है चार्ज, तो उसका क्या होएगा? बिफोर अमेंडमेंट किसी ने कोई चार्ज क्रिएट किया था तो उसका क्या होगा? बिफोर अमेंडमेंट मतलब बिफोर 12th of January 2019। सर इन शॉर्ट ये कहता है जी पुराना प्रोविजन क्या होता था, पहले ये बताओ। सुनिए पुराना प्रोविजन पता है क्या होता था, मैं यहां लिख रहा हूं ओल्ड प्रोविजन। सुनिए ओल्ड प्रोविजन किन पे अप्लाई होगा? जो इससे पहले रजिस्टर हुए थे अमेंडमेंट से, हाँ या ना। उनमें ओल्ड प्रोविजन क्या था? कहता है सर 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करो, नहीं तो नेक्स्ट 270 डेज में फाइल करो, नहीं तो सीजी से माफी मांगो। तो मतलब जो टोटल डेन अभी 30, 30, 60, 120 हो गए, ये पहले 30+270 300 डेज होते थे। ये बात समझ आ रही है, आया ना? मतलब 30 डेज में आपको नॉर्मल फी फाइन पे करनी है, नेक्स्ट 270 डेज में आप एडिशनल फी पे करोगे। ये दोनों की दोनों पावर किसके पास है? आरओसी के पास, ठीक है जी। और अगर उससे बाहर गए तो सीजी से। ये बात समझ आ रही है, जवाब दो। तो पहले प्रोविजन क्या होता था? 30 डेज में जाओ, नहीं तो नेक्स्ट 270 डेज में एडिशनल फीस लगेगी। टोटल 300 डेज हो गए, 30 डेज में नॉर्मल फी, 300 डेज में एडिशनल फी, 300 मतलब नेक्स्ट 270 डेज, आया ना? समझ आ रही है बात, जवाब दो। 30, 30, 60 उसके बाद सीजी, ये आफ्टर का प्रोविजन है। 30+270 उसके बाद सीजी, ये बिफोर का प्रोविजन है। यस और नो? अब आप लोगों को ये एग्जाम्पल सुनने के बाद, ये चीज सुनने के बाद, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी 2019 को कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया, कंपनी ने चार्ज क्रिएट कब किया? 1 जनवरी 2019 को, ठीक है जी। तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि ये कब तक रजिस्टर हो जाना चाहिए बिना सीजी की मदद के? 1 जनवरी 2019 को चार्ज क्रिएट किया, ये बात समझ आ गई। तो ये कब तक हो जाना चाहिए बिना आरओसी के, बिना सीजी के? 300 डेज के अंदर अंदर विदाउट सीजी, यस और नो? अब आप सुनिए सर, ये 300 डेज कहां तक जाएंगे? पूरे साल में 365 डेज होते हैं, आया ना। 31 दिन दिसंबर के निकाल दो, 30 दिन नवंबर के निकाल दो, 61 डेज निकल गए, 4 दिन अक्टूबर के निकालने, 28, 29, 30, 31 अक्टूबर, मतलब क्या मैं इसको अप टू 27th of October बोल सकता हूं? जवाब दो, ये बात समझ आ रही है, आया ना सर। अगर हमने इस अमेंडमेंट से पहले कोई चार्ज क्रिएट किया था तो हम पे ये वाला रूल तो अप्लाई नहीं होना चाहिए। कौन सा रूल अप्लाई होगा? पुराने वाला कौन सा था सर? 30 डेज प्लस 270 डेज, आया ना, टू आरओसी और इसके बियॉन्ड सीजी, और वो दिन कहां तक जा रहे हैं? 27th of October तक, आया ना। लेकिन अब सुनो, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी एक अमेंडमेंट डाल, मतलब ऑन और आफ्टर के लिए तो नया प्रोविजन डायरेक्ट डाला, बिफोर के लिए भी अमेंडमेंट डाल दी। अब वो क्या अमेंडमेंट है सुनिए, कहते जी अगर बिफोर वाले क्रिएट हुए तो या तो वो 300 दिन में हो जाए रजिस्टर, या कहते जिस दिन ये एक्ट आया, जिस दिन अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट का भाई 12 जनवरी 2019 को, कहता जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया, ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट लाया, अभी तक इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं किया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट बैठी नहीं है अभी तक इसमें, अभी हम फरवरी 2019 की बात कर रहे हैं, आज डेट क्या है? 21 फरवरी 2019 है ना आज डेट। अभी तक ये ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया पार्लियामेंट ने, लेकिन ऑर्डिनेंस अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बना दिया तो वो इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएगा, हाँ या ना, यस और नो? क्या उसके लिए बताओ अप्रूवल चाहिए होता है, या अप्रूवल तब चाहिए होता है जब पार्लियामेंट सेशन में आती है? जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो 6 हफ्तों, आने के 6 हफ्तों में अप्रूवल देती है, आया ना, और नहीं देती तब ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस अभी तक पार्लियामेंट बैठी नहीं है, इसका मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट ने बनाया उस दिन से इफेक्टिव हो गया, यस और नो?
पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ाया जाता है, राइट? पावर कहां दी गई है? प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आया ना, क्लियर है? अब सुनना जो मैं कह रहा हूं सर। फर्स्ट कहता है अगर 12 जनवरी 2019 को ऑर्डिनेंस आया, ये क्या कहता है ऑर्डिनेंस, सुनो। ये ऑर्डिनेंस कहता है जितने भी प्रीवियस चार्जेस है, प्रीवियस चार्जेस क्रिएट हुए हैं, इसका मतलब बिफोर डेट, कहता है जी ये मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाने चाहिए विद आरओसी। इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर मैं बात करूं यहां, इधर देखिएगा ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब ये बताइए 1 जनवरी को हमने क्रिएट किया था, राइट? उस हिसाब से डेट आ रही थी 27 अक्टूबर, लेकिन कहता जी जो बिफोर वाले हैं वो 66 मंथ्स में हो जाने चाहिए जिस दिन ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ऑर्डिनेंस का पास हुआ था 12 जनवरी, यहां से अगर हम 6 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे तो डेट आएगी 11 जुलाई। तो अब आप बताओ 1 जनवरी को जो हुआ था वो 27 अक्टूबर तक होगा या 11 जुलाई तक? 11 जुलाई तक आपको करना पड़ेगा। यस और नो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि गया ऊपर से? आफ्टर वाली तो बात क्लियर है, 30+30+60 120 के बाद सीजी, बिफोर वाली क्या बात थी? 30+270। आया ना, क्लियर है? लेकिन ये बिफोर वाली बात 30+270 थी, लेकिन इसमें एक नई बात क्या ऐड कर दी कि अगर 30+ अगर हम बात करें आपके 30+270 300 days बाद में एक्सपायर हो रहे हैं, तो कहता है ना जी ना फिर ऑर्डिनेंस के 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 300 days या 6 months? 300, इधर सुनिएगा मेरी लैंग्वेज जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। कह रहा हूं बिफोर वालों के लिए बात कर रहा हूं, ये बिफोर ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं, इधर सुनिएगा बेटा ध्यान से। क्या मैं कह सकता हूं 300 days फ्रॉम क्रिएशन और 6 months ऑफ ऑर्डिनेंस, विच एवर इज अर्लियर? हाँ या ना, जवाब दो। ये कह सकता हूं विच एवर इज अर्लियर, श्योर बच्चे? देखिए क्या लॉ की लैंग्वेज भी यही है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले मेरी बुक में देखिएगा, पहले मैं फिर बोलूंगा आपको नए प्रोविजन डालने पड़ेंगे, ये डिलीट करने पड़ेंगे, मैं बता दूंगा क्या है, पहले सुनिए। अब हम बात कर रहे हैं क्लॉज ए वाली, क्लॉज ए। मैं दूसरा कलर लेता हूं इसमें ताकि आपको, देखो जो रेड कलर ले रहा हूं ये है बिफोर वाला, ब्लू आफ्टर वाला था। देखिए क्लॉज ए, क्लॉज ए देखिए, इन केस ऑफ चार्जेस क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, बिफोर विद इन अ पीरियड ऑफ 300 days ऑफ सच क्रिएशन, सही बोल रहा है बेटा, पक्का? अब देखिए नीचे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन क्लॉज ए अबव, क्लॉज ए अबव मतलब बिफोर वाले की बात कर रहा है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शैल बी मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फी। आया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 6 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो आपके एक्चुअल या 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर, यस और नो? अच्छा एक बार बताओ, ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था इसमें देखिएगा, इधर बेटा इधर देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी ने, एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 बिफोर का, देखिए बेटा ये वाली जो ऊपर वाली डेट थी 1 जनवरी, एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ये थी एग्जाम्पल नंबर 1 के 1 जनवरी को किराया बिफोर में। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, हम मानते हैं हमने कराया था 1 जुलाई, को पेन को क्या हो गया, 1 जुलाई 2018 को हमने क्रिएट किया था चार्ज, देखिएगा बेटा इधर 1 जुलाई 2018 को हमने चार्ज क्रिएट किया, कह रहा है बात, तो ये ऑन आफ्टर अमेंडमेंट है या बिफोर है?
बिफोर। तो इसके लिए बेसिक रूल क्या है, 300 डेज, यस और नो, राइट। अब ये बताओ कि 300 डेज जो है ये यहां से लेके कहां तक जाएंगे, साल कब खत्म होगा, 30 जून, 30 दिन आप जून के मान लो, राइट, उससे पहले मई के मान लो 31 दिन, और उससे पहले क्या आ गया अप्रैल के मान लो आप 4 दिन, 27, 28, 29, 30, मतलब ये 300 दिन जाएंगे अप टू 26th of April 2019। आया ना, जवाब दो, पक्का क्लियर है सबको। लेकिन साथ में क्या कह रहा था, दूसरी बात ये क्या बोल रहा था, दूसरी बात कह रहा था जिस दिन ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस से 6 महीने के अंदर अंदर, आया ना, ऑर्डिनेंस से 6 मंथ्स के अंदर अंदर। तो ऑर्डिनेंस कब आया था हमारा, 12 जनवरी, वहां से 6 महीने हमारे कहां जा रहे थे, 11 जुलाई को जा रहे थे, यस और नो, 11 जुलाई 2019। अब बताओ, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये 11 जुलाई 2019 करेंगे या वो 310 वाला रूल फॉलो करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, बोला ना मैंने आपको, इसका मतलब इस केस में इसको रजिस्ट्रेशन कब तक करानी है, 26 अप्रैल 2019 तक करानी है, एडिशनल फी दे के, नहीं तो सीजी वाला पंगा पड़ जाएगा, यस और नो, एम आई क्लियर, पक्का समझ आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लेकिन अच्छा है। हमसे कोई पूछे 12 जनवरी को अमेंडमेंट आई थी, तो 12 जनवरी के बाद कितने टाइम में करना है, 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस 60 डेज, नहीं तो सीजी, 30 डेज में फी, नेक्स्ट 30 में एडिशनल, उसके बाद 60 में एडवेलरम, उसके बाद सीजी, उससे पहले की अगर चार्ज क्रिएट किया था तो रजिस्टर कितने दिनों में कराना है, सेक्शन के हिसाब से 300 डेज में कराना है, और अमेंडमेंट प्रोविजन के हिसाब से जो ऑर्डिनेंस आया उसके हिसाब से वहां से 6 मंथ्स में कराना है, तो वी कैन से 300 डेज फ्रॉम द क्रिएशन और 6 मंथ्स फ्रॉम द ऑर्डिनेंस, विच एवर इज अर्लियर। एम आई क्लियर, श्योर, हो गई बात खत्म, डेट्स के साथ बात क्लियर हो गई, कर ले इसको नोट, कर लो एक बार ये प्रीवियस वाला नोट, फिर आगे चलेंगे। हो गया,
ये अभी हमारा ऊपर था एग्जाम्पल नंबर वन, इसके अंदर कौन सी डेट पहले आ रही थी? एग्जाम्पल नंबर वन में ऑर्डिनेंस वाली डेट पहले आ रही थी, ऑर्डिनेंस से 6 months, यस और नो? लेकिन एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर 300 days वाली डेट पहले आ रही है, आया ना? राइट, क्लियर है जी? कर लो इसको भी नोट। हो गया बेटा, डन। अगर हम सेक्शन नंबर 77 को प्रॉपर रिवाइज करें तो याद हो गया सेक्शन 77 क्या बोलता है? कि हमें चार्ज को क्रिएट करते ही आरओसी के पास रजिस्टर करवाना है, हाँ या ना? कितने टाइम में रजिस्टर कराना है सर हमको? सर हमको रजिस्टर कराना है 30 days के अंदर, और 30 days में नहीं करा पाए तो नेक्स्ट 30 days में विद एडिशनल फी, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट 60 days में एडवल्टरम ड्यूटी, नहीं तो उसके बाद CG, राइट? यही था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिफोर वाली, तो वो क्या कह रहा है? बिफोर वाले में जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया 12 जनवरी 2019, उससे पहले की ये क्या बात कर रहा है? कह रहा है सर उससे पहले के चार्जेस है, तो वहां से चार्ज क्रिएट हुआ वहां से 300 दिन, या जब ऑर्डिनेंस आया वहां से 6 महीने, व्हिचएवर इज अर्ली। हो गई बात खत्म, डन। अब मेरी बात सुनेगा ध्यान से, यहां पर ना एक छोटा सा नोट है, सुनिएगा इधर, सेक्शन 77 में एक छोटा सा नोट है, सुनिएगा क्या, ये सुनने वाली बात है। कहता है सीजी चाहे तो आरबीआई के साथ मिलके कुछ चार्जेस को नोटिफाई कर सकती है नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। मतलब इन शॉर्ट, कुछ चार्जेस को गवर्नमेंट कल को चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है। अभी तक कभी किया नहीं है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं कि ये वाले चार्जेस अगर कंपनी ने क्रिएट किए हैं तो आरओसी को बताने की जरूरत नहीं है, आया ना? मतलब ये वाला एक प्रोविजो लाके हम ये कह सकते हैं कि सीजी ने अपने हाथ में पार रख ली कि मैं कल को जिसको चाहूं मैं उसको एग्जेम्प्ट कर सकती हूँ, आया ना? और फिर कल को जो भी एग्जेम्प्शन में आ जाएगा उस पर पूरा का पूरा चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, यस ऑर नो? तो एग्जेम्प्शन की पार किसको है? सीजी को है। वो भी किसके साथ पूछ के है? आरबीआई के साथ। यार देखो सीएस और सीएमए के कोर्स में तो ये वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं आते, सीएमए 30 marks के एमसीक्यू आते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसा नहीं है सीएस में आते नहीं, कभी आ नहीं सकते, आ तो सकते हैं, आया ना? लेकिन एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक कभी आपको आ सकते हैं 10 marks के, पुराने कोर्स में 2013 से पहले आया करते थे, बीच में तो सब्जेक्टिव हो गया। उससे पहले क्या होता था, पहला क्वेश्चन 20 marks का आता था जिसमें ट्रू फॉल्स कमेंट फिल इन द ब्लैंक ये सब आते थे। तो सीएस सीएमए तीनों में ही आ सकते हैं। आज पर अगर हम बात करें तो सीए इंस्टीट्यूट ने बोल दिया हम 30 marks के एमसीक्यूज देंगे, सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट बोलते नहीं है, लेकिन बीच में 5-7 एमसीक्यू तो दे ही सकते हैं, यस और नो? तो ये पॉइंट याद करने वाला है कि कल को कौन एग्जाम कर सकता है इस सेक्शन से? सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। क्लियर है बच्चे? ये बात चले आगे, लिख लिया इसको, सिंपल है। अब सुनिए ध्यान से, अब सर हम एक बार इसको पहले मेरी बुक से पढ़ते हैं, इधर देखिएगा बेटा ऑल ऑफ यू। अब अगर हम बात करें, अमित सर ये बताओ आपके आपकी बुक से हमको क्या क्या नोट डाउन करना है, देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए जो भी बुक आपके पास है उसमें ये आरबीआई और सीजी वाला नोट जरूर दिया होगा, देखो देख लो दिया हुआ है बेटा। जो भी बुक आपके पास है उसमें आरबीआई और सीजी वाला नोट जरूर दिया होगा,
सेक्शन 77 के नीचे पहले से दिया होगा, दिया हुआ मिल गया सबको। देन अब सुनिए, अगर आपके पास ये वाला जो चार्ट बना हुआ है आपके पास, इसको अब आप काट दो, इसको मैंने जो बनवाया उसमें से पढ़ना, राइट बच्चे? ये वाला चार्ट पूरा अपनी बुक से अब काट दो, जो मैंने बनवाया उससे पढ़ना, आया ना? राइट, ठीक है जी। इसके अलावा ऊपर जो कंडोनेशन लिखा था, ये वाला पॉइंट देखो अपनी बुक के अंदर, कंडोनेशन ऑफ डिले बाय सीजी, ठीक डायग्राम के ऊपर है, मिल गया, मतलब मिल गया आप सबको। इसमें देखो पहले 300 डेज लिखा था, देखो ध्यान से ये वाली बात, कंडोनेशन ऑफ डिले बुक में मिली आपको, उसमें 300 डेज लिखा था, काट के 120 डेज कर दो प्लीज, कर दिया। देन साथ साथ लॉन्ग नोट्स में चेंज करना है। इसके अलावा देखो यहां से लेके यहां तक कोई लैंग्वेज थी जिसको आपने पूरा काटना है, द रजिस्ट्रार मे ऑन एप्लीकेशन, यहां से लेके ऑफ द कंपनी तक पूरा काट दो। देखो मिल रही है लैंग्वेज, मिल गया अपनी अपनी बुक्स में। अब जो नई बुक्स छपेंगी, जो कि दिसंबर 2019 के लिए आएंगी या जून 2019 के लिए आएंगी, उनमें ये चीजें नहीं होंगी ना, जो अब छपेंगी, जून के लिए तो खैर कब की आ चुके हैं बुक, अब जो दिसंबर के लिए आएंगी, आया ना? इसीलिए बोल रहा हूं आपके पास अगर पुरानी बुक है तो प्लीज इसको अमेंड कर लेना। देन काट दिया, जवाब दो, और ये वाली लैंग्वेज लिख लो, अब ये वाली लैंग्वेज लिख लो, कंडोनेशन ऑफ डिले बाय रजिस्ट्रार पहले था ना पैराग्राफ, उसके अंदर की लैंग्वेज काटी है ना आपने, तो अब उसके अंदर काटने के बाद ये वाली लैंग्वेज लिख लो यहां तक, ये आपके लिए रेलेवेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो ढंग से, फोटो वगैरह मत खींचो, नोट डाउन कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए प्लीज। यार ये बच्चा कह रहा है कि सर ए बी सी डी होता है, ये ए बी क्या है? भाई ऊपर वाला ए बी किसका है? सेक्शन का। नीचे वाला ए बी किसका है? प्रोवाइजो का। यस और नो? आया ना? ये प्रोवाइडेड दैट आ रहा है प्रोवाइजो, राइट? प्लीज इसको नोट कीजिए ढंग से, लैंग्वेज सबको समझ आ गई ना ये वाली, राइट?
डन? नो। हो गया जी? कितने लोग अभी भी पेन डाउन कर रहे हैं? मेजॉरिटी। टेक योर टाइम। हाँ जी बच्चे, प्लीज ध्यान से देखिएगा ऑल ऑफ यू। अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है, फिक्स फ्लेक्सिबल चार्ज वो तो सब ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोगों ने आज अभी मेन ये वाला सेक्शन पढ़ लिया 77। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे 81, 84, 85। 81 किसका रजिस्टर था? आरओसी का। 85 कंपनी का, और 84 बैंकर ने जब रिसीवर अपॉइंट किया, राइट, या मैनेजर। 77 हमें समझ आ गया। अब सुनिए 78 ये वाला सेक्शन समझने से पहले हमको 80 समझना पड़ेगा। हम सेक्शन नंबर 80 पे आएंगे, 80 के बाद 78 में, 78 के बाद 79 पे, राइट। यहां से पहले यहां मूव करेंगे, फिर यहां से यहां मूव करेंगे, और आई कैन से यहां से पहले यहां जाएंगे, फिर यहां से वापस यहां आएंगे। क्लियर है जी ये बात? ध्यान से देखिएगा बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमारे 80 पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी 10 मिनट के अंदर के क्यों हमने ऐसा किया। देखिए बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 80, देखिए सेक्शन 80 की हेडिंग है नोटिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 80 की हेडिंग है नोटिस ऑफ चार्ज। अगर आप लोगों को याद हो, आपने एमओए एओए पढ़ा हुआ है, और एमओए पढ़ा हुआ तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कंपनी के बारे में जान ले अच्छी तरह, हाँ या ना, कंपनी का एमओए पढ़ ले, यस और नो। कल को कंपनी ने कुछ गलत किया तो आप कंपनी पे केस नहीं कर सकते, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वहां पर मैंने एक लाइन लिखवाई थी, याद करो मैंने क्या बोला था, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एमओए एंड एओए आर रजिस्टर्ड बाय कंपनी विद आरओसी एंड आरओसी उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है और फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, हाँ या ना। जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में अप्लाई होता था वही सेम आपको नहीं लगता यहां पर भी एप्लीकेबल है? यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि सर जब हमने चार्ज क्रिएट किया हमने आरओसी को बताया, सेम फंडा है, आरओसी क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पे डालेगा, डालेगा तो पब्लिक डोमेन हो गया। कहता है जी आरओसी की वेबसाइट पे जो चीज डाल दी वो नोटिस टू पब्लिक मानी जाएगी। अगर बैंकर वन के पास कोई एसेट गिरवी पड़ी है और बैंकर टू को भी कंपनी वही एसेट दे रही है, बेवकूफ बना रही है, तो बैंकर टू की ड्यूटी है कि वो इंडेक्स ऑफ चार्जेस आरओसी की वेबसाइट पे चेक कर ले, आया ना। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा जी सच चार्ज शैल बी डीम्ड एज नोटिस टू पब्लिक। कौन सा चार्ज? जो चार्ज रजिस्टर हो चुका है, आया ना।
It means that it is the duty of general public to inspect the details of charges created by company before entering into the contract. आया ना? और अगर इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, it means that it is the duty of banker to inspect the index of charges. आया ना? Right? Created by ROC before entering into the contract with company. या तो company के बाद जाके index of charges मांग लो. याद है ना हमने पढ़ा था? Section number 85. या company से मांग सकते हो या company की जगह ROC से मांग लो. Yes or no? Clear है? पक्का? चले आगे. अच्छा एक चीज बताओ. अगर register किया तो वो public domain में आ गया और वो public notice माना गया. Yes or no? लेकिन अगर register नहीं किया तो मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? कंपनी ने बैंकर को अप्लाई किया, बैंकर से लोन ले लिया, एसेट गिरवी रख दी और आरओसी को बताया ही नहीं, ना 30 डेज में, ना नेक्स्ट 30 में, ना नेक्स्ट 60 में, ना सीजी के पास गए, कुछ नहीं बताया नहीं. कंपनी ने पैसे लेके बस आंखें बंद कर ली, तो क्या होगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरा? अगर मैं इसको बोल रहा हूं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो सर नॉन रजिस्ट्रेशन का भी तो कोई इफेक्ट होना चाहिए. आया ना? अब देखिए ध्यान से, कहते सर अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया तो ये होगा. सुनिएगा इधर ध्यान से, अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया तो कहता है ये होगा. सुनिए क्या होगा. कहता है भाई साहब कंपनी की लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कंपनी पहले भी लाइबल थी पैसे देने के लिए और अभी भी कंपनी लाइबल है बैंकर को पैसे देने के लिए. राइट, देखिए ध्यान से, चार्ज इज वैलिड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी. आया ना? इधर देखिए, इट शैल नॉट इन एनी मैनर अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे. इतनी बात समझ आ गई? यस और नो? कि सर कंपनी के लिए चार्ज वैलिड है और कंपनी को तो पैसे चुकाने पड़ेंगे. लगेगी किसकी? बैंकर की, क्योंकि बैंकर सिक्योर्ड की जगह क्या माना जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा. इसको आप कनेक्ट करो, अगर किसी बंदे ने, कोई सीएस का बच्चा है तो वो कनेक्ट कर सकता है इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 49 से. इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन याद आ रहा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी वो ये बोलता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास मॉर्गेज करी और रजिस्टर नहीं कराया तो मॉर्गेजी जो है उसको सिक्योर्ड की जगह अनसिक्योर्ड माना जाएगा. इसका मतलब ये जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट जो प्रॉपर्टीज का है उससे मिलता जुलता है. यस और नो? तो यहां पर क्या कह रहा है? सर अगर हमने रजिस्टर कराया फिर तो पब्लिक को नोटिस माना जाएगा और रजिस्टर नहीं कराया तो कंपनी की लाइबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंकर की लग जाएगी क्योंकि बैंकर सिक्योर्ड ना होते हुए क्या माना जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. देखिए यहां लिखा है चार्ज इज वॉइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंकर. इट मींस बैंकर कैन नॉट स्यू कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट. कैन नॉट स्यू का मतलब है कैन नॉट स्यू फॉर प्रॉपर्टी, कैन नॉट स्यू फॉर सिक्योरिटी. अनसिक्योर्ड की तरह तो स्यू कर ही सकता है. देखिए मैंने क्या लिखा है, अब नीचे देखिए, इट मींस दैट नॉन रजिस्ट्रेशन शैल नॉट इन एनी मैनर अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे बट बैंकर शैल एक्वायर द स्टेटस ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. आया ना? जवाब दो. तो कहने का मतलब क्या हो गया? मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सर सेक्शन 80 कहता है कंपनी रजिस्टर कराएगी चार्ज को आरओसी के पास तो क्या होगा, नहीं कराएगी तो क्या होगा. कहता है सर कराएगी अगर कंपनी तो फिर तो वो पब्लिक नोटिस है, नहीं कराएगी तो कंपनी की लाइबिलिटी है लेकिन बैंकर को नुकसान होगा, बैंकर का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड. अब आप सुनो, इन शॉर्ट अगर मेरे से कोई पूछे सर कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया बताओ किसकी लगी, मैं क्या बोलूंगा? बैंकर की लग गई. यस और नो? आया ना? किसका नुकसान हुआ? बैंकर का. यस और नो? अब सुनिए, अब बैंकर का नुकसान ना हो इसलिए बैंकर क्या करता है, देखिए इधर. अब हम आएंगे अपने सेक्शन नंबर 78 पे. ये देखिए, क्योंकि बैंकर का नुकसान ना हो तो बैंकर क्या करता है, सुनिए. बैंकर ईमानदारी की बात बताऊं क्या करता है. बैंकर आपका, आप लोन लेते हो, प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रखते हो, अब बैंकर ने क्या करना है, आपके खाते में, अकाउंट में पैसे डालने हैं. यस और नो? बैंकर तब तक पैसे ही ट्रांसफर नहीं करता, क्रेडिट नहीं करता जब तक आप उसको CSG 1 की कॉपी, CSG 2 की कॉपी नहीं दिखा देते. आप 1 की भी दिखा दोगे तो भी काम चल जाएगा, देख भाई हमने रजिस्टर करवा दिया है. आया ना? आरओसी अपने, बैंकर अपने हाथ पक्के करेगा. यस और नो? लॉजिकली बात ठीक है, समझ आ रही है? तो रियालिटी क्या है? रियालिटी ये है कि बैंकर पैसा तब तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता जब तक आप आरओसी के पास रजिस्टर ना करा दो. सिंपल सी बात है, बैंकर अपने काम पक्के कर रहा है. लेकिन लॉ में क्या लिखा है, देखो इधर देखिएगा ध्यान से. कंपनी ने बैंकर के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी और कंपनी ने बैंकर से लोन ले लिया, क्लियर है जी? देन सर कंपनी ने आरओसी को बताना था, आरओसी यहां आएगा, ये नहीं, कंपनी ने आरओसी को बताना था 30 डेज में फीस देके, नहीं बताया, क्रॉस हो गया, माने कंपनी ने आरओसी को
नहीं बताया, 30 डेज हो चुके हैं। अब जैसे 30 डेज हो गए तो जेन्युइन टाइम तो लैप्स हो गया, हाँ या ना? अब बताओ कंपनी को फीस लगेगी या एडिशनल फीस? एडिशनल फीस। अब बैंकर को पता चलता है यार, कंपनी ने तो अभी तक बताया नहीं। बैंकर ने अपने इंप्लॉय को बोला यार देखियो इंडेक्स ऑफ चार्जेस में, आरओसी की साइट पे जाके देख, आया? आया ही नहीं अभी तक। तो कंपनी को, बैंकर को पता चला कि यार पैसे भी दे दिए हमने, वैसे तो देने ही नहीं चाहिए थे बैंकर को, लेकिन बैंकर शरीफ था, कंपनी में विश्वास किया, उसने दे दिए, और अब कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया। कहते टेंशन नॉट, बैंकर खुद रजिस्टर करा देगा, बैंकर CSG-1 फाइल कर देगा आरओसी को, बैंकर खुद CSG-1 आरओसी को फाइल कर देगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? जब आप CSG-1 फाइल करते हो ना तो उसमें यहां दो कॉलम बने होते हैं ऐसे, इसमें आपको डॉट लगाना होता है ना, चूज करना होता है सिलेक्ट, तो वो पता है एक में लिखा होता है आप कंपनी हो, दूसरे में लिखा होता है आप चार्ज होल्डर हो। भाई आप हो कौन? तो हम लोग यहां पर क्या बैंकर कर रहे हैं, तो इसमें टिक कर देगा कि मैं चार्ज होल्डर हूं, आया ना? जवाब दो। तो अब सुनिए, इसका मतलब ये कि अगर कंपनी ने गलती करी या कंपनी ने चालाकी करी और खुद का नहीं कराया आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर, तो बैंकर चला जाएगा। जब बैंकर जाएगा ना आरओसी के पास, तो आरओसी कंपनी को नोटिस भेजेगी कि भाई ऐसे ऐसे चार्ज क्रिएट किया तुमने, मेरे को ये बैंकर ने बताया, तुम बताओ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, आया ना? राइट, जो लेट फीस है वो तो लेगी लेगी। और फिर उसके बाद ध्यान से सुनेगा, फिर कहता है शेल रजिस्टर, आरओसी शेल रजिस्टर सर चार्ज विद इन 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू दी कंपनी। कंपनी को शो कॉज नोटिस देगा, सफिशियंट कॉज बताओ जी तुमने रजिस्टर क्यों नहीं कराया था, और फिर उसके बाद आरओसी अपने आप उसको रजिस्टर कर लेगा। अब आप सुनो ध्यान से, इस केस में सुनिएगा बेटा, इस केस में बताओ फॉर्म कौन फाइल कर रहा है 30 डेज के बाद, फॉर्म कौन फाइल कर रहा है? बैंकर, चार्ज होल्डर बैंकर। मान लो 40 डेज में हुआ तो लेट फीस लगेगी, एडिशनल फीस, वो फीस कौन भर रहा है? जिसने फॉर्म दिया है। फॉर्म किसने दिया है? बैंकर ने। तो इसका मतलब कल को बैंकर क्या करेगा? कंपनी के खाते से पैसे एडजस्ट करेगा। यस और नो? जवाब दो। कंपनी ने 30 डेज में दिया नहीं, बैंकर ने दिया 30 डेज से लेट, तो इसका मतलब जो बैंकर है वो फॉर्म भर रहा है, इसका मतलब वही पेनल्टी भरेगा। जवाब दो, एडिशनल फीस तो वही भरेगा, या 60 डेज के बाद भर रहा है तो एडिशनल पेनल्टी भी कौन भरेगा? बैंकर भरेगा। बाद में बैंकर, सुनो अल्टीमेटली खाता तो आपका उसी बैंक के पास है ना, तो कंपनी का जो खाता है उसमें से बैंकर अपना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। यस और नो? जवाब दो। कल को जो ईएमआई आएगी उसमें बोलेगा ये वाले पैसे जोड़ के दो। समझ आ गई बात सबको? क्लियर है? पक्का? तो अब हमें समझ आया, पहले हमने क्या पढ़ा कि सर अगर रजिस्टर हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? बैंकर का। बैंकर का, इसलिए बैंकर ये काम करता है सेक्शन 78 में। मैं पहले आपको 78 पढ़ाता तो आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ आती, अब आपको रीजनिंग समझ आ गई, क्योंकि सेक्शन 80 के अंदर बैंकर का स्टेटस अनसिक्योर्ड हो रहा था, इस चक्कर में बैंकर मेक इंश्योर कि हां जी कंपनी ने नहीं रजिस्टर कराया तो मैं करा लूं। सच्चाई क्या है वो, या ये नौबत ही नहीं आती? सच्चाई क्या है? बैंक तब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालता जब तक आप CSG-1 की कॉपी उसे दिखा नहीं देते, देख हमने फाइल कर दी है, आया ना? अच्छा आप सुनना इधर ध्यान से, ऑल ऑफ यू पहले सुनिए मेरी बात को, देखिएगा पहले मैंने आपको बोला था कि हम आएंगे सेक्शन नंबर 80 पे, 80 से हम जाएंगे 78 पे, चले गए। अब 77 पे जाने से पहले भी हम सीधा जाएंगे 86 पे, 79 पे जाने से पहले 86 पे, क्यों? सुनिए, कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं किया तो नो डाउट कंपनी की लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ या ना? लेकिन आप सोच के बताओ, क्या कंपनी ने कंपनीज एक्ट वायलेट किया कि नहीं किया, हाँ या ना? तो कंपनी का एक वायलेट किया तो ऐसे कहते छोड़ दे, पेनल्टी तो लगेगी। कहता है सर पेनल्टी कितनी लगेगी? कंपनी पे लगेगा 1 से 10 लाख रुपए का फाइन। और कहता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगेगा, कंपनी पे 1 से 10 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगेगा 6 महीने तक की सजा, 25,000 से 1 लाख रुपए या बोध। ये बात समझ आई? क्लियर है जी? कंपनी पे 1 से 10 लाख, ऑफिसर पे 25,000 से 1 लाख या 6 महीने तक की सजा या बोध। और यहां कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन है? CS, आया ना? क्योंकि भाई रजिस्टर रिटर्न मेंटेन करना सेक्रेटेरियल काम किसका होता है? CS का। अब सुनिए, इसमें एक और अमेंडमेंट आई है, इस पेनल्टी में एक नया क्लॉज आ गया, कहता है अगर किसी भी बंदे ने फर्निश करी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मान लो फॉर एग्जांपल आपने चार्ज क्रिएट करके रजिस्टर कर रहे हो 90 डेज में और लिख रहे हो, टिक कर रहे हो हम विद इन 30 डेज कर रहे हैं, तो गुमराह कर रहे हो। तो कहते हैं जी अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो 447 में फ्रॉड के लिए आप लाइबल माने जाओगे। तो सेक्शन 447 में कहता है फ्रॉड के लिए आप लाइबल माने जाओगे, ये नई अमेंडमेंट आ गई है, इसको भी लिख लो साथ में सेक्शन 86 में, यहीं पे इसी चार्ट में लिख लो, पहले आपकी बुक्स में नहीं होगा, देखो मैंने भी शॉर्ट नोट में भी नहीं डाला है,
क्लियर है बच्चे? पक्का? 80 कहता है रजिस्टर कराओगे तो क्या होगा, नहीं कराओगे तो क्या होगा? 78 कहता है बैंकर की लगेगी तो बैंकर क्या करेगा, और 86 बोलता है कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगेगी। डन, कंपनी पे ऑफिसर पे थी, अब किस पे है साथ में, जिसने रॉन्ग इन्फो फर्निश करी। क्लियर है बच्चे? डन, अब देखिएगा इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू। कहता जी ये सेक्शन 86 जो है, सुनिएगा, ये जो सेक्शन 86 है पेनल्टी है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, कोई भी प्रोविजन तोड़ा पूरे इस एक्ट का तो इतनी पेनल्टी है। देखो, सेक्शन 86 इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रावीनिंग ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू चार्जेस, मतलब 77 से 87 सारे सेक्शंस को तोड़ा तो ये पेनल्टी है। ऐसा नहीं खाली ये पेनल्टी नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए। समझ आ रही है बात? जवाब दो, क्लियर है बच्चे? अब देखो ये वाली जो पेनल्टी है, ये जो फर्निश रॉन्ग इन्फॉर्मेशन 447, ये लॉन्ग नोट्स के अंदर दी होगी। देखिए उसके अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा ना नया, ये देखो ये पहले वाला आपका सेक्शन है, ये दोनों देखो आपके बुक में पहले से लिखी होगी। देखो मिल गई, ये वाली एडिशनल है, ये पहले नहीं लिखी होगी। आया ना? राइट, इसको पेन डाउन कर लो प्लीज। ठीक है जी, पहले पेन डाउन करने से पहले इधर सुनो, याद हो गया सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 80 क्या कह रहा था, रजिस्टर कराओगे पब्लिक नोटिस माना जाएगा क्योंकि आरओसी के डोमेन में है, और कहता है अगर रजिस्टर नहीं कराओगे तो बैंकर की लग गई, बैंकर जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा, जबकि कंपनी की लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बैंकर बचने के लिए सेक्शन 78 में हमने क्या पढ़ा, अगर कंपनी नहीं कराती 30 डेज में तो बैंकर उसके बाद कराएगा, जब भी लेट कराएगा लेट फीस वगैरह बैंकर पे करेगा, बाद में कंपनी से रीइंबर्स कराएगा। और जब हमने बैंकर ने आरओसी को बताया, चार्ज होल्डर ने आरओसी को बताया, तो फिर आरओसी 14 डेज में नोटिस देके कंपनी को खुद रजिस्टर कर लेगा। और 86 क्या कह रहा है, पेनल्टी लगेगी कंपनी पे रजिस्टर ना कराने पे, मतलब कंपनी की बैंकर का स्टेटस खराब हो गया, कंपनी पे पेनल्टी लग गई। आया ना? पेनल्टी कितनी, कंपनी पे 1 से 10 लाख, ऑफिसर पे 25,000 से 1 लाख, या 6 महीने तक की सजा या बोट, और जिसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी उसको 447 में फ्रॉड के लिए लाइबल माना जाएगा। डन बच्चे? क्लियर है सबको? कर लो अब इसको। अब देखिए बेटा इधर ऑल ऑफ यू, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 79 की। देखिए 79 सेक्शन नकली सा है, कुछ बोलता ही नहीं है। इधर देखिए बेटा, इधर सेक्शन 79 बहुत छोटी सी बात बोलता है, सुनिएगा। इधर देखिए सेक्शन 79 में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, कहता है सेक्शन 79 बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की, और कहता है जी मॉडिफिकेशन के लिए वही सारे रूल्स हैं जो 77 में क्रिएशन के लिए, खत्म।
इसका मतलब क्या हुआ, 30+30+60, मतलब वो रूल्स आपको कब फॉलो करने हैं, जब आपने चार्ज क्रिएट किया, या वही सेम रूल का फॉलो करने हैं जब आपने चार्ज को मॉडिफाई किया, हाँ या ना, सिंपल है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से कहता है सेक्शन, ये क्या कहता है, कहता है स्टेट्स दैट सेक्शन 77, देखो लैंग्वेज पढ़ो, सेक्शन 79 स्टेट्स दैट सेक्शन 77 शैल आल्सो बी अप्लाइड इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज। ठीक है जी, मतलब जो पहले आपने प्रॉपर्टी चार्ज क्रिएट किया था उसी पे आप दोबारा से कोई नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, माने इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो। यस ऑर नो, समझ आ रही है ये बात? इधर सुनिए ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को लेके केस स्टडी आती है आपके एग्जाम में। सर कौन सी केस स्टडी आती है, किस तरीके की आती है, सुनिएगा बेटा इधर, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, सुनिएगा मेरी बात को, देखिए, और एग्जाम में कई बार आई है इसलिए ढंग से देखिएगा, इधर बेटा सुनिए मेरी बात को प्लीज, ऑल ऑफ यू इधर देखेंगे बेटा, हम बात करें केस स्टडी की। देखिए इधर, कंपनी ने बैंकर को लोन एप्लीकेशन दी प्लस कंपनी और बैंकर के बीच में अग्रीमेंट साइन हो गया प्लस कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी गिरवी रख दी एंड बैंकर ने कंपनी को लोन ग्रांट कर दिया, हाँ या ना, इसमें सिंपल है। ठीक है जी, प्लस कंपनी ने आरओसी को CHG 1B फाइल कर दिया इन 30 डेज, कोई गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट चल रहा मामला, यस और नो, सुनिएगा बेटा इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू। सर कंपनी ने बैंकर को जब लोन एप्लीकेशन दिया, बैंकर ने लोन दे दिया, कंपनी ने आरओसी को बता दिया, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, इस अग्रीमेंट में क्या लिखा था सुनिएगा, इस अग्रीमेंट में लिखा था कि हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट, इधर देखिए, हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, यहां पर लिखा था 1% अबव बैंक रेट स्पेसिफाइड बाय RBI, 1% अबव बैंक रेट स्पेसिफाइड बाय RBI, ये बात समझ आई, आया ना। सर अगर RBI का बैंक रेट याद है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है आपने कभी बचपन में 12th के अंदर इकोनॉमिक्स में, याद आ रहा है कुछ, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको पढ़ाया जाता था क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बैंक रेट, CRR, SLR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, याद आ रहा है, बैंक रेट वो रेट है जिसपे RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, यस ऑर नो, इसको रेपो रेट भी बोला जाता है, याद आया। अब सुनिए, कहता है वो जो आरबीआई वाला बैंक रेट है उससे 1% हम ज्यादा देंगे, ये बात हमने कहा लिखी थी एग्रीमेंट में, समझ आ रही है ये बात। अब कहता है मान लो जी उस टाइम पे जो बैंक रेट चल रहा था वो चल रहा था 5.5%, इसका मतलब हम कितना देंगे 6.5%, क्लियर है। अब सुनिए, अब कहता है सर ये तो हो गया, अभी क्वेश्चन चल रहा है, अब कहता है सर आरबीआई ने बैंक रेट जो था उसको इंक्रीज करके 6% कर दिया, आया ना, क्लियर है जी। और कहता है कंपनी ने आरओसी को रजिस्टर नहीं कराया, बताई नहीं है बात, तो कहता है जी बताओ कंपनी पे कितने की पेनल्टी लगेगी, बताओ जी। कल को आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाकर 6% कर दिया, क्या इससे कंपनी की लायबिलिटी में चेंजेस आए कि नहीं आए, कंपनी की लायबिलिटी में चेंजेस आ गए, कंपनी को ब्याज ज्यादा देनी पड़ेगी, तो कहता है कंपनी को आरओसी को बताना चाहिए, लेकिन कंपनी ने आरओसी को नहीं बताया, बताओ कंपनी में कितनी पेनल्टी लगेगी, माने कंपनी ने मॉडिफिकेशन नहीं करा तो कितनी पेनल्टी लगेगी, बताओ सेक्शन 86 की, आया ना भाई साहब, वो पेनल्टी लगेगी ही नहीं क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है ही नहीं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, नो पेनल्टी एट ऑल, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन नहीं है। आप एक चीज सोचो ध्यान से, यहां पर हमारे चार्ज का जो अग्रीमेंट हुआ था क्या उसमें कोई भी बदलाव आए, उसके अंदर पहले भी हमने जो लैंग्वेज लिखी थी अभी भी वही है, यस और नो, तो हमारे चार्ज को हमने मॉडिफाई किया या आरबीआई की वजह से इंटरेस्ट चेंज हुआ, तो कहता है इट इज नॉट अ मॉडिफिकेशन, कंपनी ने चार्ज नहीं रजिस्टर कराया, मॉडिफिकेशन कोई जरूरत ही नहीं है, कंपनी में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, समझ आ रही है ये बात, यस और नो। हाँ, इसी का बी पार्ट आता कि बैंक रेट सेम है, कंपनी ने अग्रीमेंट में कर दिया कि अब हम एक की जगह आपको 0.75% देंगे, अब तो फिर वो 0.75 देंगे उसके ऊपर, या आधा परसेंट देंगे उसके ऊपर, या एक का 1.5% कर दिया,
तो ये बताओ यहाँ पे बैंक ने आरबीआई ने चेंज किया या कंपनी ने अग्रीमेंट में चेंज किया? अग्रीमेंट में चेंज किया, फिर वो मॉडिफिकेशन माना जाएगा। यस और नो? यहाँ पर आप देखो ना, हमने तो अग्रीमेंट में कुछ बदला ही नहीं। यस और नो? पहले भी लैंग्वेज यही थी, 1% अबव बैंक रेट, अभी भी वही है, 1% अबव बैंक रेट। यस और नो? तो इससे हमें पता चल रहा है, इधर देखिए, इससे हमें पता चल रहा है कि इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, इस केस स्टडी में बात करूं, तो चेंज इन बैंक रेट बाय आरबीआई, आप अपने आंसर में इसको ऐसे लिखोगे ना, चेंज इन बैंक रेट बाय आरबीआई इज नॉट, विल नॉट अमाउंट टू मॉडिफिकेशन, विल नॉट अमाउंट टू मॉडिफिकेशन। यस और नो? बोलो। जबकि यहां पे अगर हम बात करें तो चेंज इन परसेंटेज स्पेसिफाइड इन लोन अग्रीमेंट, लोन अग्रीमेंट शैल अमाउंट टू मॉडिफिकेशन, हाँ या ना? इट शैल अमाउंट टू मॉडिफिकेशन। समझ आ गई बेटा कहानी? श्योर? करना इसको नोट, कर लो इस केस स्टडी को नोट, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो यहां तक हमें समझ आ गया, सेक्शन नंबर 79 डन, ओके। अब बेटा इधर देखिएगा ध्यान से, प्लीज ऑल ऑफ यू बच्चे, इधर हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 77, 78, 79, 80,
81, अभी 82, 83 नहीं पढ़े अभी हमने, 84 पढ़ लिया, 85 पढ़ लिया, 86 पढ़ लिया, 87 भी हमने नहीं पढ़ा। इधर देखिए, मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने 82 नहीं पढ़ा, 83 नहीं पढ़ा, 87 नहीं पढ़ा, बाकी देखिए पढ़ लिए क्या, ध्यान से देखो, हमने पढ़ लिया 77 कौन सा है, कंपनी की ड्यूटी है चार्ज को रजिस्टर करे। 78 कौन सा है, कंपनी कैसे रजिस्टर कराएगी, नहीं कराती तो बैंकर कराएगा। 79 कौन सा है, मॉडिफिकेशन का। 80 कौन सा है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन या नोटिस ऑफ चार्ज टू पब्लिक, है ना, लॉ की लैंग्वेज ये है, आपको लॉ की लैंग्वेज सेक्शन की याद करनी है। 81 कौन सा है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस ऑफ ROC। अच्छा 84 कौन सा है, जब रिसीवर अपॉइंट हुआ। 85 कौन सा है, सर कंपनी का रजिस्टर, राइट। 86 कौन सा है, पेनल्टी का, पढ़ लिया हमने। अब ये रह गए तीन। अब अगर आप ध्यान से सोचो लॉजिकली, तो हमारे फॉर्म नंबर याद करो, CAG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सुनिएगा, 1, 2, 3, 7, 6, 9 के सारे देखो फॉर्म नंबर्स, ये सारे फॉर्म नंबर्स हमारे देखो पूरे हो चुके हैं। देखो ध्यान से सर, ये सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं, हाँ या ना। 1 हो गया क्रिएशन में, 2 मिला सर्टिफिकेट, 3 में मॉडिफिकेशन मिली, यस और नो। अब सुनिए ध्यान से, मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों सेक्शन 77 एंड 78 के थे, एंड ये सेक्शन 79 का था, हाँ या ना, जवाब दो। और सर ये जो CAG 6 है, सेक्शन 84 का था रिसीवर वाला, ये जो 7 में रजिस्टर बनेगा सेक्शन 85, हाँ या ना, और ये भी सेक्शन नंबर 1, जवाब दो, हाँ या ना, राइट। अब सुनिए, अब हमारे कौन कौन से फॉर्म रह गए सर, 4 और 5 रह गया और 8 रह गया। 4 और 5 कौन से है, सेटिस्फेक्शन के हैं, याद है आपको, 4 में सेटिस्फेक्शन ROC को बताएंगे, 5 में सर्टिफिकेट मिलेगा, और 8 कौन सा है, CG वाला। अब आप देखिए इधर ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं, सेक्शन 87 हमारा CG वाला है और 82 83 रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन है। आप समझ आ गया, क्योंकि यही दोनों रहते हैं, इसलिए यही वाले फॉर्म अभी हमने नहीं पढ़े। यस और नो, जवाब दो, आ जाए इस पे। देखिए अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन 82 एंड 83। बेटा मेरी बात को सुनिएगा इधर ध्यान से, अब पहले इधर सुनिए, 82 83 की अपनी ही कहानी है। बेटा इधर देखिएगा, ये वाले चार्ट को भी आप लोग रिप्लेस करेंगे, आप प्लीज इस चार्ट को भी अब आप लोग रिप्लेस करेंगे, टू बी रिप्लेस्ड, अब जो मेरा नया चार्ट है वो बनाएंगे, ठीक है जी। बेटा सुनिएगा इधर पहले ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं देखिए, हमारे सेक्शन 82 पे जिसका नाम है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, बेटा इसका मतलब क्या है कि हमारी कंपनी ने लोन चुका दिया है, यस और नो, और क्योंकि हमारी कंपनी ने लोन चुका दिया है, अब हम पे कोई बकाया बैलेंस नहीं है, तो ले ROC, हमने तेरे को बता दिया, तू वेबसाइट से हमारा नाम काट दे, यस और नो, और हमें एक सर्टिफिकेट दे दे CAG 5 के अंदर, याद है आपको, सिंपल है। अब पहले सुनना जो मैं कह रहा हूं इधर, ऑल ऑफ यू सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनिए। कहता है जी कंपनी ROC को, कंपनी ROC को कहता है CAG 4 फाइल करेगी, प्लस कहता है नो ड्यूज लेटर फाइल करेगी, नो ड्यूज लेटर कह लो या NOC ऑफ बैंकर कह लो, हाँ या ना, जवाब दो। NOC ऑफ बैंकर कह लो कि भैया आपने CAG, आप कह रहे हो कि आपने पूरा पैसा चुका दिया, हम कैसे मान ले, बैंकर से लेटर लेके आओ कि हाँ जी आपने पूरा पैसा चुका दिया, यस और नो, तो बैंकर से आप लेटर लेके आओगे और उस लेटर को CAG 4 में अटैच करके ROC को दोगे, हाँ या ना। कितने दिनों में दोगे, कहता है सर ये भी आप दोगे विद इन 30 डेज, और फिर ROC आपको क्या दे देगा,
CHG 5 के अंदर दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, आया ना? सिंपल है बच्चे, जवाब दीजिए पक्का। सर हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम लोन चुका देंगे तो हम सीजी, हम आरओसी के पास जाएंगे, कब जाएंगे, CHG 4 देंगे नो ड्यूज लेटर के साथ विद इन 30 डेज, फिर हमें CHG 5 में वो अपना सर्टिफिकेट दे देगा। बट अब सुनो पॉइंट क्या, सुनिएगा ध्यान से, अब कहानी में कोई ट्विस्ट है, कहानी में क्या ट्विस्ट है सुनिएगा पहले, जो मैं कह रहा हूं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर नहीं गए तो, 30 दिन में आपने सेटिस्फाई नहीं किया, इफ नॉट फाइल्ड इन 30 डेज तो क्या होगा? तो कहता है सर आप नेक्स्ट 270 डेज में फाइल कर सकते हो विद एडिशनल फीस, हाँ या ना? ले रहे बात? ठीक है जी। पहले यही यही क्रिएशन मॉडिफिकेशन में होता था, यही सेटिस्फेक्शन में, अब इन्होंने क्या कर दिया, सेटिस्फेक्शन का सेम रहने दिया, वो वाले बदल दिए। समझ आ रही है बात? मतलब सेटिस्फेक्शन कितने दिनों में बताना है, 30 डेज में, नहीं बता पाए तो अगले 270 डेज में, तो टोटल 300 डेज हो गए, आया ना? कहता है सर अच्छा अगर इसमें भी नहीं बताया, अगर इसमें भी नहीं बताया, इफ नॉट फाइल्ड इन 300 डेज, इफ नॉट फाइल्ड इन 300 डेज तो फिर क्या हो जाएगा, फिर सीजी से कंडोन कराओ, हाँ या ना? जवाब दो। अब समझ आया, अभी तक मैंने सीजी के कंडोनेशन वाला सेक्शन क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि कंडोनेशन दो केस में होती है, क्रिएशन मॉडिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन। क्रिएशन मॉडिफिकेशन में कब होती है, आफ्टर 120 डेज, और सेटिस्फेक्शन में आफ्टर 300 डेज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यस और नो? ले रहा है बात सबको? अच्छा मेरी बात सुनिएगा पहले ध्यान से, पहले क्या सेक्शन था ये, अभी क्या सेक्शन है, समझ आ गया? कंपनी आरओसी को जब लोन पूरा चुका देगी उसके बाद 30 डेज में CHG 4 और नो ड्यूज लेटर देगी, बैंकर का एनओसी देगी, फिर आरओसी क्या करेगा, हमें सर्टिफिकेट दे देगा CHG 5 में। अगर हम 30 डेज में नहीं गए तो 270 डेज में लेट पेनल्टी ले लेगा आरओसी, और अगर उससे भी लेट हुए तो सीजी से माफी मांगनी पड़ेगी। अब सुनो पहले क्या रूल था, पहले क्यों बता रहा हूं, रेलेवेंस सुनिएगा, पहले क्या रूल था सुनिएगा, पहले रूल ये था कि 30 डेज के अंदर अंदर CHG 4 आरओसी को फाइल करो, नहीं करा तो कोई 270 दिन की एक्सटेंशन नहीं है, सीधा सीजी के पास जाना पड़ेगा। पहले सेटिस्फेक्शन में क्या रूल था, 30 डेज में आरओसी को बताओ एंड कोई एक्सटेंशन नहीं है 270 डेज की, और सीधा सीजी के पास जाना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है? और साथ में क्या बोलता था, 270 डेज की एक्सटेंशन मिलेगी लेकिन IFSC कंपनीज को मिलेगी, मतलब नॉर्मल कंपनीज के लिए सेटिस्फेक्शन में क्या था, पहले 30 प्लस CG, और IFSC के लिए क्या था, 30 प्लस 270 प्लस CG, राइट? अब सबके लिए क्या हो गया, 30 प्लस 270 प्लस CG, आया ना? जवाब दो। अच्छा एक बार बताओ, क्रिएशन ज्यादा बड़ी चीज है आपने आरओसी से छुपाया, या सेटिस्फेक्शन छुपाया, ये ज्यादा बड़ी चीज है? क्रिएशन छुपाया वो ज्यादा बड़ी चीज है, यस और नो? तो इसमें इतना टफ रूल बनाने की क्या जरूरत है कि 30 डेज के बाद सीजी से माफी मांगो, लॉजिकली सोचो, आया ना? आपको सीजी के पास जल्दी भेजने की पावर कहां मिलनी चाहिए, क्रिएशन में या सेटिस्फेक्शन में? क्रिएशन में, इसलिए उस टाइम को रिड्यूस कर दिया और इसको बढ़ा दिया। समझ आई बात, क्लियर है? तो आज की डेट में क्या प्रोविजन है, अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो क्या करोगे, सेटिस्फाई करते आप किसके पास जाओगे, आरओसी के पास, कितने दिनों में, 30 डेज के अंदर, नहीं जा पाते तो 270 डेज का कंडोनेशन है, हाँ या ना? बाय आरओसी ओनली लेट फीस लेगा एडिशनल फीस, राइट? और अगर 300 डेज में नहीं गए तो सीजी कंडोन करेगा अंडर सेक्शन 87 इन फॉर्म नंबर CHG 8, यस और नो? राइट, इधर सुनिए पहले ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, पहले सुनिएगा, मेरी बुक में जो पहले डायग्राम था देखो, कंपनी आरओसी के बाद CHG 4 और नो ड्यूज लेटर लेके जाती थी, सर कब जाती थी, सर 30 डेज में, और अगर नहीं जा पाई 30 डेज में तो आरओसी को कंडोनेशन पार नहीं थी, बियॉन्ड 30 डेज आप सीधा किसके पास जाते थे, सीजी के बाद CHG 8 में, यस और नो? और देखो इसी में मैंने ऊपर क्या लिखवाया हुआ है, IFSC पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या रूल था कि 300 डेज तक अलाउड है, उसके बाद सीजी का नंबर आएगा, हाँ या ना? अब ये वाला नोट भी कटेगा, यस और नो? और ये वाली, ये भी पूरा का पूरा चार्ट चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है बात, इधर सुनिएगा बेटा ध्यान से, बेटा इधर देखिए, पहले क्या होता था, देखिए इधर
लैंग्वेज सुनिए, पहले होता था सेटिस्फेक्शन इज नॉट फाइल्ड इन 30 डेज तो आरओसी नहीं करेगा जब तक सीजी के पास नहीं होके आओगे, अब ये 30 डेज की जगह यहां पे क्या आ गया, विद इन 300 डेज। यस और नो? अगर मैं आपसे पूरी कहानी की बात करना चाहूं सेटिस्फेक्शन की, तो सेटिस्फेक्शन का रूल अब क्या है, आप सेटिस्फेक्शन होते ही पूरा पे करते ही कितने दिनों में जाओगे, 30 डेज में, नहीं गए तो 270 डेज में जाएंगे, हाँ या ना? और अगर आरओसी के पास भी तब भी नहीं गए 300 दिनों के तो सीजी के पास, क्लियर है, हाँ या ना? हर कंपनी के लिए पहले क्या था 30 प्लस सीजी। इधर देख लो, अगर मैं इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहूं तो बेटा इधर देखिए, अगर मैं इसका कंपैरेटिव एनालाइज करना चाहूं तो देखिए, ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पुराना पढ़ा होगा। देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहूं बिफोर का और आफ्टर का, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। पहले बिफोर क्या था, 30 प्लस सीजी, आया ना? ये किसके लिए था, कंपनीज के लिए, ठीक है, और 30 प्लस 270 प्लस सीजी ये किसके लिए था, आईएफएससी कंपनीज के लिए, आया ना? अब क्या हो गया, 30 प्लस 270 प्लस सीजी किसके लिए हो गया, ऑल कंपनीज के लिए। यस और नो, जवाब दो, पहले ऑल कंपनीज के लिए ये था एक्सेप्ट आईएफएससी, आया ना? और आईएफएससी के लिए अलग रूल था, अब जो आईएफएससी के लिए था वो सबके लिए हो गया, ले रहे हैं बात, जवाब दो, याद रहेगा? फिर से एक बार दोबारा से जबरदस्ती गले बढ़ के अगर तुम्हें दोबारा से याद कराऊं तो, अगर हम आज चार्ट सेटिस्फाई करते हैं तो आरओसी को कितने दिनों में बताना है, 30 डेज में बताना है। कौन सा फॉर्म जाएगा, सीएचजी 4 जाएगा और साथ में नो ड्यूज लेटर जाएगी, क्लियर है ये बात? और सर जब सीएचजी 4 गया और नो ड्यूज लेटर गई 30 डेज में तो हमें क्या मिल जाएगा, सीएचजी 5। सर अगर हम 30 डेज में नहीं जा पाए तो 270 डेज का एक्सटेंशन है, और सर अगर तब भी नहीं जा पाए तो फिर सीजी से माफी मांगने के बाद ही आरओसी फॉर्म लेगा, वरना नहीं लेगा। यस और नो, क्लियर है? आपको समझ आ गया क्यों मैं पहले कौन सा सेक्शन बना रहा हूं, कैसे रिलेट कर रहा हूं, सारी बात क्लियर है? अगर ये चीज ना बताई होती तो सीजी का कंडोनेशन नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि इस सेक्शन से पहले तक आपको ये लग रहा था कंडोनेशन सिर्फ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी सीजी के पास कब जाएगी इस सेक्शन इस चैप्टर में, मैं क्या बोलूंगा, क्रिएशन या मॉडिफिकेशन में जाएगी बियॉन्ड 120 डेज, आया ना? और सेटिस्फेक्शन में जाएगी बियॉन्ड 300 डेज। यस और नो, पक्का क्लियर है जी? कर लो इसको नोट। हो गया जी यहां तक, ठीक है। ये कंपैरेटिव एनालाइज बनाना है, एनालिसिस। बिफोर में 30 प्लस सीजी था और आईएफएससी के लिए 30 प्लस 270 प्लस सीजी था, और अब सबके लिए क्या हो गया, 30 प्लस 270 प्लस सीजी, 30 में फी, 270 में एडिशनल फी, और उसके बाद सीजी। डन, कर लो इसको भी नोट।
बच्चे आप देखिए प्लीज इधर ऑल ऑफ यू, अब इसकी लैंग्वेज हमारी बुक में, एक तो ये वाला नोट अब आप काट देंगे क्योंकि अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, पहले ये एक बेनिफिट था आईएफएससी कंपनीज के लिए, अब ये सबके लिए हो गया, यस और नो, डन, काट दिया। और ऊपर वाली लैंग्वेज में बेटा ये वाली लाइन काट के विद इन 30 डेज वाली नीचे वाली लिख लेंगे प्लीज, राइट। आपकी बुक में पहले ये वाला पैराग्राफ था, वेयर दी सेटिस्फेक्शन, देखो मिल गया होगा। सेकेंड पॉइंट है ना, सेक्शन 82 में सेकेंड पॉइंट था, देखो पहले मिल गया, अब उसको काट के ये लिख लो प्लीज। डन एवरीवन। बच्चे कुछ कुछ सेक्शन होते हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट्स आती हैं, तो हम वो सेक्शंस को अपने लेक्चर्स में अमेंड करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा चैप्टर ही दोबारा से इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ा है, तो मेजर अमेंडमेंट है यार ऑलमोस्ट हर सेक्शन में, यस और नो। अच्छा इधर देखना ध्यान से, अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब अगर ये मैं कह रहा था ना रिप्लेस करो डायग्राम, इधर सुनना, अगर इसको डायग्राम को रिप्लेस करने की जगह कुछ और भी सिंपल सा मैं बताता तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि भाई इस इधर देखिए, मैं कुछ ऐसा भी कर सकता था इसमें कि मैं कहता बेटा यहां नो हटा दो, एक्सटेंशन कंट्रोल्ड बाय आरओसी इन नेक्स्ट 270 डेज, हाँ या ना, और फिर एक्सटेंशन बाय सीजी बियॉन्ड 300 डेज, तब भी काम चल जाता आपका, यस और नो, राइट जी, ठीक है। पहले 30 दिन के बाद सीजी आता था, अब 30 दिन प्लस 270 दिन उसके बाद सीजी आता है, डन। पहले 30 प्लस 270 प्लस सीजी किसके लिए था, आईएफएससी का, इसके लिए अब सबके लिए यही रूल हो गया, डन। चले आगे, अच्छा मेरी बात सुनेगा इधर ध्यान से, ये सेक्शन 83 है, मैं अगर बात करूं अपनी तो मैं बोलूंगा इस पूरे टॉपिक का सबसे नकली सेक्शन है इस पूरे चैप्टर का। ये कहते हैं जी मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने आरओसी को बताया ही नहीं कि हमने चार सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है जी, कंपनी ने आरओसी को नहीं बताया, आरओसी को खुद पता चल गया, तो फिर कहता आरओसी खुद अपनी मर्जी से नाम काट देगा जब उसे पता चला, यार वो तो ऑब्वियसली बात है, पर आरओसी सरकारी डिपार्टमेंट आपको लगता है इतना अच्छा है, और आरओसी को पता कैसे चलेगा, पता चल सकता है क्योंकि कुछ बैंकिंग कंपनीज होती है जो डिटेल देती है आरओसी को, हर साल देनी पड़ती है बैंकिंग कंपनीज को, आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि हर बैंकिंग कंपनी डिटेल देगी कि उसके पास किस किस की कौन सी एसेट गिरवी पड़ी है, तो अगर बैंकिंग कंपनी ने आरओसी को डिटेल दी कि इस कंपनी की ये वाली एसेट अब मेरे पास नहीं है पहले थी, तो इसको ना आरओसी को पता चल जाएगा ना, यस ऑल नो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव बाय आरओसी फ्रॉम कंपनी रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज एंड आरओसी इज सेटिस्फाइड दैट द डेट हैज बीन पेड
इधर पार्टली और फुली पे हो चुका है सारा, या पार्टली और फुली, पार्टली होगा तो फिर मॉडिफिकेशन करेगा ना, देन आरओसी मे एंटर, मे है राइट, शेल तो है नहीं, मे है, अगर आरओसी को पता चला तो अपने रजिस्टर में एंटर कर देगा और पार्टीज को 30 डेज में बता देगा कि तुम तो निकम्मे हो, तुमने मुझे बताया नहीं, मेरे को पता चल गया तो मैंने अपने आप नाम काट दिया है। पर आरओसी कभी ऐसा करेगा नहीं, ये थ्योरेटिकली ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो कभी होगा, ये तो तब होगा जब इंडिया में अभी हम गवर्नेंस पे है, हम वी आर स्ट्राइविंग टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस, ये तो तब आएगा जब एक्सीलेंट गवर्नेंस हो जाएगी। आया ना, क्लियर है बच्चे? नकली सेक्शन है नहीं आने का पेपर में। अब सुनिए, अब यहां पर आ गया एक सेक्शन कंडोनेशन वाला, ये जी है ना जी, फाइनली अब हम सीजी के पास माफी मांगने जा रहे हैं सीएचजी 8 में, राइट, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इधर सुन लो दोबारा से, कब जा रहे हैं सीजी के पास, हम माफी मांगने जा रहे हैं दो रीजंस की वजह से, या तो हम क्रिएशन और मॉडिफिकेशन में लेट है, उसको रजिस्टर कराने में लेट है, या हम सेटिस्फेक्शन कराने में लेट है, यस और नो? क्रिएशन मॉडिफिकेशन में भाई हम कितना लेट है, 120 डेज से ज्यादा लेट है, आया ना, 30+30+60, और सेटिस्फेक्शन में हम 300 डेज से ज्यादा लेट है, आया ना, जवाब दो, अब तो क्लियर होना चाहिए, टॉपिक खत्म होने वाला है, डन। अब सुनिए, कहता है भाई जब आप जाओगे ना सीजी के पास तो सीजी को सीएचजी 8 की कॉपी दोगे, जो फॉर्म भर के दोगे, कॉपी रेजोल्यूशन की दोगे, बीआरएसआर जो भी आपका पास हुआ होगा, बीआर पास हुआ होगा, वैसे सुनिए, बीआर पास हुआ होगा, मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं, अब चार चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो वो इतना आसान नहीं है कि आपने पढ़ लिया कंपनी लोन दे रही है, लोन ले रही है एंड ऑल दैट। रियलिटी बताऊं आपको, रियलिटी ये है कि कंपनी जब चार्ज क्रिएट कर रही है तो प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले रही है, हाँ या ना, क्या ये कंपनी के लिए बोरोइंग नहीं है, सोच के जवाब दो। और ये कंपनी के लिए बोरोइंग है तो बोरोइंग का सेक्शन होता है सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, समझ आ रही है बात? और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है अगर कंपनी अप टू पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कर रही है, या मोर देन पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कर रही है, राइट, अप टू पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कर रही है तो कंपनी को इसके लिए चाहिए बीआर, और बियॉन्ड कर रही है तो बीआर प्लस एसआर, ये बात समझ आई? तो यहां पे जो रेजोल्यूशन की कॉपी कह रहा है ना, इसका मतलब है या बीआर या SBR प्लस SR, वो डिपेंड करता है कि आपने लिमिट के अंदर बोरिंग किया है, लिमिट के बाहर बोरिंग करी है, यस ऑर नो, जवाब दो। इसलिए मैं यहां BR नहीं लिख रहा, खाली कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन क्यों लिखा हुआ है, डिपेंड करता है या तो खाली BR होगा या BR प्लस SR होगा, किस पे डिपेंड करेगा? सर हमने जो बोरिंग करी है, कंपनी ने बैंकर के पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी, बोरिंग कर ली, सर बोरिंग विद इन द लिमिट है या आउटसाइड द लिमिट है, लिमिट कहां दी गई है, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, सर विद इन द लिमिट है तो BR, आउटसाइड द लिमिट है तो BR प्लस SR, क्लियर है बात? आया ना? और सर ये लिमिट जो है इसका फॉर्मूला क्या है, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, क्लियर है? तो कहता है जो भी डिजायर्ड रेजोल्यूशन है उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। साथ में कहता है कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग दी चार्ज, अगर इंस्ट्रूमेंट था तो ठीक है, नहीं तो इसका सब्स्टिट्यूट भी क्या होगा, अगर ओरल होगा तो बीआर की कॉपी, याद है मैंने पढ़ाया था, आया ना, डन। अब सुनिए, कहता है साथ में आपको सीजी को एक सेटिस्फेक्शन देनी पड़ेगी, तसल्ली करानी पड़ेगी कि गलती से एक्सीडेंटल ओमिशन हुई है, हम ऐसा नहीं है जानबूझ के हमारी इंटेंशन थी कि बैंकर के पैसे ना दे, गलती से फॉर्म नहीं गया, ये बात समझ आ रही है, ओमिशन इन एडवर्टेंस है, हमारी इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, पहली बात तो गलती से हुआ और गलती भी जानबूझ के नहीं करी, तीसरी चीज इससे हमारा कोई, हमने क्रेडिटर का कोई पैसा नहीं खाया, देखो आज तक हमने कोई चेक बाउंस किया बैंकर का, सारी पेमेंट टाइम पे जा रही है। मैंने एक बार एक कंपनी का कंडोनेशन कराया था, बता इसी पर्टिकुलर सेक्शन में, सुनना बड़े ध्यान से कैसे कराया था, पूरी बात, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया तो उस कंपनी का जो सीएस था उसको फॉर्म भरना था, ये बात समझ आ रही है, कंपनी का सीएस जो था उस टाइम पे उसने जॉब चेंज कर ली, नया सीएस आ गया, अब नया सीएस आया तो उसको तो समझने में टाइम लग जाता, नए को लगा पुराने ने कर दिया होगा, पुराने को लगा नया आके कर देगा, किया दोनों ने, मेरी बात समझ गए, यहां पर डिले हो गया, फिर हम सीजी से माफी मांगने गए, बात समझ रहे हो, जब एक साल के बाद मैंने सेक्रेटेरियल ऑडिट किया उस कंपनी का तब जाके मुझे पता चला, क्योंकि चार्ज उन्होंने क्रिएट किया था अप्रैल के महीने में और 300 डेज तक उन्होंने कुछ किया नहीं था, पहले 20 30 प्लस 270 300 डेज था ना,
नहीं, और मुझे कब पता चला, 1.5 साल के बाद, जब अगले साल, क्योंकि अप्रैल में चार्ज क्रिएट किया, मुझे पता चला अगले साल मार्च के बाद, जब मैं कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिट कर रहा था जून जुलाई में। यस ऑर नो, समझ रहे हो मेरी बात? टाइम लेट हो गया ना, आया ना, तब जाके फिर हम लोगों ने सीजी को रीजन बताया कि देखो जी, दोनों सीएस थे उस टाइम पे, चेंज हुआ था, कंपनी को तो पता नहीं है, कंपनी को तो लीगल मैटर आता नहीं एमडी को, तो जी पुराने वाले सीएस की गलती थी या नए वाले की थी, उस चक्कर में ये प्रॉब्लम हो गई, माफी, सीजी ने माफी कर दी। फिर सीजी का जो ऑर्डर आया उसको हमने आरओसी को फाइल किया, इसके अंदर आईएनसी 28 में लगा दिया। आपको पता है आईएनसी 28 जो होता है वो हमेशा आरओसी को जाता है जब भी कोई सरकारी ऑर्डर आता है उसके अंदर। यस ऑल नो, पता है ना, जब भी कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है तो उसकी कॉपी आरओसी को आईएनसी 28 में लगा। यस ऑल नो, क्लियर है बच्चे? अब देखिए, इट मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन डायरेक्ट एट एनी टाइम फॉर द फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर और फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। वो ये आ गया कि ठीक है जी, वो माफ कर देगा और माफ करने के बाद आपको अपने ऑर्डर की कॉपी दे देगा। यस और नो, आया ना? तो क्या हमें सेक्शन 87 समझ आया? देखो सेक्शन 87 क्या कह रहा है, हम सीजी से माफी मांगने जा रहे हैं। पहली बात, कौन से फॉर्म में माफी मांगेंगे? CSG8 में, साथ में रेजोल्यूशन की कॉपी देंगे। वो रेजोल्यूशन कौन सा होगा? BR या BR प्लस SR, डिपेंड करता है। कंपनी ने लिमिट में बोरो किया था तो BR प्लस BR, अगर आउटसेट किया था तो BR प्लस SR। वो लिमिट कहां दी गई है? सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C में दी गई है। क्लियर है ये बात? राइट, CS के बच्चों को तो सारा लॉ इंटर में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन CA और CMA को कुछ लॉ फाइनल में पढ़ाया जाता है, तो ये उनके कोर्स में नहीं होता डायरेक्टर वाला। राइट, इसके बाद क्या कह रहा था कि आपको क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? ओमिशन एक्सीडेंटल है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी और हमने आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया। देखो हमने टाइमली पैसे दिए। यस ऑर नो, क्लियर है? डन। बस ये याद रखना कि क्रिएशन मॉडिफिकेशन में सीजी आएगा 120 दिन के बाद और सेटिस्फेक्शन में आएगा 300 डेज के बाद। क्लियर है? पहले कब आता था? क्रिएशन मॉडिफिकेशन में 300 और सेटिस्फेक्शन में नॉर्मल कंपनी के लिए 30 दिन बाद, IFSC के लिए 300 दिन बाद। अब सबके लिए क्या है? क्रिएशन मॉडिफिकेशन में 120 डेज और सेटिस्फेक्शन में 300 दिन। याद हो गया ना? क्रिएशन मॉडिफिकेशन में क्या है? 30 डेज ROC विद फाइल With fees plus next 30 days with additional fees plus next 60 days ad valorem duty, उसके बाद CG, और यहाँ पे 30 days fees plus 270 days additional fees, उसके बाद CG का condonation। हो गया याद? पक्का? डन। अब आपको ऐसे लगेगा अगर हम सेक्शन नंबर्स की बात करें, याद हो गए सारे? देखो सबसे पहली बात, क्या 9 के 9 फॉर्म्स याद है? 1 किसके लिए है? क्रिएशन या मॉडिफिकेशन, 2 में क्रिएशन लेंगे, 3 में मॉडिफिकेशन लेंगे, 4 में सेटिस्फेक्शन देंगे, 5 में सेटिस्फेक्शन लेंगे, 6 में रिसीवर मैनेजर, 7 में रजिस्टर मेंटेन करेगी, 8 में सीजी के बाद जाएंगे, 9 हो गया डिबेंचर्स के लिए। डन। अच्छा सेक्शन याद करो, 77 कंपनी की ड्यूटी है चार्ज क्रिएट रजिस्टर करना, 78 कंपनी एप्लीकेशन कैसे देगी, नहीं देगी तो बैंकर करेगा, 79 मॉडिफिकेशन, 80 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन जिसको हम नोटिस ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, 81 ROC का रजिस्टर, 82 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय कंपनी, 83 ROC खुद सेटिस्फाई कर रहा है उसको कहीं से पता चल गया, 82 83 सेटिस्फेक्शन गया ना, 84 रिसीवर, 85 कंपनी का रजिस्टर, 86 पेनल्टी जिसमें अमेंडमेंट आई है 447 वाली, और 87 CG कंडोनेशन। आया ना? तो आपको सारे सेक्शन सारे फॉर्म याद हो गए, चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अच्छा ये तो सेक्शन है, इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट थे वो भी क्लियर थे, फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लेक्सिबल चार्ज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यार। मैं ये कह रहा था कि जब हम एज अ स्टूडेंट कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो इट्स वेरी टफ पढ़ना, रीजन आप पे तरस आता है मुझे कभी कभी, क्यों आता है? आपको एक्ट भी पढ़ना है, आप पे और मेरे पे दो लोगों पे तरस आता है मेरे को, प्रैक्टिसिंग CS में नहीं आता या जो जॉब कर रहे हैं उनपे नहीं आता, क्योंकि उन्हें लॉ पढ़ना होता है। आपको लॉ पढ़ना, आपको जजमेंट्स पढ़नी है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने, आप किसी PCS के पास जाओ उसको बोलो सर 6 मार्क्स का डिफरेंस लिख के दिखाना MOA, वो लिख नहीं पाएगा, समझ लो। ये सेक्शन है या कॉन्सेप्ट है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज ये कोई सेक्शन था? डिफरेंस बिटवीन फिक्स फ्लेक्सिबल चार्ज कोई सेक्शन था? ये सब कॉन्सेप्ट है। हाँ ना, अब एक कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर रह गया है, जो हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सर वो जो इंस्ट्रूमेंट प्लेज अग्रीमेंट या जो लीज, जो हमारी मॉर्गेज डीड साइन होगी, लीज कहां से आ गया, प्लेज अग्रीमेंट या हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट या मॉर्गेज डीड जो साइन होगी उसमें हस्ताक्षर साइन कौन करेगा? यस और नो, पॉइंट समझ आ रहा है? पक्का? अब देखिए ध्यान से, सर उसको फाइनली साइन कौन करेगा?
ये देखिए बेटा इधर वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बेटा प्लीज इधर वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखिए कहता है कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट, यहां इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, जिसमें हम प्लेज अग्रीमेंट हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट या मॉर्गेज डीड की बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू चाहे वो क्रिएशन हो चाहे मॉडिफिकेशन हो, राइट आरओसी के पास जाता है एज पर सेक्शन 77, 78, 79, राइट कौन वेरीफाई करेगा उसको, वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोली टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, राइट अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो सुन लो द कॉपी शेल बी वेरीफाइड बाय अ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द सील ऑफ कंपनी, कंपनी की कॉमन सील अगर है तो इफ एनी, आया ना कंपनी की कॉमन सील है तो वो हमें पता कंपनी कॉमन सील है तो लगानी जरूरी है वरना नहीं होती, या अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और सीएस ऑफ द कंपनी और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर माने बैंकर, आया ना और अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज। इसका मतलब इधर सुनिए ध्यान से, अगर हम यहां पर इसका चार्ट बनाना चाहे बेटा इधर देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, देखिए वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को कौन वेरीफाई करेगा जब आरओसी के पास जा रही है तो, आया ना कोई एक बंदा तो लिखता ना सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी, सुना कभी, तो वो ट्रू कॉपी की सर्टिफिकेशन कौन देगा, देखिए कहता है सर डिपेंड करता है प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है या प्रॉपर्टी इन इंडिया है, राइट कहता सर अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो क्या कह रहा था, देखो कंपनी की कॉमन सील, इसके अलावा दोबारा से पढ़ते हैं इसको, कंपनी की कॉमन सील या कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का सीएस, ये दो बातें थी, इधर देखिए सर कंपनी की कॉमन सील ऑफ कंपनी या कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का सीएस, कंपनी की कॉमन सील या कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का सीएस, ये बात समझ आ रही है, ये कब है, ये कब की बात कर रहा है, ये फॉर्म कंपनी की कॉमन सील डायरेक्टर या सीएस ये बात कब बोल रहा है, जब फॉर्म कंपनी भेज रही है, यस ऑर नो, ये कब बात कर रहा है, जब फॉर्म कौन भेज रही है कंपनी, आया ना, लेकिन कहता है अगर फॉर्म कंपनी नहीं भेज रही फॉर्म भेज रहा है बैंकर, आया ना वही वाला केस, 30 डेज तक कंपनी ने फॉर्म भेजा ही नहीं फिर बैंकर अपनी मर्जी से भेज रहा है चार्ज होल्डर, आया ना, फिर कहता सर उस केस में कौन भेजेगा, देखिए वापस आते हैं उसमें, उस केस में देखिए क्या कह रहा था, उस केस में कह रहा जी बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर माने बैंकर का ऑथराइज्ड ऑफिसर या अदर कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन दी मॉर्गेज और चार्ज, आया ना, अदर पर्सन मतलब बैंकर का ही कोई और एजेंट हो सकता है, यस ऑर नो, तो देखिए यहां पे इसका मतलब क्या आ गया, यहां पर आ गया फॉर्म बाय बैंकर आ रहा तो सर कौन कौन देगा, सर यहां पर आ गया इसका ऑथराइज्ड पर्सन या अदर पर्सन, अदर पर्सन इंटरेस्टेड, ठीक है जी, जवाब दो पहले इसमें कोई डाउट, सर अगर प्रॉपर्टी दोबारा से समझ लो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे हमने लोन लिया है उसका सीएचजी वन हम आरओसी को दे रहे हैं तो सर उस प्रॉपर्टी के साथ सीएचजी वन के साथ इंस्ट्रूमेंट जाएगी, इंस्ट्रूमेंट को सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी कौन बोलेगा, सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी लिख के कंपनी की कॉमन सील या डायरेक्टर या सीएस के साइन हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट, अगर कंपनी फाइल कर रही है तो कंपनी फाइल नहीं करी 30 डेज में बैंकर कर रहा है तो बैंकर का ऑथराइज्ड ऑफिसर या कोई भी पर्सन, यस और नो जवाब दो, कहता सर अगर प्रॉपर्टी इन इंडिया है तो क्या होगा, देखिए इन इंडिया में आप मेरी बात सुनो, प्रॉपर्टी इन इंडिया है तो आप बताओ फॉर्मेलिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए क्योंकि इंडिया के बाहर है तो ज्यादा होती है, आया ना, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां सिंपल है, देखिए बेटा यहां पर कह रहा है उस केस में इश्यूड बाय सर्टिफिकेट अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर और सीएस ऑफ द कंपनी और ऑथराइज ऑफिसर ऑफ
चार्ज होल्डर, ना कॉमन सील है ना अदर ऑथराइज पर्सन है, यस और नो जवाब दो। इसका मतलब इस केस के अंदर क्या आ गया जी सर, इस केस के अंदर आ गया आपका डायरेक्टर या सीएस किसका, कंपनी का, या ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ बैंकर, आया ना, ऑफ चार्ज होल्डर या बैंकर, कुछ भी कह लू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह लू। तो देखो हमको याद हो गया, ये जवाब दो, याद करना है। सर किसके साइन होंगे, सर प्रॉपर्टी इंडिया में है या बाहर है जिसमें हम लोन ले रहे हैं, सर अगर इंडिया के बाहर है तो सर कॉमन सील या डायरेक्टर या सीएस या बैंकर का ऑथराइज्ड पर्सन या कोई और इंटरेस्टेड पर्सन, आया ना। लेकिन अगर इंडिया के अंदर है तो सर डायरेक्टर के साइन होंगे कंपनी के बिहाफ पे या सीएस की, और बैंकर की तरफ से ऑथराइज्ड पर्सन, आया ना। क्लियर है जी सबको, पक्का। ये भी केस स्टडी वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सुनिए इधर, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया और मिस्टर ए को ऑथराइज कर दिया रजिस्टर करने के लिए, वैलिड है? कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया और मिस्टर ए को ऑथराइज कर दिया, कंपनी नहीं कर सकती क्योंकि या तो कॉमन सील होगी या डायरेक्टर के साइन या सीएस के साइन, किसी को ऑथराइज नहीं कर सकती, आया ना। बैंकर ने ऑथराइज कर दिया मिस्टर ए को, तो डिपेंड करता है, सुनो, बैंकर अपने ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो, किसी को भी ऑथराइज कर सकता है अगर इंडिया के बाहर है। ये बात समझ आ रही है, यस ऑर नो? अगर इंडिया के, अगर इंडिया में है तो बैंकर भी सिर्फ अपने ही ऑफिसर को ऑथराइज करेगा और किसी को नहीं करेगा, आया ना। बैंकर किसी भी एबीसी को ऑथराइज कर सकता है अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर, यस और नो, याद हो गया? विद इन इंडिया है तो कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का सीएस या बैंकर का ऑथराइज पर्सन, ये तो विद इन इंडिया वाले याद हो गए, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का सीएस और बैंकर का ऑथराइज ऑफिसर। और अगर इंडिया के बाहर है तो कॉमन सील वाला एक पॉइंट आ गया कंपनी की तरफ से, और एनी अदर ऑथराइज पर्सन जो इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में वो आ गया बैंकर के, आया ना। क्लियर है सबको? श्योर? मैं मान लू कि आपको यहाँ पूरा चार्जेस चैप्टर अच्छी तरह कंप्लीट हो गया, किसी को माइंड में कोई डाउट, कोई एम्बिग्यूटी? क्लियर है सबको? श्योर? फॉर्म नंबर्स याद हो गए, सेक्शन नंबर याद हो गए, प्रोविजन सारे क्लियर है? अगर हम बात करें क्रिएशन की तो याद करो कितने डेज है क्रिएशन और मॉडिफिकेशन में, 30+30+60+CG, सेटिस्फेक्शन में कितने दिन है, 30+270+CG, पेनल्टी कितनी है कंपनी में 1-10 लाख की और ऑफिसर में 25,000 से 1 लाख या 6 महीने या बोथ, और जो झूठ बोलेगा 447 डन। ये सेक्शन कौन सा है, 86, और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का सेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर 84, कौन से फॉर्म में जाएगा, सीएचजी 6 में, कौन भेजेगा, या बैंकर या वो बंदा खुद जिसको अपॉइंट किया गया एज अ रिसीवर, आया ना। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट में जाएगा नहीं सर, अपॉइंटमेंट के साथ साथ सेसेशन पे भी जाएगा, यस और नो? क्लियर है? तो मैं मान के चल रहा हूं कि चार्जेस चैप्टर हमें अच्छी तरह से याद हो गया। देन थैंक यू।